एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं अपनी फेमेल लीड वेवे को, जो कि किसी को मैसेज कर बता रही होती है कि बाहर बारिश हो रही है, इसलिए मैं क्लास के लिए लेट पहुंचूंगी। अब जब वो यहाँ बारिश के रुकने का वेट कर ही रही होती है, तभी पीछे से कोई पर्सन आकर गलती से उसे अम्ब्रेला मार देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। और हम देखते हैं कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि हमारा मेल लीड है, जिसका नाम सीचोंग है। जैसे ही वेवे नीचे गिरती है, उसके हाथ से कुछ इलेक्ट्रिक वेव्स निकलती हैं और वो वेव जिन लोगों पर भी पड़ती हैं, वो सभी अपने आसपास वाले लोगों को किस करने लग जाते हैं। पर सीचोंग तो उसे देखे बिना यहाँ से चले जाता है। वेवे फिर हमें अपने बारे में बताती है कि जब से वो पैदा हुई थी, तभी से उसकी बॉडी में स्टैटिक एनर्जी है, जिसकी वजह से जैसे ही उसकी हार्ट बीट फास्ट होती है, तो उसकी बॉडी में से पिकाचू की तरह एक शॉक वेव निकलती है। वो वेव जिसके ऊपर भी पड़ती है, वो अपने पास वाले पर्सन के साथ प्यार में पड़ जाता है, लेकिन एक तरीके से फेक लव होता है, क्योंकि ये सिर्फ 24 घंटे के लिए वैलिड होता है। पर अपनी सुपर पावर की वजह से वो काफी बार परेशानी में भी फंस चुकी है। वेवे अब जैसे ही क्लास पहुंचती है, तब वो बारिश की वजह से भीग गई थी और साथ ही साथ वो लेट भी हो गई थी। टीचर उसे बोलती है, क्लास तो खत्म होने वाली, तुम अब आ रही हो? तो वेवे टीचर से सॉरी बोलती है और कहती है कि एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से मैं टाइम पर नहीं आ पाई, इसीलिए टीचर उसे क्लास में ले लेती है। क्लास के बाद वेवे एक कैफे में जाती है, जहाँ पर उसकी रूममेट ट्यूशन भी काम करती है। तो वो उससे पूछती है कि तुम मीटिंग में क्यों नहीं आई, टीचर तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। ट्यूशन बोलती है कि मैंने उन्हें पहले ही बता दिया है कि मेरा पार्ट टाइम जॉब रहता है, इसलिए मैं ये सब काम नहीं कर सकती। यहाँ वेवे अपनी फ्रेंड दायशी से मिलती है और उससे पूछती है कि तुम आज सुबह मुझे पिकअप करने के लिए क्यों नहीं आई, जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि इसको ही सुबह वेवे ने मैसेज किया था। तो वो उसे बताती है कि मुझे लगता है कि मुझे किसी पर क्रश है। यहाँ फ्लैशबैक से हमें दिखाया जाता है कि दायशी अपने कॉलेज के स्विमिंग टीम का इंटरव्यू लेने के लिए जाती है, जहाँ जैसे ही स्विमिंग टीम के चैंपियन सीचोंग की एंट्री होती है, तो दायशी तो बस उसे देखती रह जाती है और उसके बारे में पूछने की बजाय खुद के बारे में बताने लग जाती है। तभी वहाँ पर खड़ा हुआ दिंगी बोल देता है कि तुम अपने बारे में क्यों बता रही हो, उसके बारे में पूछो ना। तो वो उससे कुछ सवाल करती है और फिर पूछती है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मेरा मतलब है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो फिर तुम रिलेशनशिप और स्विमिंग एक साथ कैसे मैनेज कर लेते हो? सीचोंग बोलता है कि लव नाम का वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं है, और ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है, जिससे दायशी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। प्रेजेंट में दायशी वेवे से बोलती है कि मैं सच में सीचोंग को बहुत पसंद करने लगी हूँ, तो इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वेवे बोलती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, मैंने अपनी मॉम से प्रॉमिस किया है कि मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करूंगी। दायशी उसे मनाने के लिए बोलने लगती है कि तुम्हारी जगह मसाज वाली क्लासेस में अटेंड कर लूंगी, क्योंकि प्रोफेसर तो वैसे भी तुम्हें नहीं जानते, और अगर तुमने मसाज क्लासेस अटेंड की, तो तुम अपनी पावर से लोगों को हर्ट कर दोगी। जो सुनकर वेवे कुछ सोचने लगती है, और फिर वो अपनी टीचर से बात करने के लिए जाती है, जहाँ वो उन्हें बोलती है कि टीचर, मैं इकोनॉमिक क्लासेस अटेंड कर लूंगी मसाज क्लासेस की जगह, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को मसाज देने के लायक हूँ। जो सुनकर टीचर बोलती है, कैसा तुम्हारा बकवास से एक्सक्यूज है, और अगर तुम्हें मसाज की जगह इकोनॉमिक्स चूज करना है, तो इसके लिए तुम्हें अपने एग्जाम में 90 मार्क्स लेकर आने होंगे, तभी कुछ हो सकता है। ये बोलकर टीचर वहां से चली जाती है। अब जैसे ही वेवे दरवाजा खोलकर टीचर के पास जाने वाली होती है, तभी एकदम से वहां पर सीचोंग आकर दरवाजा खोलने के लिए उसके हाथ पर हाथ रख देता है, पर फिर दोनों ये हाथ हटा लेते हैं और एक दूसरे को इशारा करके दरवाजा खोलने के लिए बोलने लगते हैं। जिन दोनों को इस तरह देखकर डिंगी खुद ही दरवाजा खोल देते हैं और बोलता है कि इतना भी मुश्किल काम नहीं था। वेवे जैसे ही अंदर जा रही होती है, तभी उसकी नजर सीचोंग के शूज पर पड़ती है और बोलती है कि अच्छा, तो तुम ही वो पर्सन हो जिसने मुझे सुबह लाइब्रेरी के बाहर गिरा दिया था। सीचोंग बोलता है कि अच्छा, तुम ही वो लड़की हो जिसने मेरा रास्ता ब्लॉक किया हुआ था, चलो जाओ जाओ, मैं तुम्हारी माफी को एक्सेप्ट करता हूँ। अब इससे पहले कि वेवे मुड़कर उससे कुछ बोल पाती, तभी धक्का लगने की वजह से वो उसके ऊपर गिर जाती है। जिन दोनों को इस तरह देखकर क्लास में सभी लोग हूटिंग करने लग जाते हैं और किस करने को बोलते हैं, इसलिए वेवे वहां से चुपचाप भाग जाती है। और देंगे सीचोंग को बोलते हैं कि आजकल लड़कियां कुछ ज्यादा ही ओपन हो गई है। शाम को हम दायशी को देखते हैं, जो कि लाइव स्ट्रीम कर रही थी। उसमें वहां पर कुछ लोग उसे सवाल पूछ रहे होते हैं कि क्या सीचोंग सिंगल है, तो बोलती है कि फिलहाल तो वो सिंगल है, लेकिन जल्दी उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। उसी वक्त रूम के अंदर वेवे आ जाती है, तो दायशी अपना लाइव स्ट्रीम बंद करके उसके पास जाकर पूछने लगती है कि क्या टीचर मान गई है। तो वेवे उसे बताती है कि अगर वो फाइनल एग्जाम में 90 या फिर उससे ज्यादा स्कोर कर पाई, तभी कुछ हो सकता है, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। दायशी बोलती है कि मैं मसाज क्लास लेने में तुम्हारी हेल्प करूंगी, इसके बदले में तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, इसलिए वेवे मान जाती है। तभी वहां पर जुनजुन नाम की एक लड़की फ्रूट्स लेकर आती है, जो कि बहुत ही कम बोलती थी और इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की थी, जिसे देखकर दायशी को तो लग रहा था कहीं गूंगी वगैरह तो नहीं है, पर वेवे उसकी गलतफहमी दूर कर देती है। अगले दिन हम सीचोंग को देखते हैं, जो कि अपनी टीम के साथ स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहाँ पर इनकी कोच ने बताती है कि 2 महीने के अंदर कंपटीशन होने वाला है, इसलिए तुम सभी को अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। इसी बीच हम देखते हैं कि वेवे दायशी के साथ यहाँ पर आ जाती है, जो कि कोच से आकर बोलती है कि मैं रिहैबिलिटेशन क्लास से हूँ,
और मैं रिहैबिलिटेशन प्रैक्टिस करने के लिए स्विमिंग टीम के मेंबर्स को मसाज दूंगी, जिसके लिए कोच भी मान जाती है और वो सीचोंग को बुलाती है। पर जैसे ही सीचोंग और वेवे एक दूसरे को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। सीचोंग बोलते हैं कि अच्छा तो तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो, जो देखकर वेवे भी ऑकवर्ड फील करती है और वो कोच से बोलती है कि मैं बाद में आ जाऊंगी, लेकिन कोच बोलती है कि नहीं अभी करो जो करना है। इसीलिए वेवे उससे बदला लेने के लिए सबसे पहले जोर जोर से उसके शोल्डर पर मसाज देती है, और वो जैसे ही नी पर मसाज करने वाली होती है तभी सीचोंग उठ जाता है और उसे दूर होने के चक्कर में वो पूल में ही गिर जाता है। फिर वो बाहर निकल कर बोलता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो, इसलिए मुझसे दूर रहो। ये बोलकर वो यहाँ से जाने ही लगता है, लेकिन दाइशी उसे रोक लेती है और पीछे से वेवे उस पर अपनी इलेक्ट्रिक पावर्स यूज करने ही वाली थी, लेकिन तभी वो वहाँ पर किसी को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और सीचोंग यहाँ से चला जाता है। बाहर आकर दायशी वेवे से पूछती है कि भला तुम रुक क्यों गई थी, तो वो बोलती है कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने किसी पुराने फ्रेंड को यहाँ पर देखा, और फिर वो उसे बोलने लगती है कि तुम चिंता मत करो, सीचोंग को मैं संभाल लूंगी। इसीलिए वो उसे मैसेज करती है कि आज जो कुछ भी हो उसके लिए सॉरी और क्या हम दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन सीचोंग उससे मिलने के लिए मना कर देता है। जिसके बाद हम सीचोंग को देखते हैं जिससे कॉलेज के बाहर उसकी मॉम मिलने के लिए आती है। वो उसके लिए काफी सारे स्नैक्स लेकर आई थी और उसे ये सभी अपने रूममेट्स के साथ शेयर करने को बोलती है। फिर जब वो यहाँ से जाने वाली होती है तब वो उसे बता देती है कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स अभी भी कॉलेज के अंदर ही है, इसीलिए सीचोंग उन्हें लेने के लिए बाहर जाने लगता है, जिसे जाता हुआ देखकर वेवे भी उसका पीछा करती है। रास्ते में वो दायशी को भी कॉल करके वहाँ पर आने के लिए बोल देती है ताकि वो इस बार उसे शौक देकर दायशी के प्यार में गिरा सके, लेकिन दायशी तो आने से पहले अपना पूरा मेकअप करने लगती है। सीचोंग का पीछा करते करते वेवे भी अब डेटा रूम के बाहर पहुंच जाती है और दायशी को मैसेज करके जल्दी से वहां पर आने को बोलती है। डेटा रूम के अंदर सीचोंग जब अपनी रिपोर्ट्स ढूंढ रहा होता है तभी उसे एहसास होता है कि कोई वहां पर है, इसलिए वो फटाफट से अपनी रिपोर्ट्स लेकर वहां से भाग जाता है। वेवे जब बाहर आती है तो उसे दायशी वहां पर मिलती है, इसलिए वो भी उसे साथ लेकर सीचोंग के पीछे पीछे जाने लगती है। बाहर जैसे ही बाकी लड़कियां सीचोंग को देखती हैं तो वो उसके पीछे पीछे जाने लगती हैं, लेकिन सीचोंग उन सभी से पीछे छुड़ाकर किसी तरह से वहां से जाने लगता है। पर तभी उसके सामने दायशी आ जाती है और वेवे सीचोंग के पीछे पिकाचू की ड्रेस पहनकर खड़ी हो जाती है उसे शौक देने के लिए। पर जैसे ही वो उसे अपना लव शौक देने ही वाली थी तभी सीचोंग पीछे मुड़कर उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे सीचोंग को लव शौक तो लग जाता है, लेकिन शौक लगते वक्त उसने वेवे को देखा था, इसीलिए अब वो उसे देखकर प्यारी सी स्माइल करने लगता है। पर तभी दायशी इन दोनों को आवाज देती है, इसीलिए मौका देखकर वेवे यहाँ से भाग जाती है। रूम के अंदर जाकर दायशी तो काफी खुश हो रही होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब सीचोंग तो उसके प्यार में गिर जाएगा, लेकिन वेवे काफी टेंशन में लग रही थी। जिसके बाद हम सीचोंग को देखते हैं जो कि अपने सामने पिकाचू हेड रखकर सोच रहा होता है कि जब से मैंने उस लड़की को देखा है ना मेरा दिल काफी जोर जोर से धड़क रहा है, और यहाँ वो वेवे के बारे में ही सोचने लगता है। अगले दिन सीचोंग अपने दोस्तों से वेवे के बारे में पूछता है, लेकिन उन्हें तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। पर तभी वो वेवे को वहां से जाता हुआ देख लेता है, इसीलिए वो भी उसके पीछे पीछे जाता है। वेवे पिकाचू की कॉस्ट्यूम वापस करने के लिए काउंसलर के पास जाती है, जहां जैसे उसे पता चलता है कि पिकाचू का हेड उससे घूम गया है तो वो उससे इसके बदले में एक्चुअल से कुछ ज्यादा ही पैसे मांगने लगता है। वेवे बोलने लगती है कि वो आधे पैसे तो दे देगी, लेकिन काउंसलर तब भी नहीं मानता। उसी वक्त वहां पर सीचोंग आकर पिकाचू का हेड उसके सर पर रख देता है और उसे बोलने लगता है कि तुम भला कैसे किसी लड़की को बुली कर सकते हो। जब वेवे उसे इस तरीके से गुस्से में देखती है तो वो उसका हाथ पकड़ कर उसे यहाँ से बाहर ले जाने लगती है। अब सीचोंग तो इस बात से काफी खुश हो रहा था कि वेवे ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, जिसे इस तरीके से जब वेवे देखती है तो वो उसका हाथ छोड़ देती है और बोलती है क्या तुम्हें लव हो गया है। सीचोंग बोलता है किससे, तो वेवे बोलती है नहीं नहीं किसी से भी नहीं। सीचोंग अब उसके काफी क्लोज आ जाता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना काफी अच्छा लगता है। जिसकी ऐसी बातें सुनकर वेवे पीछे हो रही होती है तो सीचोंग उसका सर दीवार में लगने से बचा लेता है। सीचोंग अब उससे पूछता है कि हम साथ में डिनर कर सकते हैं, लेकिन वेवे कुछ जवाब दिए बिना ही वहां से भाग जाती है और सीचोंग वहीं पर खड़ा खड़ा स्माइल करता रहता है। रूम के अंदर जाकर वेवे को अपने ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसने अपनी पावर्स गलती से अपने ऊपर यूज कर ली है। वेवे अब डैशी से मिलने के लिए जाती है और उसे बता देती है कि उसकी पावर सीचोंग पर फेल हो गई है, लेकिन तुम चिंता मत करो मैं जल्दी ही कोई नया तरीका ढूंढ लूंगी। डैशी भी बोलती है कि हाँ मैं वही सोचूं, क्योंकि अगर तुम्हारा मैजिक काम कर गया होता तो वो रात में ही मुझे मैसेज कर देता है, लेकिन सुबह तक भी उसका कोई मैसेज नहीं आया। फिर हम अपने सेकंड लीड पेंगपाई को देखते हैं जो कि एक क्लास में लेक्चर दे रहा था और वो इस यूनिवर्सिटी का एक सीनियर स्टूडेंट रह चुका था। पेंगपाई अब जब डॉक्टर से एथलीट्स के डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए जाता है, जैसे ही डॉक्टर वहां से जाती है तभी वहां पर सीचोंग आ जाता है, जो पेंगपाई को डॉक्टर का असिस्टेंट समझकर बोलने लगता है कि जब से मैं उस लड़की से मिला हूँ पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं हमेशा सिर्फ उसके बारे में ही सोचता रहता हूँ और मेरा हमेशा उसके साथ रहने को मन करता है। जिसकी ऐसी बातें सुनकर पेंगपाई बोलता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें उस लड़की से लव हो गया है।
और उसे बोलता है कि तुम्हें जाके उस लड़की से कन्फेस कर देना चाहिए। सीचंग बोलता है कि शायद मैंने ना उसे इरिटेट कर दिया है, और क्या होगा अगर मुझे हेट करने लगे तो। तो पेंग पाई बोलता है कि तुम जैसे लड़कियों को ना लड़कियां कभी भी हेट नहीं करती, इसलिए जाकर अपना लव कन्फेस कर दो। जिसकी ये बात सुनकर सीचंग खुश हो जाता है और उसे थैंक्स बोलता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आती है, जिससे उसे पता चलता है कि पेंग पाई भी एक स्टूडेंट है। जिसके बाद हम वेवे को क्लासरूम में देखते हैं, जहाँ पर सीचंग भी उसके पीछे आकर बैठ जाता है। जिसे अपने पीछे देखकर वेवे उसे बोलती है कि क्लास खत्म होने के बाद मुझसे बात करना। लेकिन क्लास खत्म होते ही सीचंग सभी के सामने बोल देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। जो सुनकर सभी लोग हूटिंग करने लग जाते हैं और वेवे को हाँ बोलने के लिए कहते हैं, पर वेवे काफी शर्मा जाती है तो वो उसे नीचे बैठाने की कोशिश करती है। लेकिन वो नीचे नहीं बैठता और बोलता है कि मैंने जो भी कहा है ना मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, तो अब तुम मुझे अपना जवाब बता दो। लेकिन वेवे एम्बेरस होकर वहां से भाग जाती है, इसलिए सीचंग भी उसके पीछे पीछे जाता है और बोलता है कि मैंने तो कहा था ना कि हम क्लास के बाद बात करेंगे, तो अब भला तो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। वेवे उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है और कल तुम इस सबके बारे में भूल जाओगे। लेकिन वो उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था, इसलिए वो यहाँ से जाने लगती है और गलती से वो सीचंग की मॉम से टकरा जाती है। मॉम पूछती है कि ये कौन है, तो सीचंग बोलता है कि मॉम ये ना मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर वेवे मना करने लगती है, लेकिन मॉम खुश हो जाती है क्योंकि उन्हें वेवे पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। वो उससे पूछती है कि यार तुम आज दोपहर को फ्री हो, तो वेवे हाँ बोल देती है। मॉम बोलती है कि अच्छा तो हमारे साथ डिनर पर चलो क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। ये बोलकर वो उसे अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगती है। वहीं कॉलेज में दिंग सभी को बता रहा होता है कि आजकल सीचंग ना काफी अजीब बिहेव कर रहे हैं और वो वेवे के पीछे पड़ा हुआ है। यहाँ वो उसकी फोटो भी दिखाता है जिसमें वेवे सीचंग की मॉम से मिल रही थी। पास वाले टेबल पर हिदायशी बैठी हुई थी, जिसे ये सब सुनकर काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। इधर डिनर के टाइम पर सीचंग के फादर ने काफी अच्छा अच्छा खाना बनाया होता है। वो वेवे को ये सब खाने के लिए कहकर उसे बताते हैं कि सीचंग पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड को घर लेकर आया है। सीचंग की मॉम बोलती है कि वेवे उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी क्लोज फ्रेंड है। सीचंग अपने पेरेंट्स से बोलता है कि बस बस अब आप लोग ऐसी बातें करके वेवे को एम्बैरस फील मत कराओ, और वेवे बताओ तुम्हें क्या खाना, मैं तुम्हारे लिए टेक अवे ऑर्डर करता हूँ। तो सीचंग की मॉम बोलती है क्यों तुम्हारे डैडी इतना अच्छा खाना बनाते हैं। ये बोलकर उसके पेरेंट्स काफी रोमांटिक होने लगते हैं। और जब वेवे सूप पी रही थी तभी उसे दायशी का वीडियो कॉल आने लगता है, जिसे देखकर उसके गले में खाना अटक जाता है और वो खांसने लगती है। तो सीचंग उसके लिए पानी लेने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी उसके घुटने में टेबल लग जाती है, जो देखकर उसकी मॉम उसे साइड में ले जाकर बात करने लगती है। जैन की बातों से हमें पता चलता है कि सीचंग को काफी टाइम पहले घुटने में एक सीरियस इंजरी हो गई थी, और क्योंकि अब वो कुछ ज्यादा इंटेंस प्रैक्टिस कर रहा था जिसकी वजह से उसका घुटना फिर से दुखने लगा था। इसलिए उसकी मॉम उसे स्विमिंग से थोड़ा ब्रेक लेने के लिए बोलती है, लेकिन सीचंग ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है कि कंपटीशन नज़दीक आ रहा है और अगर कोचिस को पता चल गया कि उसे इंजरी हुई थी तो वो लोग उसे आगे कंपटीशन में नहीं जाने देंगे, इसलिए उसने सभी से ये बात छुपाई है। जो सुनकर उसकी मॉम भी मान जाती है, पर उसे उसकी डॉक्टर की बातें मानने को बोलती है। अब ये दोनों जब डिनर करके घर से जा रहे होते हैं तो सीचंग की मॉम वेवे को काफी सारे गिफ्ट्स और स्नैक्स वगैरह देती है। जब ये दोनों कॉलेज पहुंचते हैं तो सीचंग वेवे को बोलता है कि तुम्हें घर ले जाने का मेरा आइडिया नहीं बल्कि मॉम का आइडिया था। वेवे बोलती है कि तुम मेरी तरफ से अपनी मॉम को थैंक्स बोल देना, लेकिन ये सारे गिफ्ट्स और स्नैक्स मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये दोनों ये सारी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर पेंग पाई आ जाता है और हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, पर ये ज्यादा कुछ बातें नहीं करते और वेवे यहाँ से चली जाती है। जिसके जाने के बाद पेंग पाई सीचंग से पूछता है कि क्या यही वो लड़की है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे कि तुम उसे पसंद करते हो, तो सीचंग हाँ बोलता है। इधर वेवे जब जा रही होती है तो सभी लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे क्योंकि उसकी सीचंग की मॉम के साथ वाली फोटो पूरे कैंपस में वायरल हो गई थी। जब वो अपने रूम में पहुंचती है तो दायशी वहां पर ही बैठी हुई थी, जो उससे पूछती है कि तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, पर वेवे उसकी किसी भी बात का जवाब दिए बिना उसे बताती है कि मैं आज पेंग पाई से मिली, जिसने कि अपना नाम भी चेंज कर लिया है, और उसे देखकर मैं इतनी ज्यादा हैरान हो गई थी कि मैंने उसे ठीक से बात भी नहीं की और चली आई। पर डैशी ये सारी बातों को इग्नोर करके उससे पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ पहले कि तुम्हारे और सीचंग के बीच में क्या चल रहा है, तो वो उसे बता देती है कि मेरी पावर्स गलती से मुझ पर इस्तेमाल हो गई। डैशी बोलती है कि तुमने भला मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई, तो वेवे बोलती है कि तुम नाराज होती ना इसलिए मैंने नहीं बताई, पर तुम चिंता मत करो हमारे पास प्लान भी है, वो कल तक सब कुछ भूल जाएगा फिर हम प्लान भी शुरू करेंगे, जिस पर डैशी भी मान जाती है। इधर सीचंग पेंग पाई के साथ बैठा होता है। जैन की बातों से हमें पता चलता है कि पेंग पाई वेवे को हाई स्कूल से जानता है और स्कूल में वो एक रनर थी। सीचंग भी उसे बताता है कि पहले तो वो मुझसे चिपक रही थी, लेकिन अब जब मैं उसे क्लोज जाने की कोशिश कर रहा हूँ तब वो मुझसे दूर भाग रही है, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। पेंग पाई उससे पूछता है कि अच्छा बताओ कि तुम्हें उससे लव कब हुआ। सीचंग बताता है कि पहले तो सब कुछ नॉर्मल ही था, लेकिन उस दिन जब अचानक से उसने मुझे देखा तब पता नहीं मुझे क्या हो गया,
पेंगपाई बोलता है कि क्या तुम्हें लव एट फर्स्ट साइट हुआ था उस टाइम पर, जिस पर सीचोंग बोलता है कि हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। तो पेंगपाई बोलता है कि इतनी ज्यादा जल्दीबाजी मत करो, थोड़ा आराम से रहो, जिस पर सीचोंग भी मान जाता है। रात में सीचोंग वेवे को मैसेज करता है कि मुझे यकीन है तुम्हें मुझसे प्यार जरूर होगा और मैं गिव अप नहीं करने वाला। तो वेवे उसे काम डाउन रहने के लिए बोलती है। अगली सुबह सीचोंग जब उठकर अपना फोन देखता है तो वो उसमें अपने वेवे को किए हुए मैसेज को देखकर काफी हैरान हो जाता है और उसे कल के बारे में याद आने लगता है कि उसने कल कैसी कैसी हरकतें की थी। जिसके बाद वेवे डिंगी के पास जाती है और उसे पूछती है कि क्या सीचोंग ट्रेनिंग करने वाला है, जिस पर वो उसे बता देता है और पूछता है क्या तुम उसे सरप्राइज देने वाले हो। तो वेवे हाँ बोलती है। अब जब वो कैफेटेरिया में बैठकर दायशी को मैसेज कर ही रही होती है तभी वहाँ पर पेंगपाई आकर उसे पास्ट में की गई गलती के लिए माफी मांगने लगता है। लेकिन वेवे बोलती है कि जो हो गया उसे भूल जाओ और मुझे मेरी क्लास के लिए देर हो रही है, इसलिए वो उठकर वहाँ से चली जाती है। इधर डिंगी सीचोंग से वेवे के बारे में बात करने लगता है तो वो उसे चुप करा देता है। डिंगी उसे बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, कल तो तुम कुछ ज्यादा उसके बारे में बातें कर रहे थे और आज तो मुझे चुप करा रहे हो। सीचोंग बोलता है कि उसने सही कहा था कि लव एट फर्स्ट साइड ने एकदम बकवास चीज है। डिंगी उससे पूछता है कि अगर वेवे तुम्हारे सामने आएगी तो उससे तुम कैसे बिहेव करोगे। सीचोंग बोलता है कि ये तो मेरे मूड पर डिपेंड करता है। जिसके बाद हम वेवे को देखते हैं जो कि पूल एरिया में सीचोंग का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वो वहाँ पर आते हैं तो वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग उसे बोलने लगती है कि वहाँ पर कोई डूब रहा है, जो कि और कोई नहीं बल्कि दायशी थी जो कि पूल के अंदर डूबने की एक्टिंग कर रही थी। सीचोंग उसे देखकर बोलता है कि तुमने मुझे बेवकूफ समझा है, अगर किसी को तैरना नहीं आता तो वो इतने गहरे पानी में कैसे जा सकता है। ये सब बोलकर वो वहां से जाने लगता है लेकिन वेवे उसे पूल में धक्का दे देती है। तो सीचोंग गिरते गिरते अपने साथ साथ वेवे को भी पूल के अंदर खींच लेता है और वो दोनों ही साथ में पूल में गिर जाते हैं। इधर डिंग भी वहां पर आ जाता है और जैसे ही वो दायशी को पूल में डूबता हुआ देखता है तब वो उसे बचाने के लिए आ जाता है। इसी बीच सीचोंग और वेवे की एक्सीडेंटली किस हो जाती है और वेवे की बॉडी से इलेक्ट्रिक वेव्स निकलती है जो कि सभी को लग जाती है, जिससे दायशी और डिंग दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और सीचोंग को फिर से वेवे से प्यार हो जाता है। जब ये दोनों पानी से बाहर निकलते हैं तो सीचोंग वेवे को देखकर स्माइल करने लगता है लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलता है तो उसकी आवाज़ एकदम लड़की जैसी हो गई थी, ये देखकर वो काफी जोर से चिल्लाता है। अगले दिन डिंग सीचोंग के लिए काफी सारी दवाइयां लेकर आता है उसकी आवाज़ ठीक करने के लिए लेकिन उस पर कुछ भी असर नहीं करता। तो डिंग उससे पूछ लेता है कि आखिर तुम्हारे साथ ये हुआ कैसे। सीचोंग को याद आता है जब वेवे ने उसे किस किया था तब से उसकी आवाज़ ऐसी हो गई है, इसीलिए अब वो उससे मिलने के लिए चला जाता है। वेवे उसे दूर से देख लेती है और उससे बचकर जाने की कोशिश करती है लेकिन सीचोंग उसे देख लेता है। वेवे उसे देखकर भागने लगती है लेकिन सीचोंग उसे पकड़ लेता है और जैसे ही वो उसके सामने बोलता है तो वेवे हंसने लगती है। सीचोंग बोलता है कि हंसो मत, ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। वेवे उसके मुंह पर हाथ रखकर बोलती है हाँ ठीक है मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी लेकिन तुम मुझसे बात नहीं करोगे। इधर हम डिंग को देखते हैं जब वो एक स्टोर में होता है तो दायशी भी उसे फॉलो करते हुए यहाँ पर आ जाती है और ये सब कुछ वेवे के पावर्स की वजह से हो रहा था। फिर जब वेवे क्लास में जाती है तो सीचोंग वहाँ भी उसके साथ आ जाता है और सिर्फ उसे देखता ही रहता है। क्लास के बाद काफी सारी लड़कियां सीचोंग के पीछे पड़ जाती है लेकिन वो बोल नहीं सकता था, इसलिए वेवे उन सभी को अपना नंबर दे देती है और किसी तरह इन लोगों से पीछे छुड़ाकर वो सीचोंग को लंच कराने के लिए लेकर जाती है, जहां सीचोंग उसके बगल में आकर बैठ जाता है। तभी वहां पर दायशी भी आ जाती है और उसी वक्त वहां पर डिंग भी आ जाता है। तो दायशी उसे देखने लगती है लेकिन तभी वो रियलाइज करती है ये सब मैं क्या कर रही हूँ और ये सब सिर्फ वेवे की शौक की वजह से हो रहा है। तभी खाना खाते वक्त वेवे के गले में खाना अटक जाता है तो सीचोंग उसे पानी देता है, जो देखकर दायशी को वेवे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो उठकर यहाँ से चली जाती है और वेवे भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है। डिंग सीचोंग से पूछता है कि इन दोनों को क्या हो गया, तो सीचोंग बोलता है कि पता नहीं, और अब उसकी आवाज़ एकदम नॉर्मल हो गई थी, जो देखकर वो काफी खुश होकर वेवे को मैसेज करने वाला होता है लेकिन डिंग उसे रोक देता है और बोलता है कि अगर तुमने उसे बता दिया तो वो फिर से तुम्हें भाव नहीं देगी, इसलिए थोड़ा टाइम ऐसे ही एक्टिंग करते रहो। इधर वेवे जब बाहर होती है तो वहां पर उसे पेंगपाई मिलता है जो कि उसे बात करने के लिए बोलता है लेकिन वेवे जाने लगती है, पर तभी वो देखती है कि सीचोंग भी उसे ढूंढता हुआ वहां पर आ रहा है, इसलिए वो पेंगपाई के सहारे छुपते छुपते अंदर तक पहुंच जाती है। अंदर जाने के बाद पेंगपाई उससे बातें करने लगता है तो वेवे उसे बोलती है कि प्लीज तुम हाई स्कूल की बातें अब से मुझसे मत करना, जिस पर पेंगपाई मान जाता है और वो उसे उसके मेजर के बारे में पूछता है तो वो बता देती है कि वो रिहैबिलिटेशन में मेजर कर रही है लेकिन अब उसे अपना मेजर चेंज करना है। तो वो बताता है कि मेरी एक फ्रेंड है जिसने अपना मेजर चेंज किया था, अगर तुम चाहो तो मैं उसे तुम्हें मिलवा सकता हूँ ताकि तुम उससे उसका एक्सपीरियंस पूछ सको, लेकिन वेवे उसकी बात को टाल कर यहाँ से चली जाती है। वेवे अब जैसे ही रूम में पहुँचती है तो दायशी यहाँ से जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही होती है। वेवे उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन दायशी बोलती है कि तुमने मुझसे सीचोंग वाली बात फिर से छुपाई और अगर तुम्हें उससे प्यार हो गया तो तुम मुझे बता देती ना, मैं उस पर गिव अप कर देती,
लेकिन मुझे लगता है कि शायद हम अब इतने अच्छे दोस्त नहीं रहे। वेवे उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दाइशी बोलती है कि हाँ, तुम्हारे पास तो पेंग पाई भी है ना, तुम उस पर भी अपनी पावर्स यूज करो, फिर तो तुम्हारे दो दो बॉयफ्रेंड हो जाएंगे। ये सब सुनकर वेवे को काफी बुरा लगता है और दाइशी को भी बुरा लग रहा था कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। लेकिन फिर वो रूम से चली जाती है और वेवे उसे रोकती भी नहीं, क्योंकि वो भी नाराज हो गई थी। इसके बाद वेवे अपनी क्लास मॉनिटर लिन के पास जाती है, जहाँ वो उससे पूछती है कि मैं एक्स्ट्रा मास्क कैसे ला सकती हूँ। तो वो उसे बता देता है कि मैं भी इसके लिए एक मसाज क्लब खोलने का सोच रहा था। वेवे बोलती है कि आइडिया तो अच्छा है, तो कितने मेंबर्स हैं तुम्हारे क्लब में? लिन बोलता है कि अभी तो सिर्फ तुम्हें और मुझे मिलाकर 2 मेंबर्स हैं। तो वेवे भी उसका क्लब ज्वाइन करने के लिए मान जाती है और बोलती है कि इसके लिए हमें सर्वे करना पड़ेगा। लिन अब यहाँ पर सर्वे के लिए उसे काफी सारी चीजें बताने लगता है। तभी वहाँ पर सीचोंग भी आ जाता है, जो सुनकर सीचोंग वेवे को अपने साथ बाहर ले जाता है। और वो जैसे ही कुछ बोलता है तो वेवे को पता चल जाता है कि उसकी आवाज वापस आ चुकी है, इसीलिए वो जाने लगती है। लेकिन सीचोंग उसे रोकता है और बोलता है कि तुम्हें सर्वे नहीं करना, और क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो इसलिए मैं अभी तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब क्योंकि वेवे को पता था वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाला, इसलिए वो भी उसकी मदद लेने के लिए मान जाती है। और वो जैसे ही अपने फोन में कुछ चीजों को सर्च कर रही थी, तब उसे धूप लग रही होती है, इसलिए सीचोंग उसे अपनी कैप पहना देता है। और इन दोनों के बीच में हमें एक बहुत ही क्यूट सा मोमेंट देखने को मिलता है। अब ये लोग साथ में मिलकर काफी सारे लोगों से सर्वे कम्प्लीट करते हैं और फिर कैफे में जाते हैं, जहाँ पर सीचोंग उससे फिर से अपने प्रपोजल के बारे में बात करने लगता है। तो वेवे बोलती है कि तुम थोड़ा सोचो कि अचानक से तुम मुझे इतना कैसे लाइक करने लग गए, और क्या होगा अगर कल सुबह तुम उठो और तुम्हें यही सब करने पर रिग्रेट फील हो। लेकिन सीचोंग फिर भी नहीं मानता, तो वेवे वहाँ से उठकर चली जाती है। सीचोंग अब वेवे की ऐसी हरकतों से काफी परेशान हो गया था और वो डिंग को सारी बातें बताता है। तो वो उसे बोलता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, और वो उसे वेवे को पटाने के कुछ ट्रिक्स वगैरह बताता है। सीचोंग अब एक ग्रैंड प्रपोजल की तैयारी करता है और एक मैप बनाकर वेवे को भेज देता है और उसे इस जगह पर आने को बोलता है। वेवे उस मैप के सहारे सीचोंग की बताई हुई जगह पर जाने लगती है, लेकिन वो रास्ते में ही रुक जाती है क्योंकि आगे कहाँ जाना है उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसी बीच हम पेंग पाई को देखते हैं, जो कि इसी जगह पर अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रहा था। और जैसे ही वो वेवे के पास जाता है तो वो उससे भी डिनर पर ज्वाइन करने के लिए पूछता है, लेकिन वेवे मना कर देती है। तो वो उसे बोल देता है कि यहाँ पर मेरी फ्रेंड भी आई हुई है जिसने मेजर चेंज किया था, तुम उससे बात कर सकती हो। इसलिए वो उसका हाथ पकड़ कर उसे वहाँ पर ले जाता है, जहाँ उसकी फ्रेंड उससे मिलकर मेजर चेंज करने के बारे में बताने लगती है। इसी बीच हम सीचोंग को देखते हैं, जो कि काफी परेशान हो रहा था, और वो वेवे को कॉल भी करता है लेकिन वो उसका कॉल पिक नहीं करती। तभी डिंग उसे बताता है कि नोटिस आया है, इलेक्ट्रिसिटी जाने वाली है और शायद हमारा प्लान फेल हो जाएगा। फिर वो उसे पेंग पाई के साथ वेवे की फोटो भी दिखाता है, जो देखकर सीचोंग फटाफट से वेवे के पास जाने लगता है। इधर पेंग पाई का दोस्त वेवे को बोल रहा होता है कि पेंग पाई ना बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम्हें उसे जरूर कंसीडर करना चाहिए। उसी वक्त वहाँ पर सीचोंग आकर वेवे को ले जाने लगता है, जो देखकर पेंग पाई बोलता है कि सीचोंग उसे छोड़ दो। लेकिन सीचोंग बोलता है कि ये सबसे तुम्हें क्या लेना देना, और वो वेवे को यहाँ से लेकर चला जाता है। पेंग पाई भी उनके पीछे जाने वाला था, लेकिन उसका दोस्त उसके कपड़ों पर ही वॉमिटिंग कर देता है, इसलिए वो उनके पीछे नहीं जा पाता। इधर सीचोंग वेवे को अपनी प्रपोजल वाली जगह पर लेकर जाता है और उसके लिए किया हुआ सरप्राइज दिखाता है। फिर वो उसे बोलता है, क्या तुम्हें अब रियलाइज हो गया कि मैं तुम्हारे लिए कितना सीरियस हूँ? वो उसके क्लोज आकर उसे बोलने लगता है कि मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ, और अब मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। वेवे पीछे होते होते दीवार की तरफ आ जाती है, और क्योंकि उसकी हार्ट बीट भी काफी फास्ट हो गई थी, तो जैसे ही वो गलती से एक वायर को हाथ लगाती है, उसकी सारी एनर्जी उस वायर में ट्रांसफर हो जाती है और वहां पर लगी सारी लाइटें जलने लग जाती है, जो देखकर सीचोंग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। जिस चीज का फायदा उठाकर वेवे मौका देखकर वहां से भाग जाती है, तो सीचोंग भी उसके पीछे पीछे जाता है और रोककर उससे पूछने लगता है कि मुझे बताओ कि अभी ये सब क्या हुआ था। वेवे उसे बोलती है कि मुझे जाने दो, लेकिन वो उसे जाने नहीं देता। यहाँ वेवे की हार्ट बीट और भी ज्यादा फास्ट होने लग जाती है और वो सीचोंग को हग कर देती है, जो देखकर वो तो एकदम से हैरान ही हो जाता है। अब जब वेवे की हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है, तब वो उसे दूर हट जाती है और सीचोंग उससे पूछता है कि बताओ मुझे यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। तब भी वेवे उसे कुछ नहीं बताती, पर जब वो पुलिस को बताने की बात कहता है, तो वेवे उसे रोककर बता देती है कि उसकी बॉडी इलेक्ट्रोफ्यूरियस है और मैंने अभी भी तुम्हें इसलिए हक किया था क्योंकि मैं फिर से तुम्हें शॉक नहीं देना चाहती थी, वरना तुम्हें फिर से इल्यूजन हो जाता कि तुम मुझसे प्यार करते हो। सीचोंग उसे बोलता है, लेकिन ये सब तो बिल्कुल रियल लगता है, जब भी मैं तुम्हारी आंखों में दिखता हूँ तो मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। लेकिन वेवे उसे ये बोलकर चली जाती है कि ये सब सिर्फ एक इल्यूजन है। सीचोंग अब काफी गुस्से में स्विमिंग प्रैक्टिस करने के लिए जाता है, जहाँ वो इस बार काफी फास्ट स्विम करता है।
जो देखकर डिंग खुश के साथ साथ काफी हैरान भी हो जाता है। लेकिन सीचोंग काफी गुस्से में था। फिर वो इस सब के बारे में अपने रूम में जाकर रिसर्च करने लगता है और गुस्से में वेवे को मैसेज करता है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने 48 आवर्स खोए हैं, इसलिए तुम्हें कम से कम 24 आवर्स के लिए तो मेरे साथ रहना पड़ेगा, जिसके लिए वेवे मना कर देती है। लेकिन अगले दिन सीचोंग खुद ही वेवे के पास चला जाता है और ब्रेकफास्ट ऑर्डर करता है, जिसके लिए वो उसे ही पे करने को बोलता है। और अब क्योंकि सीचोंग को उसका सीक्रेट पता था, इसलिए कोई चारा ना होने पर वेवे को मानना ही पड़ता है। पर सीचोंग यहीं पर ही नहीं रुकता, वो वेवे से अपना सारा काम कराता है। जिन दिनों को इस तरह डाइशी भी देख लेती है और वो और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तभी उसकी टक्कर डिंग से हो जाती है, जिसे देखकर उसे ऐसा लगता है कि वो ना उसे पसंद करता है, इसलिए बार बार उसके सामने आ रहा है, इसलिए वो उसे ही सुनाकर चली जाती है। और डिंग बोलता है कि तुम्हारे जैसी सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़की ना मैंने आज तक नहीं देखी, भला तुम्हें कौन लाइक करेगा, ये बोलकर वो भी चला जाता है। इधर पूरे दिन काम करवाने के बाद सीचोंग वेवे को जाने को बोलता है और बोलता है कि कल हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। वेवे बोलती है फिर से कि तुमने तो सिर्फ 24 आवर्स बोला था। सीचोंग बोलता है कि अभी तो सिर्फ कुछ घंटे ही हुए हैं ना, तुम्हें तो पूरा 24 आवर्स तक मेरे साथ रहना है, इसलिए हम कल भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन वेवे उसे मना करके यहाँ से चली जाती है। रात में हम वेवे को देखते हैं जो कि कल की क्लास के लिए पीपीटी तैयार कर रही होती है, जिसे बनाकर वो यूशिन को भेज देती है और उसे भी कल क्लास में आने को बोलती है। लेकिन तभी उसकी पेट से आवाज आती है क्योंकि उसने दिन भर कुछ खाया नहीं था। तो यूशिन उसे बोलती है कि मेरे पास नूडल्स रखे हैं, तुम उन्हें बनाकर खा सकती हो। वेवे बोलती है कि ये सब ना सीचोंग की वजह से हुआ है। सीचोंग का नाम सुनकर जुनजुन बोल पड़ती है। तो यूशिन उसे बोलती है क्या तुम बोल भी सकती हो। तभी वेवे भी उसे कहती है कि तुम्हारी आवाज काफी अच्छी है और तुम हम लोगों से बात किया करो। तो वो भी वेवे को कोक पीने के लिए देती है। अगले दिन जब वेवे क्लास में आती है तो सीचोंग भी वहाँ पर आकर उसके पीछे बैठ जाता है, जो देखकर सभी लोग इन दोनों के बारे में बातें करने लग जाते हैं। फिर जब टीचर क्लास में आकर वेवे का नाम पुकारती है तो वो कुछ भी जवाब नहीं देती, क्योंकि वो तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। इसलिए सीचोंग उसे पीछे से टच करता है, जो देखकर वो एकदम से खड़ी हो जाती है और बोलती है कि अब क्या चाहिए तुम्हें। पर जैसे उसे रियलाइज होता है कि टीचर भी उसे बुला रही थी, तो वो उनसे सॉरी बोलती है और ली के साथ प्रेजेंटेशन देने के लिए बोर्ड पर चली जाती है। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद सीचोंग वेवे से इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सवाल करने लगता है, जिस वजह से वो काफी नर्वस हो जाती है और कोई भी जवाब नहीं देती। क्लास के बाद भी सीचोंग उसके पीछे पीछे जाता है और उसे बोलता है कि तुमने 24 घंटे मेरा अटेंडेंट बनने का प्रॉमिस किया था। और वो फिर से उसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बोलने लगता है। तो वेवे गुस्से में उसे बोलती है कि क्या तुम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बोलना बंद करोगे। सीचोंग बोलता है कि अच्छा तो क्या मैं तुम्हें पिकाचू बुला सकता हूँ, जिसके लिए वेवे मना करके यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सीचोंग काफी गुस्से में कैफेटेरिया में बैठा होता है। तभी वहां पर डिंग आता है, जो उससे बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया, क्या अभी तक तुमने वेवे पर गिव अप नहीं किया। सीचोंग बोलता है कि उसके और मेरे बीच में कुछ नहीं और तुम अपने काम पर ध्यान दो, इसलिए वो भी बेचारा चुप हो जाता है। जिसके बाद हम पेंग पाई को देखते हैं, वो जिस कंपनी में काम करता है उसका बॉस उसे अपने साथ सीचोंग के घर लेकर जाता है, जहाँ वो उसके पेरेंट्स से उसे एक स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी बनाने की बात कह रहे होते हैं और बोलते हैं कि वो स्पोर्ट्स में तो काफी अच्छा है ही, साथ ही साथ वो काफी हैंडसम भी है, इसलिए आपको इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। कॉलेज में हम वेवे को देखते हैं, जो कि अपने मसाज क्लब का फॉर्म फिल करके काउंसिलर के पास जाती है उस पर साइन करवाने के लिए। लेकिन वो उस पर साइन करने की बजाय वेवे से काफी सारा काम करवाते हैं और उसे कुछ पोस्टर्स पूरे कैंपस में चिपकाने को बोलता है। जब वेवे ये सब कर देती है तब वो बोलते हैं कि अरे ये तो पिछले साल की पोस्टर्स हैं, तो तुम इन सभी को निकाल दो, जो सुनकर वेवे को गुस्सा आता है और वो ये सब करने से मना कर देती है। तो काउंसिलर से धमकी देता है कि क्या तुम अपने फॉर्म पर साइन नहीं कराने। उसी वक्त वहां पर सीचोंग आ जाता है, जो काउंसिलर को वेवे से पंगा लेने से मना करता है और वेवे को बोलता है कि तुम इसे इलेक्ट्रिफाई कर दो, जो सुनकर वेवे उसे चुप कराने के लिए उसके मुंह पर हाथ रख देती है। और सीचोंग गुस्से में काउंसिलर से बोलता है कि तुम्हारे पास पावर्स है, इसका मतलब तुम यही नहीं कि तुम स्टूडेंट्स को बुली करोगे। वो उसे और भी चीजें बोलने लगता है, जिससे डरकर काउंसिलर यहाँ से भाग जाता है और वेवे को बोलता है कि अगर तुमने पोस्टर्स नहीं उतारे तो मैं तुम्हारे फॉर्म पर साइन नहीं करूंगा। ये सब सुनकर वेवे काफी अपसेट होकर यहाँ से जाने लगती है। तो सीचोंग भी उसके पीछे पीछे जाकर उसे माफी मांगता है और बोलता है कि ये सब मेरी ही गलती है, मैं अब से इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी मुझ पर गुस्सा आ रहा है तो तुम मुझे इलेक्ट्रिफाई कर दो। जो सुनकर वे भी बोलती है कि तुम फिर से और तुम नहीं समझोगे। तो सीचोंग बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कि पहले भी तुम्हारे साथ इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मेरे से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अब यहाँ से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब वेवे स्कूल में थी तो वो गलती से लोगों को शौक दे दिया करती थी, जिस वजह से उन्हें लव इल्यूजन हो जाता था और लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी कि वेवे एक बेकार लड़की है जो हर दिन बॉयफ्रेंड बदलती रहती है। यहाँ तक कि वेवे का साथ उसके बेस्ट फ्रेंड ने भी छोड़ दिया था। वो ये सारी चीजें सीचोंग को बता रही होती है और उसे बताती है कि इन सब चीजों की वजह से मुझे अपना स्कूल चेंज करना पड़ा और जब मैं दूसरे स्कूल में गई तो वहां पर मुझे दाइशी मिली और इसी वजह से उसने अपना इलेक्ट्रिसिटी वाला सीक्रेट सभी से छुपा कर रखा हुआ है।
सीजोंग बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ और क्या तुम इसीलिए अपना मेजर चेंज करना चाहती हो, जिस पर वेवे हाँ बोलती है। जिसके बाद हम सीजोंग को देखते हैं जहाँ कोच उसकी तारीफ करती है कि आजकल वो काफी अच्छे से स्विम कर रहा है। तो डिंग बोलता है कि ये सब तो वेवे की प्यार का कमाल है, पर सीजोंग बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर कोच के जाने के बाद सीजोंग डिंग से पूछता है कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे ह्यूमन बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है। तब वो उसे काफी सारे अजीब तरीके बताता है, इसलिए सीजोंग इस सब के बारे में खुद ही रिसर्च करने लगता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता। और तभी उसे रियलाइज होता है कि जब भी वेवे उसे शॉक देती है तब वो काफी फास्ट स्विम करता है, इसलिए वो रात में वेवे को कॉल करके मिलने को बुलाता है। रात में जब वेवे उससे मिलने के लिए आती है तो सीजोंग उसे टाइम रिकॉर्ड करने का बोलकर स्विमिंग करने चला जाता है और वो 51 सेकंड्स पे अपनी रेस कंप्लीट करता है, जो देखकर वेवे बोलती है कि तुमने मुझे इस काम के लिए यहाँ पर बुलाया है। तब वो उसे खुद को इलेक्ट्रिफाई करने को बोलता है, जो सुनकर वेवे कहती है कि तुम फिर से शुरू होकर यहाँ से चली जाती है। सीजोंग भी उसके पीछे पीछे जाकर उसे रोकता है। यहाँ जैसे ही वेवे उसकी बॉडी देखती है तो वो काफी शर्मा जाती है और वो उसे शॉक देने से मना करने लगती है। सीजोंग बोलता है कि क्या तुम्हें डर है कि मैं फिर से तुम्हें लाइक करने लग जाऊंगा? तुम चिंता मत करो, इस बार जब तुम मुझे इलेक्ट्रिफाई करोगी ना तो मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा। लेकिन वेवे फिर भी उसे इलेक्ट्रिफाई करने से मना कर देती है। उसी वक्त वहां पर दो लड़के आ जाते हैं जो कि इन दोनों को इस तरह देखकर गलत समझने लगते हैं। तो वेवे सीजोंग को यहाँ से जाने को बोलती है, जिस बीच उससे गलती से सीजोंग का टॉवल गिर जाता है और वो सीजोंग की बॉडी देखकर फिर से ऑकवर्ड फील करने लगती है और यहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो उसे रोक लेता है, जिससे वेवे का हाथ सीधा उसकी चेस्ट पर लगता है, जहाँ वेवे उसे बोलती है कि जब तक तुम मुझे रीजन नहीं बताओगे तब तक मैं तुम्हें इलेक्ट्रिफाई नहीं करने वाली। तो सीजोंग उसे बता देता है कि अगर तुम मुझे इलेक्ट्रिफाई करोगी ना तो मैं फास्ट स्विम कर सकता हूँ। जिसकी ऐसी बातें सुनकर वेवे उसके सर पर हाथ रखकर चेक करती है, तो सीजोंग बोलता है अरे मैं बीमार नहीं हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। उसी वक्त वेवे को ली का कॉल आ जाता है, जिससे बात करने के बाद वेवे सीजोंग को बोलती है कि दोबारा मुझसे ऐसी बातें मत करना और यहाँ से चली जाती है। असल में वेवे ने एक मीटिंग रखी होती है जहाँ पर लिन और वेवे जुनजुन और युशिन को बताते हैं कि उन दोनों ने मसाज क्लब ओपन किया है और वो इन दोनों को भी उस क्लब को ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं, लेकिन जुनजुन और युशिन दोनों ही मना करके यहाँ से चले जाते हैं, जिस वजह से वेवे और ली दोनों ही थोड़े से अपसेट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो गिव अप नहीं करते। वेवे यहाँ पर ली से पूछती है कि क्या इलेक्ट्रिफाई करने से किसी की स्ट्रेंथ मजबूत हो सकती है, लेकिन उसको भी इस बारे में कुछ नहीं पता होता। जिसके बाद हम सीजोंग को देखते हैं, जो सोचता है कि अगर वेवे मेरी मदद नहीं करेगी तो मैं खुद को इलेक्ट्रिफाई कर लूंगा, और वो इंटरनेट से देखकर काफी सारे तरीके अपने ऊपर ट्राई करता है, लेकिन वो हर बार फेल हो जाता है। इधर वेवे आज अपनी फिजिकल मसाज की क्लास लेने के लिए जाती है, जहाँ टीचर उसे देखते ही डांटने लगते हैं और उसे क्लास से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि हर बार उसकी जगह क्लास डाइशी लिया करती थी, लेकिन अब तो वो उससे नाराज थी, इसलिए वेवे ही क्लास लेने के लिए आई हुई थी। जब वेवे बाहर होती है तब उसे वहाँ पर पैंक पैन मिलता है और ये दोनों कॉफी शॉप में चले जाते हैं। वेवे उसे यहाँ पर सॉरी बोलती है क्योंकि उस दिन वो सीजोंग के साथ अचानक से चली गई थी, लेकिन पैंक पाई इस बात को ज्यादा माइंड नहीं करता और उसे बोलने लगता है कि तुम और सीजोंग काफी क्लोज हो, तो क्या तुम्हें पता है कि सीजोंग ने स्विमिंग में इतना अच्छा होने के बावजूद भी नेशनल टीम ज्वाइन क्यों नहीं की? मैं जिस कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा हूँ वहाँ के लोग गेस कर रहे थे कि इस चीज के सिर्फ दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो उसे कोई सीरियस इंजरी हुई है या फिर वो अब्रॉड जाने के बारे में सोच रहा है। तभी वेवे को याद आता है कि सीजोंग उसे अपना घुटना टच करने नहीं दे रहा था और कल वो उसे इलेक्ट्रिफाई करके अपनी स्पीड बढ़ाने की बात कह रहा था, लेकिन वो पैंग पाई को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं बताती और बोलती है कि मुझे नहीं मालूम। तो पैंग पाई उससे पूछता है कि क्या तुम कल फ्री हो, जिस पर वेवे हाँ बोल देती है। पैंग पाई कहता है ठीक है तो फिर हम कल मूवी देखने के लिए चलते हैं, जिस पर वेवे भी मान जाती है। इधर हम सीजोंग को देखते हैं जो कि वेवे के मैसेज के रिप्लाई का वेट कर रहा होता है। तभी उसे बाहर ली मिलता है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि वेवे कहाँ पर है, तो वो उसे बता देता है कि वो तो कैफे में है, इसलिए सीजोंग भागकर वहाँ पर पहुँच जाता है और वेवे से बोलता है कि तुम भला मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही थी। पर जैसे ही वो पैंग पाई को देखता है तो चुप हो जाता है और वेवे के साइड में आकर बैठ जाता है। पैंग पाई उसे अपनी कंपनी का कार्ड देते हुए बताता है कि हमारी कंपनी तुम्हें एक सेलिब्रिटी एथलीट बनाना चाहती है, तो इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सीजोंग उसे बोलता है कि मेरा तो सिर्फ एक ही सपना है कि मैं ओलंपिक्स में जाना चाहता हूँ। पैंग पाई उसे बोलता है कि एक एथलीट की लाइफ काफी रिस्की होती है क्योंकि अगर उसे एक भी इंजरी हुई तो उसका पूरा करियर खराब हो जाता है, इसलिए तुम्हें इस ऑप्शन को भी कंसिडर करना चाहिए। तो सीजोंग बोलता है कि रिस्क तो हर चीज में होता है और उसे मना करके यहाँ से जाने लगता है। जाते जाते वो वेवे को भी अपने साथ ले जाता है। बाहर आकर वेवे उसे बेवकूफ बोलती है क्योंकि उसने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी ठुकरा दी थी और पूछती है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे,
तो सीचोंग उसे पकड़कर एक जगह पर लेकर जाता है। वो उसे बताता है कि मैंने यहाँ के डॉक्टर से बात करके खुद को इलेक्ट्रिफाई करने के लिए ये मशीन उधार ली है। ये सब बताकर वो खुद को मशीन से थेरेपी देने लगता है, जिसमें वेवे उसकी मदद करती है, जो देखकर सीचोंग बोलता है कि तुम तो थेरेपी के लिए परफेक्ट हो। जो सुनकर वेवे उसकी तरफ देखती है, और क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज थे तो वेवे काफी नर्वस होकर दूर हो जाती है और उसे बोलती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अभी तक नेशनल टीम ज्वाइन क्यों नहीं की, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। लेकिन सीचोंग उसकी बात को टाल देता है, तो वेवे उसे अपनी वॉच पहनाती है और बोलती है कि अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, जिससे मुझे पता चल जाएगा। इसलिए अब तुम मेरी आंखों में देखकर मुझे सच बताओ कि क्या तुम्हारी बॉडी ठीक है। सीचोंग जैसे ही उसकी आंखों में देखता है, तब उसकी हार्ट बीट फास्ट होने लग जाती है, और जब वो बोलता है कि उसकी बॉडी ठीक है तो उसकी हार्ट बीट और भी ज्यादा फास्ट हो जाती है, जिस चीज को वेवे ना देख ले। इसलिए वो उसकी आंखों पर हाथ रख देता है और दोनों ही बेड पर गिर जाते हैं, जिससे इन दोनों का एक क्यूट सा मोमेंट बन जाता है। और सीचोंग यहाँ पर वेवे को देखे जा रहा था, लेकिन वेवे उसे दूर हटाकर यहाँ से गुस्से में जाने लगती है। सीचोंग बाहर जाकर उसे किसी तरह से रोकता है और बोलता है कि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, और वो उसे खुद को इलेक्ट्रिफाई करने को भी बोलता है, लेकिन वेवे मना कर देती है और उसे अपनी वॉच वापस मांगती है। तो सीचोंग अपना हाथ ऊपर कर लेता है और बोलता है कि जब तक तुम मुझे इलेक्ट्रिफाई नहीं करोगी तब तक तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। वेवे उससे वॉच छीनने की कोशिश करती है, जिस वजह से वो फिर से उसके काफी क्लोज आ जाती है और नर्वस हो जाती है, जो देखकर सीचोंग उसे वॉच वापस कर देता है। तो वेवे उसे कहती है कि तुम भला खुद को इलेक्ट्रिफाई क्यों नहीं कर लेते। सीचोंग बोलता है कि जब तुम मुझे इलेक्ट्रिफाई करती हो ना, तभी मेरी स्विमिंग स्पीड फास्ट होती है। वेवे उसे बोलती है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती, लेकिन मैंने कभी भी एक ही पर्सन को बार बार इलेक्ट्रिफाई नहीं किया है। तुमने देखा था ना कि पिछली बार जब मैंने तुम्हें फिर से इलेक्ट्रिफाई किया था तब तुम्हारी आवाज खराब हो गई थी। तो सीचोंग उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, जो कुछ भी होगा वो सब मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा, उस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है। वेवे फिर भी नहीं मान रही होती, तो सीचोंग उसे पकड़कर बोलता है कि प्लीज मेरी मदद करो, स्विमिंग मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी ऐसी बातें सुनकर वेवे मान जाती है और वो उसे बास्केटबॉल कोर्ट में लेकर जाती है इलेक्ट्रिफाई करने के लिए, जहाँ वो कभी कूद कर तो कभी उछल कर अपनी हार्ट बीट फास्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। इसीलिए सीचोंग उसे एकदम से अपने पास खींच लेता है, जिस वजह से वेवे की हार्ट बीट फास्ट होने लगती है, और वो भी अचानक से आंख बंद करके उसे हक कर लेती है, ताकि शॉक लगते टाइम सीचोंग उसकी आंखों में ना देखे। अब जैसे ही सीचोंग को शॉक लगता है तो उसके बाल भी खड़े हो जाते हैं, और वो फटाफट से वेवे को प्रैक्टिस करवाने के लिए लेकर जाता है, जहां वो काफी फास्ट स्विम करता है। इसके बाद वो वेवे को डिनर के लिए लेकर जाता है और उसे बोलता है कि अपने आप को चार्ज कर लो, क्या पता फ्यूचर में तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाए और तुम मुझे इलेक्ट्रिफाई ना कर पाओ। वेवे बोलती है कि तुम मुझ पर तो शक कर सकते हो, लेकिन मेरी इलेक्ट्रिसिटी पर ना कभी भी शक मत करना। सीचोंग बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, और फिर वो उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है, जो देखकर वेवे उसे घूरती है और खुद ही खाना खाने लग जाती है, पर खाते वक्त उसके मुंह पर खाना लग जाता है, तो सीचोंग उसे अपने हाथों से साफ कर देता है, जो देखकर वेवे उसे देखती रह जाती है। रात में हम डिंग को देखते हैं, जो कि सीचोंग से मूवी देखने चलने के लिए पूछता है। सीचोंग पहले तो उस मूवी के बारे में सर्च करने लगता है, लेकिन फिर वो उसे मना कर देता है, और अगले दिन वो वेवे के पास जाकर उसे बोलता है कि मैं तुम्हें थैंक्स कहने के लिए मूवी दिखाने के लिए लेकर चलता हूँ। इससे पहले कि वेवे कुछ बोल पाती, वहाँ पर पेंगपाई आ जाता है, क्योंकि वो भी वेवे को मूवी दिखाने के लिए ले जाने वाला था, जो देखकर सीचोंग जेलस होता है और पूछता है कि तुम कौन से टाइम स्लॉट में जाने वाले हो। तो वेवे कहती है कि क्यों ना हम तीनों साथ में चले, वैसे भी अभी हम लोगों ने टिकट्स बुक नहीं की है। और अब ये तीनों ही साथ में मूवी देखने के लिए जाते हैं, जहाँ वेवे इन दोनों के बीच में बैठती है। मूवी के बीच में जब पेंगपाई वॉशरूम जाता है, तभी वेवे को नींद आने लग जाती है, इसलिए सीचोंग उसका सर अपने कंधे पर रख देता है, जो चीज जब वापस आकर पेंगपाई देखता है तब वो जेलेसी की वजह से वेवे को उठा देता है। और यहाँ ये दोनों ही राइवल्स एक दूसरे को घूरने लगते हैं। मूवी के बाद जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं, तो सीचोंग रास्ते में वेवे को चढ़ाने लगता है कि तुम तो आधी से ज्यादा मूवी में सोती रही थी। वेवे मना करने लगती है और दोनों एक दूसरे से फनी वे में बहस कर रहे होते हैं। तभी पेंगपाई बोल देता है कि वेवे को मूवी देखना पसंद नहीं है, वो तो थिएटर इसलिए जाती है क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर ना उसे बहुत ही रिलैक्स फील कराता है। जो सुनकर सीचोंग फिर से जेलस हो जाता है कि पेंगपाई तो पहले से उसके बारे में काफी सारी चीजें जानता है, और वो वेवे को कल मिलने का बोलकर यहाँ से चला जाता है, जिसके जाने के बाद पेंगपाई वेवे से पूछता है क्या तुम कल फ्री हो, लेकिन वेवे मना कर देती है। तो फिर वो उससे बोलता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल तक छोड़ देता हूँ, लेकिन इसके लिए भी मना करके वेवे यहाँ से चली जाती है और पेंगपाई अपसेट हो जाता है। अगली सुबह सीचोंग को हम बास्केटबॉल कोर्ट में देखते हैं,
तभी वहाँ पर वेवे आती है और बोलती है कि तुमने मुझे इतनी सुबह क्यों बुलाया, मेरी नींद भी ठीक से पूरी नहीं हुई है और देखो मुझे तो डार्क सर्कल्स भी आ गए होंगे। सीचंग उसके पास जाकर देखने लगता है और बोलता है कि अच्छा तुम्हें नींद आ रही है तो चलो बास्केटबॉल खेलते हैं। लेकिन वेवे बोलती है कि इस सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, इधर आओ मैं तुम्हें जल्दी से इलेक्ट्रीफाई कर देती हूँ, फिर मुझे जाना है। लेकिन जैसे ही सीचंग वेवे का हाथ पकड़ता है तो कुछ भी नहीं होता। सीचंग बोलता है वेवे कहीं तुम्हारी एनर्जी खत्म तो नहीं हो गई, पर वेवे बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता और बोलती है कि चलो मैं तुम्हें कल इलेक्ट्रीफाई करूंगी, ये बोलकर वो यहाँ से जाने लगती है। लेकिन सीचंग उसे रोक देता है और कहता है कि अगर तुमने ये बास्केटबॉल मुझसे छीन कर दिखा दी तब तुम यहाँ से जा सकती हो। वेवे उसे मना करके पीछे होने लगती है पर वो फिसलने वाली होती है तो सीचंग उसे बचाने के लिए अचानक से अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे वेवे की हार्ट बीट एकदम फास्ट हो जाती है और उसकी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी निकलकर सीचंग की बॉडी में चली जाती है। उसी वक्त वहां पर पेंगपाई भी आ जाता है जो कि इन दोनों को इस हालत में देख लेता है, जिसे देखकर ये दोनों भी पीछे हो जाते हैं और सीचंग बोलता है कि वेवे तुम्हारे अंदर तो काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी है। वेवे अभी यहाँ से चली जाती है और पेंगपाई भी उसके पीछे पीछे जाता है। सीचंग भी उनके पीछे जाने वाला था लेकिन तभी उसे एक कॉल आ जाता है इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। असल में उसका एक फ्रेंड भी कॉलेज में एक क्लब बनाना चाहता था पर जो काउंसलर होता है वो बोलता है कि अगर सीचंग मुझसे माफी मांगेगा ना तभी मैं तुम्हारे पेपर्स पर साइन करूंगा, पर सीचंग ऐसा करने से मना कर देता है। जिसके बाद हम वेवे को देखते हैं जो पेंगपाई से बोलती है कि अच्छा तुम्हें मेरा सीक्रेट हाई स्कूल से ही पता है, जिस पर वो हाँ बोलता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें स्कूल में एक दिन वीडियो गेम्स चार्ज करते हुए देखा था। फिर वो उससे पूछता है कि क्या सीचंग को भी इस बारे में पता है, तो वेवे हाँ बोल देती है। लेकिन चिंता मत करो वो किसी को नहीं बताएगा। पेंगपाई बोलता है कि क्या तुम्हें उस पर इतना ट्रस्ट है क्योंकि वो तुम्हें लाइक करता है इसलिए। अब वेवे पहले तो उसे बताने लगती है कि वो सब तो शौक की वजह से हुआ था, लेकिन फिर वो इन सब बातों को टाल कर उसे बाय बोल के चली जाती है। जब वो सीचंग के पास होती है तब उसे बता देती है कि पेंगपाई को भी उसके सीक्रेट के बारे में हाई स्कूल से ही पता है, तो वो बोलता है कि अच्छा क्या तुम्हें उस पर ट्रस्ट है कि वो किसी को नहीं बताएगा। वेवे कहती है कि कम से कम वो तुम्हारी तरह तो नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी बोलकर पूरे कैंपस में ढिंढोरा पीट देगा। तभी सीचंग उसके पास जाकर उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सीक्रेट के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा और अगर किसी ने तुम्हें बुली किया ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, ये बोलकर वो उसके कंधे पर हाथ रख देता है। वेवे बोलती है ये क्या कर रहे हो तुम और उसका हाथ हटाने लगती है, लेकिन सीचंग अपना हाथ नहीं हटाता और उसे झटके से अपनी तरफ खींच लेता है जहाँ दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं लेकिन फिर ऑकवर्ड होकर दूर हो जाते हैं। रात में सीचंग यूनियन एसोसिएशन की अकाउंट बुक चेक कर रहा होता है जिसमें वो अपनी मॉम की भी हेल्प मांगता है, जिससे उसकी मॉम समझ जाती है कि वो वेवे के लिए ये सब कर रहा है। अगले दिन स्विमिंग प्रैक्टिस के टाइम सीचंग का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, जिस वजह से कोच उसे डांटने लगती है और बोलती है कि कल रात आखिर तुम क्या कर रहे थे, देखो तुम्हारे डार्क सर्कल्स भी नजर आ रहे हैं। आगे सीचंग डिंग को इस बारे में बता देता है कि कल रात वो स्टूडेंट यूनियन के अकाउंट्स को चेक कर रहा था जिसमें उसने स्टूडेंट्स के पैसों की हेरा फेरी की हुई है। शार्यो उससे पूछता है कि ये सब तुम किस लिए कर रहे हो, तो डिंग उसे बता देता है कि ये सब तो वो वेवे के लिए कर रहा है, जिस पर सीचंग उसे डांट कर चला जाता है। जिसके बाद हम वेवे और ली को देखते हैं जो कि टीचर के पास अपना मसाज क्लब फॉर्म सबमिट कराने के लिए जाते हैं, लेकिन टीचर उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते क्योंकि उस पर काउंसलर के साइन नहीं थे। वो लोग उसे बताने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों ने काउंसलर से साइन करने के लिए कहा लेकिन वो उन लोगों की बात नहीं मान रहा, तो टीचर बोलते हैं कि बिना काउंसलर के सिग्नेचर के मैं तुम्हारा फॉर्म सबमिट नहीं कर सकती। जो सुनकर वेवे फिर से काउंसलर से बात करने के लिए जाती है लेकिन वो तो उसे ऐसे इग्नोर कर देता है जैसे कि वो यहाँ पर है ही नहीं, जो चीज जोर से खड़ी होकर दायशी भी देख रही थी, इसलिए वो उस काउंसलर को कैंटीन तक फॉलो करती है और उसके ऊपर जानबूझकर ड्रिंक गिरा देती है वेवे का बदला लेने के लिए, जो चीज डिंग भी देख लेता है और वो उसके पीछे पीछे आकर उसे बोलता है कि क्या ये सब तुमने वेवे के लिए किया है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोलती। यहाँ पर वो उसे ये भी बता देता है कि वेवे मसाज क्लब खोल रही है, जो सुनकर दायशी को गुस्सा आ जाता है कि वो उसको कुछ भी नहीं बता रही और वो यहाँ से जाने लगती है। डिंग भी उसके साथ साथ जाता है और बोलता है कि चलो डिनर पर चलते हैं। इधर हम वेवे को देखते हैं जो बेचारी काफी परेशान बैठी हुई थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी उसके पास डिंग का मैसेज आता है जो उसे बता देता है कि कैसे दायशी ने काउंसलर से उसका बदला लिया और तुम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर लो क्योंकि तुम्हारे बिना दायशी भी काफी दुखी है। वेवे अब सीधा कैफे में जाती है जहाँ जाकर वो दायशी के लिए एक स्ट्रॉबेरी केक ऑर्डर कर देती है क्योंकि ये उसका फेवरेट था, पर तभी सीचंग का कॉल आ जाने से वो यहाँ से चली जाती है। सीचंग वेवे से मिलकर उसे मिल्क टी पीने के लिए देता है जो देखकर वो काफी खुश हो जाती है क्योंकि उनके कॉलेज के आसपास तो मिल्क टी की कोई शॉप थी ही नहीं। अब वो उसे काफी मजे से पीने लगती है तो सीचंग उसे देखे ही जा रहा था। वेवे बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ है,
क्या तुम्हारा भी मिल्टी पीने का मन कर रहा है, लेकिन अफसोस तुम तो एक एथलीट हो ना, तुम ये सारी चीजें नहीं खा पी सकते। ये सब बोलकर वो उसे टीज करने लगती है, तो सी चोंग उसके हाथ से कप छीन कर सिप कर लेता है और बोलता है कि देखना मैं मिल्टी पीने के बाद भी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। जो सुनकर वेवे उसे देखने लगती है और फिर बोलती है कि अरे तुमने तो इसे झूठा कर दिया, अब मैं इसे कैसे पीऊंगी। सी चोंग अब उसे डॉम के बाहर तक छोड़ने के लिए आता है, तो वेवे उसे बोलती है कि अगर तुम्हें अगली बार मिल्टी पीना होना तो अपने लिए अलग लेकर आना। ये सब बताते हुए वो ड्यूरियन कैंडी पील कर रही होती है, तो सी चोंग भी यहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, लेकिन वो उसे बाद में मिलने से मना करती है और बोलती है कि मैं काफी बिजी हूँ। तो सी चोंग बोलता है कि क्यों, क्या हम दोनों फ्रेंड्स नहीं है? वेवे बोलती है कि हम दोनों तो काफी अलग है, तो भला हम फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं। जो सुनकर सी चोंग उसके हाथ से ड्यूरियन कैंडी लेकर खा लेता है, जिसका टेस्ट उसे काफी बेकार लगता है, लेकिन फिर भी वो उसे खाने लगता है और बोलता है कि अब तो हम फ्रेंड्स हुए ना। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है, जो देखकर वेवे भी काफी खुश होने लगती है, लेकिन फिर वो किसी तरह से खुद को कंट्रोल करती है। अगले सीन में हम ताइशी को देखते हैं, जो कि अपना स्ट्रॉबेरी केक पिक करने के लिए आती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये किसने उसके लिए ऑर्डर किया है। इसीलिए वो जब डिंग को वहाँ पर बैठा हुआ देखती है, तो उसे लगता है कि शायद उसने ही उसके लिए ऑर्डर किया होगा। वो उसके पास जाकर बोलती है कि ये सारी ना काफी पुरानी ट्रिक्स हैं, मुझे पता है कि मेरी जैसी लड़की ना तुम्हारी ड्रीम गर्ल होगी, लेकिन अपनी फीलिंग्स को थोड़ा संभाल कर रखो। जो सुनकर डिंग बोलता है कि आखिर तुम ये सब क्या बकवास कर रही हो, क्या तुम केक के बहाने मुझ पर लाइन मार रही हो। उसी वक्त वहाँ पर यूशिन आ जाती है, जो उसे बताती है कि ये केक तो वेवे ने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है। जो सुनकर वो काफी खुश और एम्बैरस्ड होने हो जाती है, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम वेवे को देखते हैं, जो कि अपने एसोसिएशन के फॉर्म पर साइन करवाने के लिए काउंसिलर के कहने पर मोप कर रही होती है, लेकिन वो जानबूझकर फ्लोर को गंदा कर देता है। जो देखकर वेवे उसे ऐसी चीप हरकतें करने से मना करती है, तो वोल्टा उसे ही बोलने लग जाता है। उसी वक्त वहाँ पर पेंगपाई आ जाता है और वो काउंसलर को वेवे को बुली करने से मना करता है, जो देखकर काउंसलर बोलता है कि वेवे तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड्स हैं और तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। वेवे पेंगपाई को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है, तो वो उसे उसकी फेवरेट ड्यूरियन कैंडी देता है और फिर वो उसे अपने साथ लाइब्रेरी चलने के लिए पूछता है, जिस पर वो मान जाती है। इधर सी चोंग यूनियन एसोसिएशन की अकाउंट बुक लाकर टीचर को दिखा देता है, जिससे टीचर को पता चल जाता है कि कैसे यूनियन काउंसलर पैसों की हेरा फेरी कर रहा है, और वो इस चीज को रिपोर्ट करने के लिए सी चोंग को थैंक यू भी बोलती है। सी चोंग अब वेवे को कॉल लगाता है, लेकिन उसका कॉल पेंगपाई उठाता है, क्योंकि वेवे लाइब्रेरी में बैठकर सो गई थी। वेवे का कॉल पेंगपाई को उठाता हुआ देखकर सी चोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके डॉम के बाहर ही जाकर उसका वेट करने लगता है। पेंगपाई जब वेवे को डॉम तक छोड़ने के लिए आता है, तो वहाँ वो उसे उन ग्लव्स को देता है, जो कि उसने हाई स्कूल से उसके लिए संभाल कर रखे थे। वेवे उसे लेने से मना कर देती है, लेकिन उसके रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है, जो चीज दूर से सी चोंग भी देख रहा था, और वो जेलस होकर वेवे को अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ वो उससे पूछता है कि तुम दिन में पेंगपाई के साथ कहाँ पर थी। तब वो उसे बता देती है कि मैं लाइब्रेरी में थी, जहाँ मुझे नींद आ गई थी। अब यहाँ जैसे ही सी चोंग उसे काउंसलर वाली बात बताने वाला होता है, तभी वो देखते हैं कि वेवे तो पेंगपाई की दी हुई ग्लव्स को देख रही होती है, जो देखकर उसे काफी जेलसी फील होती है और वो उसके हाथ से उन ग्लव्स को छीन लेता है। वेवे उसे वापस देने को बोलती है, लेकिन वो मना कर देता है। तो वो उसे बोलती है कि पेंगपाई ना कभी भी तुम्हारी तरह हरकतें नहीं करता, जो सुनकर सी चोंग को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन ग्लव्स को पूल में फेंक देता है। वेवे उसकी ऐसी हरकतें देखकर बोलती है कि क्या कभी तुम मैच्योर लोगों की तरह एक्ट कर सकते हो, और वो भी नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। सी चोंग काफी गुस्से में तो था ही, इसलिए वो पूल में कूद कर उन ग्लव्स को ढूंढने लगता है, जो कि उसे आखिर में मिल जाते हैं। फिर वो काफी गुस्से में अपने रूम में आता है, जहाँ वो देखता है कि उसका फोन भी पानी में भीगने से खराब हो गया था, और वो खुद से बोलता है कि आखिर मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि कॉलेज में नोटिस लगता है कि स्टूडेंट काउंसिलर को उसकी पोजीशन से हटा दिया गया है, क्योंकि उसने काफी पैसों की हेरा फेरी कर रखी थी। साथ ही टीचर वेवे के मसाज क्लब वाले फॉर्म पर भी साइन कर देती है, जिस वजह से वो काफी खुश होती है और पेंगपाई को थैंक्स का मैसेज करती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसने ये सब करवाया है। इधर सी चोंग डॉक्टर के पास अपनी मॉम के साथ चेकअप करवाने के लिए आया होता है, जहाँ पर वो अपने फोन को देखकर सोच रहा होता है कि वेवे ने अभी तक उसे मैसेज क्यों नहीं किया। तभी वहाँ पर झुनझुन आ जाती है और उन्हें पता चलता है कि झुनझुन डॉक्टर की बेटी है। ये दोनों बचपन में साथ में काफी खेला करते थे। सी चोंग को यहाँ पर ये भी पता चल जाता है कि झुनझुन वेवे की रूममेट है। फिर जब ये दोनों साथ में कॉलेज जा रहे होते हैं, तो सी चोंग झुनझुन से पूछता है क्या इस समय तुम्हारी क्लास होती है, जिसे झुनझुन समझ जाती है कि वो असल में वेवे के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ झुनझुन सी चोंग को एक गिफ्ट भी देती है, जिससे हम लोगों को पता चल जाता है कि वो सी चोंग को पसंद करती है। कॉलेज पहुंचकर सी चोंग वेवे से मिलकर उसे उसके ग्लव्स वापस कर देता है, और वेवे तो यहाँ इस बात से काफी खुश थी कि अब उनका क्लब खुलने वाला है। लेकिन जब सी चोंग को ये पता चलता है कि वेवे को ऐसा लगता है कि पेंगपाई ने काउंसलर को हटवाया है, तो वो काफी गुस्से में उठकर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ली और वेवे मिलकर
सभी क्लासेस में जाकर अपने क्लब की पैम्पलेट्स बांट रहे होते हैं, लेकिन ताइशी और पेंगपाई के अलावा कोई भी इनका पैम्पलेट नहीं लेता। और पेंगपाई इन लोगों को आइडिया देता है कि ये लोग जिम के बाहर जाकर पैम्पलेट्स बांटें, वहां से लोग जरूर इनके क्लब में इंटरेस्टेड होंगे। जो सुनकर ये दोनों भी वहां के लिए निकल जाते हैं और सीचोंग भी इन लोगों की बातें खड़े होकर सुन रहा था, इसलिए वो भी जिम की तरफ जाता है। सीचोंग वेवे के पास जाकर उसे बोलता है कि लगता है तुम कुछ ज्यादा ही बिजी हो, और ये कौन सा तरीका है भला पैम्पलेट्स बांटने का, इस तरीके से तुम ग्रेजुएशन तक भी पूरे पैम्पलेट्स नहीं बांट पाओगी। ये बोलकर वो उसके हाथ से पैम्पलेट्स छीन लेता है, और जब वो पैम्पलेट्स बांटता है ना तो सारे लोग लाइन लगाकर उसे पैम्पलेट लेने लगते हैं। इससे सारे पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और 250 लोग उनके क्लब को रजिस्टर भी कर लेते हैं, जिस वजह से ये दोनों काफी खुश होते हैं। अभी लोग सोचने लगते हैं कि वो लोग क्लब की पहली एक्टिविटी क्या रखेंगे। तभी ली बोलता है कि पेंगपाई ने हमारी काफी मदद की है, जो सुनकर सीचोंग बोलता है कि पेंगपाई ने भला तुम्हारी क्या मदद की है। वेवे उसे बता देती है कि पेंगपाई ने ही काउंसलर को एक्सपोज किया था, जो सुनकर सीचोंग उसे बताने वाला होता है कि असल में ये उसने किया था, लेकिन वेवे बोल देती है कि अरे तुमने भी तो हमारी बहुत मदद की है, तुम भी हमारे क्लब की सेकंड हीरो हो। जो सुनकर सीचोंग नाराज होकर वहां से चला जाता है। फिर हम दाइशी को देखते हैं जो कि कैफे में स्ट्रॉबेरी केक खरीदने के लिए जाती है, लेकिन आखिरी बचा हुआ केक डिंग ने खरीद लिया था, इसलिए दाइशी उसके पास जाकर उसे जगाने लगती है और बोलती है कि तुम फिर से, तुमने मेरा स्ट्रॉबेरी केक भी खरीद लिया। डेंगो से बोलते हैं कि अभी तक तुम सीचोंग की गर्लफ्रेंड से झगड़ रही हो। ताइशी बोलती है तुम चुप करो, वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। और यहाँ वो उसे बहस करने के बाद उसका केक उसे छीनकर खा लेती है। फिर हम सीचोंग और वेवे को एक साथ देखते हैं, जहाँ वेवे की बात उसे सीचोंग नाराज होकर जाने लगता है, तो वेवे उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझसे इतना नाराज क्यों हो रहे हो। सीचोंग उसे पीछे मुड़कर बताने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि पीरियड्स की वजह से वेवे के पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए वो उसे अपनी पीठ पर बैठाकर उसके डॉर्म तक ले जाने लगता है, जहाँ बहुत ज्यादा दर्द हो जाने पर वो उसे सोफे पर बैठा देता है और वेवे उसके कंधे पर सर रख लेती है, तो सीचोंग भी प्यार से उसके ऊपर हाथ रख लेता है। अब जैसे ही वेवे को थोड़ा ठीक फील होता है तो वो अपनी आंखें खोलती है, तभी वहां पर दाइशी भी आ जाती है, जो कि वेवे को इस तरह देखकर उसे अपने साथ रूम के अंदर ले जाती है। रूम में आकर वेवे काफी खुश होती है क्योंकि अब दाइशी वापस आ गई थी, और वो उसे ब्राउन शुगर वाटर बनाकर देती है ताकि उसे थोड़ा अच्छा फील हो सके, और फिर ये दोनों साथ में बातें करने लग जाते हैं। इधर हम सीचोंग को देखते हैं जो कि रात में सिर्फ वेवे के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन तभी वो खुद से कहता है कि अरे ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो वेवे का शौक भी नहीं लगा, फिर भी मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ। अगले दिन लियो और वेवे अपने मसाज क्लब की ओपनिंग पार्टी के लिए डेकोरेशन कर रहे थे, जहाँ वेवे जब एक डेकोरेशन पीस को लटका रही होती है तब उसकी हाइट छोटी होने की वजह से वो ये नहीं कर पा रही होती। ये देखकर सीचोंग उसके पास आता है और उसे गोद में उठाकर नीचे उतार देता है, फिर खुद चेयर पर चढ़कर उस डेकोरेशन पीस को लगा देता है और बोलता है कि तुम्हारी हाइट छोटी है, तुम ये नहीं कर पाती, तो तुम्हें बोल देना चाहिए ना। ये बोलकर स्माइल करते हुए वहां से जाता है और वेवे तो बस उसे देखती रह जाती है। अब पार्टी शुरू होती है जहाँ पर सब कुछ अच्छे से चल रहा था, जिसके बाद लिए एक्यूप्रेशर के ऊपर लेक्चर देना शुरू करता है, साथ ही वो डिंग के ऊपर एक्यूप्रेशर प्रैक्टिस भी कर रहा था, जिस वजह से वो बेचारा दर्द से चिल्ला रहा होता है, जो देखकर दाइशी और बाकी लोगों को काफी मजा आ रहा था। इसी बीच वहां पर पेंगपाई कुछ सामान देने के लिए आता है, जिसे देखकर वेवे उसके पास जाती है और उसकी मदद करने के लिए उसे थैंक्स बोलती है, फिर पेंगपाई यहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर सीचोंग काफी जेलस हो रहा था, इसीलिए वो वेवे को बात करने के लिए बाहर जाता है और बोलता है कि आखिर तुम्हारी और पेंगपाई के बीच में क्या चल रहा है। वेवे कहती है तुम क्या बोल रहे हो। तभी वहां पर दो लड़के आ जाते हैं जो कि इन दोनों को इस तरह देख लेते हैं और सीचोंग को ये बोलकर चले जाते हैं कि हमने कुछ नहीं देखा। इसी बीच मौका देखकर वेवे भी यहाँ से चली जाती है और सीचोंग नाराज होने लगता है और सोचता है कि ये जरूर पेंगपाई को लाइक करती होगी। जिसके बाद हम जुनजुन को देखते हैं जिससे बॉटल नहीं खुल रही होती, तो शाहरुख आकर उसकी मदद करता है और उससे पूछता है कि तुम भी रिहैबिलिटेशन क्लास में हो, जिस पर जुनजुन हाँ में सर हिलाती है और शाहरुख यहाँ पर उसे हाथ मिलाकर अपने बारे में बताने वाला होता है, लेकिन जुनजुन चुपचाप यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम योशिन को देखते हैं जो कि काफी खुश होकर रिहैबिलिटेशन क्लब की पार्टी में जा ही रही होती है, लेकिन तभी उसे उसकी स्टेप मॉम का कॉल आ जाता है, जो कि उसके और उसकी मॉम के बारे में काफी बुरा भला कहने लगती है और उसकी डैड भी उसकी बिल्कुल साइड नहीं ले रहे होते, जिस वजह से वो काफी गुस्से में डॉर्म में जाने लगती है। फिर हम वेवे को देखते हैं जो कि पार्टी के डेकोरेशन के सामान को हटा रही होती है और सब लोग वहां से जा चुके थे। तभी वहां पर सीचोंग आकर जैसे ही वेवे को आवाज लगाता है तो वेवे टेबल से नीचे गिरने वाली होती है, जिसे सीचोंग बचा तो लेता है लेकिन उसका घुटना जोर से जमीन पर लग जाता है। और यहाँ जब दोनों एक दूसरे को संभाल रहे होते हैं तभी पीछे से वॉचमैन आकर दरवाजा लॉक कर जाता है। वेवे दरवाजे के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करती है और वॉचमैन को आवाज भी लगाती है, लेकिन उसने कानों में हेडफोन्स लगाए हुए थे
इसीलिए उसे उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। तीचोंग के घुटने में काफी दर्द हो रहा था। तभी वेवे उसके पास आकर बताती है कि दरवाजा लॉक हो गया है, इसलिए वो अपना फोन चेक करने लगती है डाइची को कॉल करने के लिए। लेकिन उसे याद आता है कि उसका फोन तो डाइची के पास है, इसलिए वो सीचोंग का फोन मांगती है। लेकिन वो भी झूठ बोल देता है कि मेरा फोन भी डिंग के पास है, ताकि वो उसके साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड कर सके। दूसरी तरफ हम डाइची और डिंग को एक साथ देखते हैं, जहाँ दाइशी वेवे को कॉल लगाकर पूछने वाली होती है कि वो कहाँ पर है, पर तभी वो देखती है कि वेवे का फोन तो उसके पास ही है। इधर सीचोंग और वेवे एक साथ होते हैं, जहाँ पर वेवे सीचोंग को बोलती है कि तुम्हें घुटने में चोट लगी थी ना, इसलिए तुम मुझे बार बार इलेक्ट्रिफाई करने के लिए बोल रहे थे ताकि तुम्हारी चोट ठीक हो सके। तो सीचोंग उसके सामने एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ऐसा हुआ था। वेवे उससे पूछती है कि तुम्हें चोट कैसे लगी थी, तो सीचोंग बताता है कि एक बार एक बच्चे को बचाते हुए उसके घुटने में चोट लग गई थी और वो तो वहीं पर बेहोश हो गया था, तब उसकी किसी ने जान बचाई थी। जो सुनकर वेवे बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ब्रेव होगे। फिर वो भी उसे बताने लगती है कि पहले मैं भी सोच रही थी कि मेरी जो इलेक्ट्रिफाई करने वाली पावर्स है ये बहुत ज्यादा बेकार है, लेकिन जब मैंने अपनी पावर से किसी की जान बचाई तब से मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी पावर सच में यूजफुल है। वो ये सब उसे बता रही होती है। इसी बीच सीचोंग को नींद आ गई थी और वो सीधा वेवे के कंधे पर गिरता है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सर रखकर सो जाते हैं। अगली सुबह जैसे ही वेवे की आंख खुलती है तो वो सीचोंग को बड़े प्यार से सोता हुआ देख रही थी, लेकिन उसी वक्त सीचोंग की आंख भी खुल जाती है और दोनों ही काफी ऑकवर्ड होकर दूर हो जाते हैं। वेवे सीचोंग से पूछती है कि क्या तुम्हारा घुटना अब ठीक है, जिस पर वो हामी जवाब देता है। तभी उसका फोन बज जाता है, जिस पर उसे डिंगी का कॉल आया हुआ था, जो देखकर वेवे उसे घूरने लगती है क्योंकि कल उसने कहा था कि उसका फोन तो डिंग के पास है। और सीचोंग यहाँ पर फोन पे बात करने के बहाने बाहर चला जाता है। फिर हम सीचोंग को उसकी बाकी टीममेट्स के साथ देखते हैं, जहाँ पर कोच आकर उन्हें बताती है कि जल्दी ही उनका इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होने वाला है। तभी सीचोंग को भी उसकी मॉम का मैसेज आता है, जो उसे बताती है कि कल तुम्हारी एक डॉक्टर से मीटिंग है जो कि अमेरिका से आया है। जिसके बाद पेंग पाई सीचोंग से अपने बॉस के कहने पर बात करने के लिए आता है, क्योंकि कल उनकी कंपनी में बहुत ही फेमस एथलीट सुनयांग आने वाला था, इसलिए वो सीचोंग को भी वहां पर इनवाइट करता है, लेकिन सीचोंग मना कर देता है। तभी वहां पर वेवे आती है, जो कि सीचोंग के लिए स्नैक्स लेकर आई थी। पेंग पाई वेवे को बोलता है कि कल हमारी कंपनी में सुनयांग आ रहा है, तो सीचोंग तो नहीं आ रहा तो क्या तुम आना पसंद करोगी, जिस पर वेवे फट से मान जाती है क्योंकि सुनयांग उसका भी आइडल था। सीचोंग उसे बोलने लगता है कि तुम भला वहाँ पर कैसे जा सकती हो, वहाँ पर काफी सारे लोग होंगे तो तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। पेंग पाई बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसका ख्याल रख लूंगा, जो सुनकर सीचोंग जेलस होता है। फिर जब वेवे क्लासरूम में होती है, तभी ली वहाँ पर आकर उसे बताता है कि कुछ ही दिनों में उनका रिहेबिलेशन का एग्जाम है, जहाँ उन्हें मसाज करने के लिए अपने एक पार्टनर को साथ में लेकर जाना होगा। जो सुनकर वेवे दाइशी को मैसेज करती है, लेकिन वो उसे बोलती है कि उस दिन उसे कुछ काम है, इसलिए वो उसके एग्जाम में उसके पार्टनर बनकर नहीं आ पाएगी। तभी वहाँ पर दो लड़की भी आते हैं, जो उन्हें बताने लगते हैं कि आजकल उनके कैंपस में कोई ऐसा बंदा घूम रहा है जो कि लड़कियों की चुप चुप कर फोटो लेता है, इसलिए वो जुनजुन और वेवे को ध्यान रखने के लिए बोलते हैं। रात में डायशी वेवे से बोलती है कि सॉरी मैं तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, तो क्या तुम्हें कोई पार्टनर मिल गया है, जिस पर वेवे बताती है कि हाँ मुझे पार्टनर मिल गया है। यहाँ वो उसे ये भी बता देती है कि कल वो सुनयांग से मिलने के लिए जा रही है, वो भी पेंग पाई की कंपनी में, जो सुनकर डाइशी उसे बोलती है कि तुम तो सच में काफी बुद्धू हो, तुम और पेंग पाई क्या फिर से एक साथ होने वाले हो, जिस पर वेवे मना कर देती है। अगले दिन वेवे जब सुनयांग की फोटोज देखकर खुश हो रही होती है, तब सीचोंग उसे बताता है कि भले ही सुनयांग ने स्विमिंग छोड़ दी है, लेकिन वो मेरा भी आइडल है और उसने ही मुझे मेरा पहला मेडल दिया था। वेवे उसे भी चलने के लिए बोलती है, लेकिन सीचोंग बोलता है कि उसे कुछ काम है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे डॉक्टर से मिलने के लिए कहा था, यही कारण था कि वो जाने के लिए मना कर रहा था। लेकिन वेवे तो अब भी सुनयांग की फोटो को देखकर स्माइल किए जा रही थी, जो देखकर सीचोंग उससे फोन छीनकर उसके साथ एक सेल्फी क्लिक करता है और बोलता है कि रख लो क्या पता तुम फ्यूचर में मुझे सिर्फ टीवी में ही देख पाओ। पर वेवे उस फोटो को डिलीट करने लगती है, जो देखकर सीचोंग उसे रोकता है। और यहाँ इन दोनों को ऐसे करते हुए शाहरुख भी देख रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेवे पेंग पाई की कंपनी के बाहर पहुंच जाती है, जहाँ पर सुनयांग के काफी सारे फैंस भी आए हुए थे। पर पेंग पाई उसे सुनयांग से मिलाने के लिए साइड से अंदर लेकर चला जाता है, जो चीज दो लड़कियां देख लेती है। इधर डिंग सीचोंग को साथ में लंच करने के लिए बोलता है और बताता है कि दाइशी भी मेरे साथ में है तो तुम वेवे को भी बुला लो, लेकिन वो उसे बता देता है कि वेवे तो बाहर गई है। फिर जब ये लोग लंच करने के लिए कैंटीन में बैठे होते हैं, तब दाइशी सीचोंग को बोलती है कि तुम भला वेवे को पेंग पाई के साथ कैसे जाने दे सकते हो, हाई स्कूल में पेंग पाई एक ऐसा पर्सन था जिसे वेवे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती थी, लेकिन जब उसे काफी ज्यादा बुली किया जा रहा था तब पेंग पाई भी उसके साथ छोड़कर चला गया और अब उसने अपना नाम भी बदल लिया क्योंकि शायद वो वेवे को फेस करने से डर रहा था और अब वो सुनयांग के बहाने उसे क्लोज होने की कोशिश कर रहा है।
जो सुनकर सीचोंग वहाँ से खाना छोड़कर ही चला जाता है। फिर हम वेवे को देखते हैं जो कि सोनियांग से मिलती है और काफी खुश हो रही थी। वो उसके साथ एक फोटो भी क्लिक करवाती है और एक पोस्टर भी उसका ऑटोग्राफ भी लेती है सीचोंग के लिए। जो सारी चीजें बाहर से वो दोनों ही लड़कियां देखकर काफी जल रही थी कि आखिर इस जैसी अगली लड़की अंदर कैसे जा सकती है, जरूर ये लड़का तो इसका बॉयफ्रेंड होगा। पैंग पाई अब सोनियांग को बाहर छोड़ने के लिए जाता है और वेवे काफी खुश हो रही थी, तभी वो दो लड़कियां अंदर आ जाती है और बोलने लगती है कि तुम इतनी अगली हो, तुम अपने बॉयफ्रेंड के सहारे यहाँ पर आई हो, और बहुत कुछ बोलकर उसे एक लड़की हिट करने ही वाली होती है। तभी वेवे उसका हाथ पकड़ लेती है और गलती से उसे थोड़ा सा शॉक लग जाता है, जिससे वो शोर मचाने लग जाती है और काफी सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं। पैंग पाई की एक कलीग उन लोगों को समझाने की कोशिश भी करती है। इसी बीच हम सीचोंग को देखते हैं जो कि कंपनी के बाहर पहुंचकर वेवे को कॉल कर रहा था, लेकिन वो इतने शोर के बीच में उसका कॉल नहीं उठा पाती, इसलिए सीचोंग सिक्योरिटी गार्ड को धक्का देकर कंपनी के अंदर आ जाता है। वहीं दूसरी लड़की भी वेवे को हिट करने वाली होती है, तभी सही वक्त पर सीचोंग आकर उसे रोक देता है और वेवे को यहाँ से बचाकर ले जाता है। बाहर जाकर सीचोंग उससे पूछता है कि तुम ठीक हो, तो वेवे हाँ बोलती है। सीचोंग बोलता है कि अगर आगे से कोई भी ऐसी परेशानी हो ना तो तुम भी रिएक्ट किया करो, और अगर कोई तुम्हें हिट करे तो तुम भी उसे हिट करो, लेकिन फिर वो बोलता है कि रहने दो, तुम इस सब के लिए बहुत वीक हो, मैं ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इधर पैंग पाई जब सोनियांग को छोड़ के वापस आता है तो उसकी कलीग उसे सारी सिचुएशन के बारे में बताती है, जो सुनकर वो वेवे का बैग लेकर भागते हुए उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन सीचोंग उससे बैग छीनकर उसे डांटने लगता है और कहता है कि तुम मैंने वेवे को यहाँ पर बुलाया था तो तुम उसे अकेला छोड़कर क्यों गए। पैंग पाई इस चीज के लिए माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे इस सब के बारे में पता नहीं था। सीचोंग बोलता है कि हाई स्कूल में भी तूने उसके साथ ऐसा ही किया था और वो तेरी वजह से ऑलरेडी काफी हर्ट हो चुकी है, इसलिए अब से तो उसके आसपास मत दिखना। ये बोलकर वो वेवे को यहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से पैंग पाई बोलता है कि उस दिन मेरे डैड का एक्सीडेंट हो गया था। अभी यहाँ फ्लैशबैक से हमें दिखाया जाता है कि जिस स्कूल में सभी बच्चे और उसके पेरेंट्स वेवे को उल्टे सीधा बोल रहे थे, तभी पैंग पाई वहाँ पर आने ही वाला था, लेकिन उसे उसकी मॉम का कॉल आता है जो कि उसे उसके डैड के एक्सीडेंट के बारे में बताती है, इसलिए पैंग पाई वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट में वो बता रहा होता है कि उसके फादर की डेथ के बाद उन लोगों ने घर बेच दिया। वो उसे यहाँ पर ये भी बताता है कि मैंने तुम्हें कॉन्टैक्ट करने की काफी कोशिश भी की, लेकिन तुमने अपना नंबर, स्कूल वगैरह सब कुछ बदल दिया था, जो सुनकर वेवे को उसके लिए काफी बुरा लगता है और पैंग पाई उसकी ये सारी बातें सुनकर इन दोनों को अकेला छोड़कर यहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम वेवे को देखते हैं जिसका आज रिहैबिलिटेशन का एग्जाम था, जहाँ सीचोंग उसका मसाज पार्टनर बनकर आता है और जब वेवे उसे मसाज दे रही होती है तो उस वक्त सीचोंग बस उसे देख ही जा रहा था। फिर हम यूचिन को देखते हैं जो कि अपना सारा सामान लेकर अब डॉर्म के अंदर ही रहने के लिए आ गई थी और सामान ले जाने में लिन उसकी मदद करता है। इधर ये दोनों अब स्नैक्स लेने के लिए जाते हैं और फिर जब वापस आ रहे थे तो सीचोंग पैंग पाई को देखकर वेवे के आगे खड़ा हो जाता है ताकि वो उसे ना देखे, लेकिन पैंग पाई पीछे से आवाज लगा देता है और वो वेवे को उसके पसंद के स्नैक्स देता है, जिसके लिए वेवे उसे थैंक्स बोलती है। ये देखकर सीचोंग जेलस हो जाता है और वो अपने लाए हुए स्नैक्स भी उसे देकर वहां से चला जाता है। उसी वक्त वेवे को भी कॉल आ जाता है तो वो भी चली जाती है, जिसके बाद हम सीचोंग को देखते हैं जिसे उसकी मॉम कॉल करके काफी डांटती है क्योंकि उसने अमेरिकन डॉक्टर के साथ अपनी अपॉइंटमेंट मिस कर दी थी। तो सीचोंग बोल देता है कि मैं उस वक्त इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मैं वेवे के साथ था और उस वक्त वो वेवे को बचाने के लिए गया था। फिर हम लिन और यूशिन को देखते हैं जो कि अपने क्लब की प्रपोजल को लेकर टीचर के पास जाते हैं, जहाँ लिन बताता है कि इस प्रपोजल के लिए हमारे सभी क्लासमेट्स ने काफी मेहनत की है, स्पेशली वेवे ने। टीचर बोलती है कि वो भला इतनी मेहनत क्यों कर रही है, वो तो वैसे भी मेजर चेंज करने वाली है। जो सुनकर लिन वेवे से बात करने के लिए उसे कैफे में बुलाता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम रिहैबिलिटेशन के लिए एकदम फिट हो, तो फिर भला तुम मेजर क्यों चेंज कर रही हो। यूशिन भी यहाँ पर आकर उसे रीजन बताने को कहती है ताकि वो लोग उसकी मदद कर सके, पर वेवे को समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें कैसे बताया कि वो इलेक्ट्रिक फ्यूरियस है, इसीलिए जैसे ही सीचोंग का कॉल आता है तो वो बहाना करके वहाँ से चली जाती है। वेवे जैसे ही सीचोंग के पास पहुँचते तो उसे बोलती है कि क्या हो गया है, तुम्हें इतने कॉल्स क्यों कर रहे थे। सीचोंग बोलते है तुम मेरा कॉल उठा क्यों नहीं रही थी, तो वेवे उसे बता देती है कि वो ली के साथ थी और वो काफी नाराज हो रहा था क्योंकि उसे उसकी मेजर चेंज करने वाली बात पता चल गई थी, जो सुनकर सीचोंग खुश हो जाता है कि अच्छा तो तुम ली के साथ थी। फिर वो उसे हाथ पकड़कर बाहर घुमाने के लिए ले जाता है। ये दोनों मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो वेवे उससे पूछती है कि तुम भला मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। सीचोंग बोलता है कि मैंने कभी डेटिंग नहीं किया आज से पहले, तो मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे करते हैं। वेवे बोलती है कि हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं, जरा अपनी जुबान संभाल के बात करो। तो सीचोंग वहाँ पर मौजूद एक कपल को देखकर बोलता है कि अच्छा तो फिर क्या रिलेशनशिप है हम दोनों का। जो सुनकर वेवे नर्वस होकर कहती है कि जो कुछ भी है लेकिन डेटिंग तो हम दोनों नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद सीचोंग वेवे को कपल टी शर्ट दिलाता है और बोलता है कि ये कपड़े बहुत ही अच्छे हैं, पता लगना चाहिए ना कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं। ये बोलकर वो उसे सनग्लासेस पहनाने वाला होता है लेकिन वेवे उसे रोक देती है। तो सीचोंग बोलता है कि अरे शौक क्यों दे रही हो, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें लाइक करूं तो वैसे ही बोल दो ना। पर वेवे उसे कहती है कि मैंने तो तुम्हें कल से कोई भी शौक नहीं दिया है, जो सुनकर सीचोंग हैरान हो जाता है।
फिर ये दोनों कुछ खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर सीचोंग उस वेवे को ही देखे जा रहा था। तो वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। ये बोलकर वो उसका फीवर चेक करने लगती है, लेकिन सीचोंग उसका हाथ पकड़कर उसे खींच देता है और पूछता है कि क्या सच में तुमने कल से मुझे शॉक नहीं दिया। तो वेवे बोलती है कि हाँ सच में। रात में हम पेंग पाई को ऑफिस में उसकी कलीग के साथ देखते हैं, जो उसे बोलती है कि तुम्हें जल्द से जल्द अपनी दिल की बात वेवे को बता देनी चाहिए। अगले दिन जब वेवे और डाइशी क्लास के लिए जा रहे होते हैं, तभी एक लड़की वेवे को ब्रेकफास्ट लाकर देती है, जो कि पेंगपाई ने उसके लिए भेजा था। जो देखकर डाइशी बोलती है कि इसे तो लड़की पटाने की काफी सारे ट्रिक्स पता है। उसी वक्त उसे पेंगपाई का कॉल आ जाता है, जो कि उसे डिनर पर चलने के लिए पूछता है, जिसके लिए वेवे मान जाती है। क्लासरूम में वेवे दायशी को बता देती है कि पेंगपाई ने उसे डिनर के लिए इनवाइट किया है, जो सुनकर दायशी कहती है कि वो जरूर तुम्हें लाइक करता है, लेकिन वेवे उसकी बात पर यकीन नहीं करती। रात में हम सीचोंग को देखते हैं, जो कि वेवे के डॉर्म के बाहर उसका वेट कर रहा था। तभी वहां पर दायशी आती है, तो सीचोंग उसे वेवे के बारे में पूछता है कि वो कहां पर है, क्योंकि वो मेरे कॉल्स नहीं पिक कर रही। दायशी उसे बता देती है कि उसके पास तो ऑलरेडी पेंगपाई है और वो उसके साथ बाहर गई है। सीचोंग पूछता है कि क्या वो दोनों रिलेशनशिप पे हैं, जिस पर दायशी बोलती है कि फिलहाल तो नहीं, लेकिन जल्दी ही हो जाएंगे, जो सुनकर सीचोंग गुस्से में यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम वेवे को देखते हैं, जो कि पेंगपाई के साथ डिनर के लिए आई होती है। तभी उसे जुनजुन का मैसेज आता है, जो उससे बोलती है कि क्या तुम मुझे कॉलेज के गेट पर पिक करने के लिए आ सकती हो, क्योंकि कोई मेरा पीछा कर रहा है। जो सुनकर वेवे फटाफट से जुनजुन की मदद करने के लिए वहां से निकल जाती है। वो कॉलेज पहुंचकर जुनजुन को कॉल करती है, पर उस वक्त जुनजुन भी उसे कॉल कर रही थी, इस वजह से उसका फोन बिजी आ रहा था। वेवे अंदर आकर जुनजुन को ढूंढने की कोशिश करती है, तभी उसे सीचोंग का कॉल आ जाता है, जो उसे पूछता है कि तुम कहां पर हो, मैं तुम्हें अभी पिक करने के लिए आ रहा हूं। पर वेवे उसे बता देती है कि मैं तो कॉलेज में ही हूं, मैं जुनजुन को ढूंढ रही हूं, क्योंकि उसे कोई फॉलो कर रहा था। इधर हम जुनजुन को देखते हैं, जिसे कोई और नहीं बल्कि शारुए फॉलो कर रहा था, क्योंकि उसे भी पता था कि उनके कॉलेज में कोई साइको स्टॉकर घूम रहा है, इसीलिए वो बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन जुनजुन ने उसे गलत समझ लिया था। दूसरी ओर वेवे जब सीचोंग से बात कर रही होती है, तभी उसके पीछे वो स्टॉकर आ जाता है, पर क्योंकि उस वक्त वेवे की हार्ट बीट काफी फास्ट थी, तो जैसे ही वो बंदा वेवे को टच करता है, उसे शॉक लग जाता है, जिस वजह से वो बंदा और दोनों वेवे जोर से चिल्ला देते हैं, जिनकी आवाज सुनकर शारुए और जुनजुन भी वहां पर पहुंच जाते हैं। वेवे काफी घबराई हुई थी और वो अपने हाथ पीछे कर लेती है, पर शारुए उसके हाथों की तरफ ही देखने लग जाता है। ये लोग अब नाइट सिक्योरिटी गार्ड के पास जाकर अपनी कंप्लेंट लिखवाते हैं कि उन्होंने उस स्टॉकर को देखा था और उसे मारकर भगा दिया, जो सुनकर सिक्योरिटी गार्ड वेवे से बोलता है कि भला तुमने उसे कैसे भगाया। अब वेवे को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, वो काफी घबराई हुई थी। तभी वहां पर सीचोंग भागते हुए आता है, जो बोलता है कि मैंने वेवे को सेल्फ डिफेंस के लिए इलेक्ट्रिक स्टन गन दिया हुआ है। जो सुनकर वेवे उसकी तरफ देखने लगती, देखते हैं कि कॉलेज में नोटिस लगा दिया जाता है कि आजकल कॉलेज में एक स्टॉकर घूम रहा है, इसलिए सभी लोगों को सावधान रहना चाहिए। जो देखकर सीचोंग वेवे से बोलता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तो डाइशी बोलती है कि तुम्हें भला वेवे की इतनी चिंता क्यों हो रही है। जो सुनकर डिंग बोलता है कि क्यों, तुम्हें जेलसी हो रही है क्या, अगर तुम चाहती हो कि कोई तुम्हें प्रोटेक्ट करो तो इसके लिए मैं हूं ना, और मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट भी दूंगा। और यहाँ ये दोनों फिर से बहस करने लग जाते हैं, लेकिन वेवे यहाँ से अपसेट होकर चली जाते हैं, तो सीचोंग भी उसके पीछे पीछे जाता है। असल में वेवे को टेंशन हो रही थी कि कल उसे किसी ने देख तो नहीं लिया, पर सीचोंग बोलता है कि चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। फिर वो उसे एक लॉलीपॉप देकर क्लास के बाद मिलने को बोलकर चला जाता है। जिसके बाद हम जुनजुन को देखते हैं, जो कि आज अपनी फ्रेंड से मिलने वाली होती है, तो वो लोग उसे वहां पर अपने साथ सीचोंग को भी बुलाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों बचपन में एक साथ खेलते थे, इसीलिए जुनजुन उससे पूछने के लिए एक लेटर लिखने लगती है। पर उसी वक्त वहां पर वेवे आ जाती है, जो उसे बताती है कि मैं कल रात के इंसिडेंट वाली जगह पर चेक करने के लिए जा रही हूँ कि क्या वहां पर कोई सीसीटीवी है। तो जुनजुन भी उसके साथ जाती है, जहां वो देखते हैं कि वहां पर तो सच में एक सीसीटीवी लगा हुआ था, जो देखकर वेवे टेंशन में आ जाती है कि कहीं उसकी शॉक देने वाला इंसिडेंट कैमरा में रिकॉर्ड तो नहीं हो गया। अब जुनजुन उसे जबरदस्ती करके सीसीटीवी ऑफिस में लेकर जाती है, ताकि वो कल रात वाली फुटेज को चेक कर सके, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उन्हें बताता है कि कल रात उस जगह की सीसीटीवी पर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। ये सब बोलकर वो उन्हें यहाँ से भेजने लगता है, पर तभी वेवे नोटिस करती है कि वो स्टॉकर भी वैसे ही चल रहा था जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड चल रहा है। वेवे बाहर आकर ये बात जुनजुन को बताती है, तभी वहां पर सीचोंग भी आ जाता है, और जब वो ये बात सीचोंग को बताती है, तो वो उस पर काफी गुस्सा करता है कि वो अकेले ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट करने के लिए कैसे जा सकती है, तुमने मुझे क्यों कॉल नहीं किया। जिसे वेवे की इतनी चिंता करता हुआ देखकर जुनजुन को काफी बुरा लगता है, और सीचोंग के जाने के बाद वो भी यहां से उठकर चली जाती है। रात में अब वेवे सीचोंग को इलेक्ट्रीफाई करने के लिए पूल के पास जाती है, जहां वो रनिंग करके अपनी हार्ट बीट बढ़ाती है,
और सीचोंग को इलेक्ट्रीफाई करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तो सीचोंग अचानक से उसे अपनी गोद में उठा लेता है, जिससे वेवे की हार्ट बीट एकदम से ज्यादा फास्ट हो जाती है और वो सीचोंग को इलेक्ट्रीफाई कर देती है। ये देखकर वेवे सीचोंग पर गुस्सा होने लगती है, लेकिन वो उसे मना लेता है। वेवे बोलती है कि अगर मैं कभी अपनी इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल ना कर पाई तो तुम्हें चोट भी लग सकती है। लेकिन सीचोंग बोलता है कि तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। फिर वो स्विमिंग करने के लिए जाता है और इस बार वो काफी फास्ट स्विम करता है। अब ये सभी लोग स्टॉकर को पकड़ने का प्लान बनाते हैं, जिसके लिए वो डिंको एज अ ट्रैप यूज करने का सोचते हैं और उसे लड़की की तरह ड्रेसअप करके गर्ल्स वॉशरूम में लॉक कर देते हैं, क्योंकि वहां पर वो स्टॉकर बहुत ही फ्रिक्वेंटली जाता था। ये सभी लोग अब काफी देर तक उस स्टॉकर का वेट करते रहते हैं, लेकिन वो नहीं आता और बाहर इन लोगों को बैठे बैठे नींद आने लग जाती है। जहाँ जब वेवे नींद में सीचोंग के कंधे पर सर रख देती है तो सीचोंग उसे किस करने के लिए उसके क्लोज आने लगता है, लेकिन तभी वो डेंगू और स्टॉकर को भागते हुए देखता है। उसी वक्त बाकी लोग भी उठ जाते हैं और स्टॉकर को पकड़ने लगते हैं। वेवे ने ऑलमोस्ट स्टॉकर को पकड़ ही लिया था, लेकिन वो उसे धक्का मारता है, जिससे वो सीधा सीचोंग के ऊपर जाकर गिरती है और दोनों के एक्सीडेंटली किस हो जाती है, जो देखकर ये दोनों काफी हैरान हो जाते हैं और साथ ही साथ बाकी लोग भी। लेकिन तभी उठकर ये लोग स्टॉकर को पकड़ लेते हैं और ये लोग देखते हैं कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि सच में सिक्योरिटी गार्ड ही था। फिर ये लोग पुलिस को बुलाकर उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं और पुलिस इन सभी लोगों की तारीफ करती है। शाहरुख यहाँ पर बोलता है कि सीसीटीवी में भी उस दिन का इंसिडेंट रिकॉर्ड हुआ होगा, पर सीचोंग बोलता है कि मैंने चेक कर लिया है, उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। ताइशी बोलती है कि चलो हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए चलते हैं और सभी खुश होकर जाने लगते हैं। लेकिन वेवे काफी सैड थी कि कहीं उसकी सच्चाई सीसीटीवी के जरिए सबके सामने ना आ जाए। तो सीचोंग बोलता है कि तुम चिंता मत करो, सीसीटीवी फुटेज कुछ दिन बाद अपने आप ही डिलीट हो जाएगी। अब जब ये लोग सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं तो जुनजुन अपने बैग से इन सभी के लिए एक सील्ड बैनर निकाल रही होती है, लेकिन तभी वो लेटर उसके बैग से बाहर गिर जाता है, जो कि वो सीचोंग के लिए लिख रही थी और क्योंकि उस पर उसके रूम का नंबर लिखा हुआ था। जो चीज डिंग देख लेता और बोलता है कि क्या तुमने मेरे लिए लव लेटर लिखा है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। पर दाइशी उसे बकवास बंद करने के लिए बोलती है और जुनजुन से पूछने लगती है कि बताओ तुम किसे पसंद करती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। जो सुनकर जुनजुन सीचोंग की तरफ इशारा करती है, जो देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन फिर वो एकदम से शाहरुख की तरफ इशारा कर देती है, जो देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं और उन दोनों के लिए चीयर्स करते हैं। ये सभी लोग अब सेलिब्रेट करने के बाद वापस जा ही रहे थे, जहाँ दाइशी ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी और बेचारा डिंग तो उसे संभाल भी नहीं पा रहा था, तो वेवे और जुनजुन उसे लेकर डॉर्म के अंदर चले जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि कोच सीचोंग की टीम को बताती है कि कल उन लोगों का वार्म अप मैच होने वाला है, इसलिए सीचोंग वेवे को मैसेज करके कल वहां पर आने के लिए बोलता है। जिसके बाद हम वेवे को देखते हैं, जिसे पेंगपाई मिलने के लिए बुलाता है और बताता है कि कल मेरा बर्थडे है तो तुम मेरी बर्थडे पार्टी में जरूर आना। जो सुनकर वेवे परेशान हो जाती है कि कल वो किसके पास जाए, सीचोंग के पास या फिर पेंगपाई के पास। अगले दिन पेंगपाई अपने बर्थडे की तैयारी कर रहा होता है, जहाँ पर आज वो वेवे को अपनी फीलिंग्स बताने वाला होता है। इधर मैच ऑलमोस्ट शुरू ही होने वाला था और जब सीचोंग देखता है कि वेवे अभी तक वहाँ पर नहीं आई तो वो दाइशी से उसके बारे में पूछता है, जो उसे बताती है कि वो तो सुबह ही चली गई थी और वो शायद पेंगपाई की बर्थडे पार्टी में गई है। जो सुनकर सीचोंग काफी अपसेट हो जाता है, उसका ध्यान सिर्फ वेवे पर ही था और मैच शुरू होने पर वो पूल के अंदर भी लेट जंप करता है। इधर वेवे जब बाहर होती है तभी दो लड़कियां सीचोंग का मैच देख रही थी, जिसमें वो काफी बुरा परफॉर्म कर रहा था। ये देखकर वेवे भागती हुई सीचोंग के पास जाने लगती है, लेकिन तभी उसे रास्ते में पेंगपाई की कलीग मिल जाती है, जो उसे बोलती है कि या तुम पेंगपाई की बर्थडे पार्टी में नहीं गई। तो उसे बता देती है कि मुझे कुछ जरूरी काम है। वहीं सीचोंग भी मैच में काफी बुरा परफॉर्म करता है, जिससे वो हार जाता है और शाहरुख फर्स्ट आता है। सीचोंग इतना ज्यादा अपसेट था कि वो पूल से गुस्से में निकल कर बाहर चला जाता है और उसके टीममेट्स भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। सभी लोग भी ये सारी चीजें देखकर हैरान थे। दूसरी ओर पेंगपाई की कलीग वेवे को बताती है कि आज वो तुमसे अपना लव कन्फेस करने वाला है। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है। वेवे अब पेंगपाई की बर्थडे पार्टी में नहीं जाती, इसके बदले वो उसे गिफ्ट सेंड कर देती है और उसे मैसेज करके ना आने के लिए सॉरी बोलती है। फिर वेवे जब तक वहां पर पहुंचती है तब तक मैच खत्म हो चुका था और दाइशी उसे बता देती है कि सीचोंग हार गया। जिसके बाद हम सीचोंग को देखते हैं, जो कि काफी गुस्से में अपने रूम में गेम खेल रहा होता है। डिंग यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करता है कि कोई बात नहीं, तुम वेवे की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे क्योंकि वो तुम्हारा मैच देखने के लिए नहीं आई, इसलिए तुम शाहरुख से हार गए, वरना तुम उसे कभी भी नहीं हारते। पर सीचोंग उसे अपने मुंह बंद करने के लिए बोलता है। इधर वेवे सीचोंग को मैसेज कर ही रही होती है, लेकिन तभी वो सोचती है कि मैं कल उससे मिलकर ही माफी मांग लूंगी। पर सीचोंग सोच रहा होता है कि वेवे ने अभी तक उसे एक भी मैसेज नहीं किया, वो जरूर पेंगपाई की बर्थडे पार्टी में काफी इंजॉय कर रही होगी, जिस वजह से उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अगली सुबह वेवे सीचोंग से मिलने के लिए आती है और वो उसके लिए कुछ स्पोर्ट्स के सामान भी लेकर आई थी, लेकिन सीचोंग उसे लेने से मना कर देता है। वेवे उसे माफी मांगती है कि कल वो उसके मैच में नहीं आ पाई, पर सीचोंग यहाँ से जाने लगता है तो वेवे उसे कहती है कि अगर तुम इस तरह से बिहेव करोगे ना तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। सीचोंग बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे अब से तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। अब ये लोग जब फिर से एक दूसरे को मिलते हैं
तब सीचोंग वेवे को इग्नोर करके चला जाता है, जो देखकर वेवे भी काफी अपसेट हो जाती है। तो डेंगो से बताता है कि तुम सीचोंग का मैच देखने के लिए नहीं आई थी ना, जिस वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो गया था और वो हार गया, इसी वजह से वो तुमसे काफी नाराज है, जो सुनकर वेवे भी अपसेट होकर यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम फिर से सीचोंग को देखते हैं, जिसकी तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा था और वो गुस्से में भी वेवे के बारे में सोचे जा रहा था। अगले दिन हम वेवे को देखते हैं, वो भी काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होती है। तभी वहाँ पर स्टूडेंट यूनियन की नई प्रेसिडेंट आती है, जिससे लिन वेवे और अपने क्लासमेट्स को इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट का असिस्टेंट बताता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही अच्छा है, उसने पुराने प्रेसिडेंट को एक्सपोज किया था, लेकिन वेवे बोलती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी वो बोल पड़ता है कि क्या सच में सीचोंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, जो सुनकर वेवे सोच में पड़ जाती है और उसे यहाँ पर पता चलता है कि पुराने प्रेसिडेंट को पेंग पाई नहीं बल्कि सीचोंग ने एक्सपोज किया था, इस वजह से वो उससे पहले भी नाराज हो रहा था। वेवे जब अपने फ्रेंड्स के साथ होती है तभी वो इसी सब के बारे में सोच रही थी और वो उन्हें कुछ काम है बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम जुनजुन को देखते हैं, जो जब अपनी फ्रेंड के साथ होती है तभी शारवे उसके पास आकर उसे बातें करने लगता है, जो देखकर उसकी फ्रेंड उसे उसका बॉयफ्रेंड समझ लेती है और वहाँ से इन दोनों को अकेला छोड़कर चली जाती है। शारवे उसे कन्वीनियंस स्टोर तक चलने के लिए पूछता है, जिस पर जुनजुन मान जाती है। वहाँ जाकर जुनजुन उसे उस दिन के लिए माफी मांगती है और कहती है कि उस दिन मैं काफी नर्वस थी, इसलिए मैंने तुम्हारी तरफ इशारा कर दिया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। पर शारवे को ये बात पहले से पता थी और वो उसे बोलता है कि पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक इंट्रोवर्ट था और लोगों से बात नहीं कर पाता था, इसलिए तुम्हें देखकर मुझे अपना पास्ट याद आता है और मैं तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ। जो सुनकर जुनजुन भी खुश होकर उसे हाँ कर देती है और दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि वेवे सीचोंग के पास आई होती है, जहाँ वो बाहर खड़े होकर सोचने लगती है कि वो उसे कैसे बात करेगी। पर जैसे ही वो अंदर जाती है तो देखती है कि सीचोंग तो पूल के पास बेहोश पड़ा हुआ था। ये देखकर वो उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं उठता तो वो उसे CPR देने लगती है। तभी सीचोंग को थोड़ा सा होश आता है और वेवे को देखकर उसे कुछ चीजें याद आने लगती है, जो देखकर वो उसे किस कर देता है और बोलता है कि क्या वो तुम थी। पर ये बोलकर वो फिर से बेहोश हो जाता है। फिर वो उसे यहाँ से इन्फर्मरी में लेकर जाती है। हॉस्पिटल में जब सीचोंग की आंख खुलती है तब देखते हैं कि वेवे उसके पास ही सो रही है। और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि एक बार रास्ते में एक बच्चे का एक्सीडेंट होने वाला था, जहाँ सीचोंग भागकर उस बच्चे को तो बचा लेता है लेकिन उसके घुटने में चोट लग जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। वेवे जब रास्ते में उसे इस हालत में देखती है तो वो उसके पास आकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिससे उसे होश आ जाता है। फिर वो एम्बुलेंस को कॉल करके उसे बचा लेती है, यानी कि पास में वेवे ने ही सीचोंग को बचाया था। प्रेजेंट में जब सीचोंग देखता है कि वेवे उठने वाली है तब वो सोने का नाटक करता है। वेवे उठकर देखती है कि सीचोंग का फीवर तो जा चुका है, इसलिए वो बाहर जाने लगती है, लेकिन सीचोंग उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और बोलता है कि हाई स्कूल में तुमने किसी की जान बचाई थी। वेवे बोलती है कि भला तुम्हें ये बात कैसे पता, अब इससे पहले कि वो उसे बता पाता। तभी वहाँ पर उसके सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं। तभी वेवे को भी पेंग पाई का कॉल आ जाता है, जो कि उसे कैंटीन में साथ में लंच करने के लिए बुला रहा था। तो वेवे जाने लगती है और सीचोंग को कहती है कि मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लेकर आऊंगी, जो देखकर सीचोंग फिर से नाराज हो जाता है। वेवे पेंग पाई से मिलकर उसके बर्थडे पार्टी में ना आने के लिए उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट मिल गया था। पेंग पाई उसे बोलता है कि क्या तुम उस दिन इसलिए नहीं आई क्योंकि तुम सीचोंग का मैच देखने के लिए गई थी, और क्या तुम उसे पसंद करती हो। जो सुनकर वेवे को वो किस वाला मोमेंट याद आता है, लेकिन फिर भी वो पेंग पाई को ये बोल देती है कि नहीं ऐसा नहीं है, और वहाँ से सीचोंग के लिए लंच पैक कराकर लेकर चली जाती है। इधर सभी टीचर सीचोंग को लेकर परेशान थे कि वो आखिर रिसेंट मैच में फर्स्ट क्यों नहीं आया। तभी उन्हें पता चलता है कि उसकी डॉक्यूमेंट्स डेटा रूम से मिसिंग थे, इसलिए वो लोगों ने ढूंढने का डिसाइड करते हैं। इधर वेवे जैसे ही सीचोंग के पास वापस जाती है तो देखती है कि वो तो वहाँ से जा चुका है। डिंग और शारवे उसे बताते हैं कि वो ना काफी नाराज है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी वो डॉर्मेट्री में चला गया, जो सुनकर वेवे को सीचोंग की फिक्र होने लगती है। तो ये बोलते हैं कि अगर तुम्हें उससे मिलना है तो हम तुम्हें मिलवा सकते हैं। फिर वो उसे कुछ इस तरह से उसके ऊपर कपड़ा ढककर उसे अपनी डॉर्मेट्री में लेकर जाने लगते हैं ताकि उसे कोई देख न ले, और ये बहुत ही फनी सीन होता है। अब जैसे ही वेवे सीचोंग के रूम में पहुंचती है तो वो थोड़ी ऑकवर्ड हो रही थी, वो उसे लंच देती है। तो सीचोंग नाराज होकर पूछता है कि तुम अभी पेंग पाई से मिलने के लिए गई थी ना, तुमने उससे क्या बातें की। वो उसे बता देती है कि मैं उसके बर्थडे पर नहीं जा पाई थी ना, इसलिए मैं उससे माफी मांग रही थी। जो सुनकर सीचोंग खुश होकर बोलते हैं कि क्या तुम उसकी बर्थडे पार्टी में नहीं गई थी। वेवे बोलती है कि हाँ, लेकिन तुम इतना क्यों खुश हो रहे हो। फिर वो उसे बोलने लगती है कि तुम मैच हार गए और तुम बीमार भी हो, तो इसलिए तुम ज्यादा परेशान मत हो, और शायद अब मेरी इलेक्ट्रोथेरेपी तुम पर काम नहीं कर रही है। तो सीचोंग बोलता है कि हाँ, ये बात तो मुझे पहले से ही पता है, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ रहोगी और तुम मेरा हर मैच देखने के लिए आओगी तो मैं हमेशा जीतूंगा। जो सुनकर वेवे बोलती है कि ऐसा क्यों। तो सीचोंग उसे बताने वाला होता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन वो एकदम से रुक जाता है और ये बोलकर बाहर चला जाता है कि
मैं ना पानी की बॉटल्स लेकर आता हूँ। बाहर आकर भी वो काफी खुश होने लगता है। इधर डिंग दायशी को बताता है कि वेवे ना सीजोंग के रूम में है और उसका ख्याल रख रही है, जो सुनकर दायशी कहती है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं हो सकता, वो तो वेवे को पसंद नहीं करता ना। तो डिंग बोलता है कि भला तुम क्यों इतना जेलस हो रही हो, पर दायशी फिर भी उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वहीं वेवे उसके रूम में बैठकर बोर हो रही होती है, तभी वो वहां रखे एक रोबोट को देखने के लिए जाती है, लेकिन उससे गलती से एक बैग नीचे गिर जाता है जिसमें उसे एक फाइल मिलती है। वो जैसे ही उस फाइल को देखने वाली होती है तभी वहां पर सीचोंग आ जाता है, और जब वो देखता है कि वेवे के हाथ में उसकी रिपोर्ट्स हैं, तो वो भागते हुए वेवे के पास जाकर रिपोर्ट्स छीनने के लिए उसे पीछे से पकड़ लेता है। चाहे इतने क्लोज होने की वजह से पहले तो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन फिर वेवे उससे दूर हो जाती है और उसे याद आता है कि उस दिन सीचोंग डेटा रूम में यही रिपोर्ट चुराने के लिए गया था। तो वो उससे पूछती है कि तुमने भला एग्जामिनेशन रिपोर्ट क्यों चुराई। सीचोंग बोलता है कि मैंने चुराई नहीं है बल्कि मैंने तो बोरो की है। वेवे बोलती है क्या तुम इसे बोरो करना कहते हो, और भला तुमने ऐसा क्यों किया। तो सीचोंग कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी मेरी रिपोर्ट्स को देखे, स्पेशली नेशनल टीम के लोग, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मुझे टीम में कभी भी नहीं लेंगे, और तुम चिंता मत करो अब मेरा घुटना काफी ठीक है। वेवे अब उसका हाथ पकड़कर उसे डेटा रूम की तरफ ले जाने लगती है रिपोर्ट्स वापस रखने के लिए, और बताती है क्या तुम्हें पता है कि ये कितना सीरियस है। अभी लोग डेटा रूम तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन इन दोनों के पास कीज नहीं थी, तो वेवे अपनी पावर से डोर लॉक खोल देती है, जो देखकर सीचोंग बोलता है कि ये तुमने क्या किया। तो वेवे कहती है चिंता मत करो, पहले भी किसी ने इसे रिपेयर कर दिया था। तो सीचोंग बोलता है कि इसका मतलब पहले भी तुम यहाँ पर आ चुकी हो, पर उसी वक्त इन्हें यहाँ पर किसी के आने की आवाज आती है, तो ये दोनों जल्दी से रूम के अंदर चले जाते हैं। वेवे अब सीचोंग के काफी क्लोज होने की वजह से उसे दूर होने लगती है, लेकिन सीचोंग उसे अपने पास खींचकर बोलता है कि पिछली बार तुम ही थी ना डेटा रूम के अंदर, अच्छा हुआ तुम्हारी जगह कोई और नहीं था। जिसके बाद ये दोनों साथ में मिलकर डिनर करते हैं, जहाँ वेवे उससे बोलती है कि तुमने मुझे अपना सीक्रेट क्यों बताया। तो सीचोंग बोलता है कि मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे भी तो अपना सीक्रेट बताया था, जो सुनकर वो स्माइल करने लग जाती है। अगले दिन ली अपनी तीनों क्लासमेट्स को स्पोर्ट्स टीम में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलता है, लेकिन तीनों ही मना कर देते हैं। यहाँ वेवे उसे बोलती है कि क्या तुम मुझे नी थेरेपी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा सकते हो। तो वो उसे कहते हैं कि ये तो सेकंड सेमेस्टर में है, लेकिन वेवे बोलती है कि कोई बात नहीं मुझे उसके बारे में जानना है, इसलिए ली उसे पढ़ाने लगता है। वेवे अब काफी मेहनत करके काफी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगती है, ताकि वो ये सब जानने के बाद सीचोंग की चोट को ठीक करने में उसकी मदद कर सके। सीचोंग जब वेवे से मिलता है तो उसे बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, देखो तुम्हारे तो डार्क सर्कल्स भी आ गए हैं। तो वो उसे बता देती है कि वो उसकी नी के ट्रीटमेंट के लिए देर रात तक इस सब के बारे में ही पढ़ाई कर रही थी, ताकि वो उसकी मदद कर सके। हालांकि ये सब करने से इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन लिन एक ऐसी फैमिली से है जो कि एक्यूपंचर प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए वो तुम्हारी मदद जरूर कर सकता है। लेकिन सीचोंग मना कर देता है और कहता है कि ऐसे तो उसे मेरी इंजरी के बारे में पता चल जाएगा, जो सुनकर वेवे भी कहती है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। तभी सीचोंग को डिंग का कॉल आता है, जो कि उसे जल्दी से कॉलेज में वापस आने को बोलता है। जिसके बाद हम चुनचुन को देखते हैं, जिसे शाहरुख ने मिलने के लिए बुलाया था, जहाँ वो उसे उसके फेवरेट एनिमे कैरेक्टर का एक स्टिकर देता है। तभी वहाँ पर सीचोंग की मॉम भी आ जाती है, जो कि सीचोंग को ढूंढ रही थी क्योंकि वो उनका कॉल पिक नहीं कर रहा था। तो शाहरुख बताता है कि वो तो अभी भी टीचर के ऑफिस में गया है, इसलिए वो उन्हें वहाँ की तरफ ले जाने लगता है। इधर सीचोंग जब टीचर के ऑफिस में जाता है तो वहाँ पर उसे काफी डांट पड़ती है उसकी रिपोर्ट छुपाने के लिए, और टीचर को यहाँ पर ये भी पता चल जाता है कि उसकी नी में इंजरी है। उसकी ऐसी हरकत की वजह से उस पर डिसिप्लिनरी रिएक्शन भी लिया जा सकता था, ये सब बोलकर टीचर उसे काफी डांटती है। इधर वेवे जब बाहर वेट कर रही होती है, तभी वहाँ पर सीचोंग की मॉम जुनजुन और शाहरुख आ जाते हैं। सीचोंग जैसे ही बाहर आता है तो उसकी मॉम उसे डांटने लगती है और जल्दी से हॉस्पिटल चलने को बोलती है चेकअप करवाने के लिए। साथ ही वो वेवे को भी ले जाने लगती है और बोलती है कि जब तुम सीचोंग के साथ में होती हो ना तो वो काफी सिक्योर फील करता है, जो सुनकर जुनजुन काफी अपसेट हो जाती है, जिसे अपसेट देखकर शाहरुख को भी काफी बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं कि सीचोंग की मॉम उसे चेकअप के लिए नहीं बल्कि ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लेकर आई होती है, जहाँ वो वेवे को अपने साथ बाहर ले जाती है और उसे बताती है कि उसने तुम्हें अपना सीक्रेट बताया है, जरूर तुम पर वो काफी ज्यादा ट्रस्ट करता है। यहाँ उसकी मॉम उसे ये भी बताती है कि लास्ट टाइम मैंने उसकी एक अमेरिकन डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स की थी, पर वो वहाँ पर इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि वो सुनयांग से मिलने के लिए गया था। जो सुनकर वेवे को याद आता है कि शायद ये उस दिन की बात होगी जब सीचोंग उसे पेंगपाई की कंपनी में बचाने के लिए आया था। आगे सीचोंग की मामू उसे बताती है कि अगर ज्यादा लोगों को उसकी इंजरी के बारे में पता चलेगा तो सीचोंग और भी ज्यादा प्रेशर में आ जाएगा, इसीलिए वेवे पूछती है कि क्या कोई तरीका नहीं है जिससे सीचोंग की इंजरी ठीक हो सके। तो उसकी मॉम बोलती है कि फिलहाल के लिए तो पता नहीं, और अगर सीचोंग एथलीट नहीं बन पाया तो पता नहीं क्या होगा। जो सुनकर वेवे बोलती है कि आंटी आप ऐसी बातें मत करो, मैं रिहैबिलिटेशन में मेजर कर रही हूं और मेरे मॉनिटर ने मुझे बताया है कि रिहैबिलिटेशन से नी इंजरी वगैरह ठीक हो सकती है। जो सुनकर उसकी मॉम काफी खुश हो जाती है और वो वेवे को सीचोंग का ध्यान रखने के लिए बोलती है। ये दोनों अब कॉलेज वापस आ जाते हैं,
जहाँ सीचोंग वेवे से पूछता है कि मेरी मॉम ने तुमसे क्या बातें की, लेकिन वो बोलती है कि ये तो एक सीक्रेट है। अगले दिन कॉलेज में लगे एक नोटिस से सभी लोगों को सीचोंग की इंजरी के बारे में पता चल जाता है, जो सुनकर वेवे भी उसके लिए काफी परेशान होती है। तभी उसे पेंग पाई का मैसेज आता है, जो कि उसे साथ में लंच के लिए बुलाता है, जहाँ वो उसे सीचोंग की इंजरी के बारे में पूछता है। तो वेवे उसे बोल देती है कि ज्यादा डिटेल्स के बारे में तो मुझे भी नहीं पता, और क्या अब भी तुम्हारी कंपनी उसे साइन करेगी। जिस पर पेंग पाई बोलता है कि इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन शायद अभी कुछ हो सकता है। वेवे अब लिन से बात करने के लिए जाती है और बोलती है कि मैंने भी अब एक्यूप्रेशर लर्न करना स्टार्ट कर दिया है, तो मैं कब तक किसी को मसाज देना शुरू कर सकती हूँ। ली उसे बताता है कि इसके लिए तो तुम्हें 3 साल लग जाएंगे, और उसे बताने लगता है कि कैसे वो तो बचपन से अपने डैड से एक्यूप्रेशर सीख रहा था। जो सुनकर वेवे को आइडिया आता है और वो उसे बोलती है कि क्या तुम सीचों को मसाज दे सकते हो, जिस पर वो काफी खुश होकर मान जाता है। और वेवे से बोलता है कि पर तुम्हें भी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, वो भी रिले रेस के लिए, जिस पर वो भी मान जाती है। इधर सीचोंग जब प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी अचानक से उसकी नींव में दर्द होने लग जाता है। उसी वक्त वहाँ पर उसकी कोच आकर उसे डांटने लग जाती है और उसे बोलती है कि अगर तुमने हमें इंजरी वाली बात पहले बता दी होती तो आज ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। वो उसे यहाँ पर बहुत डांटती है और कहती है कि तुम डरपोक लोगों की तरह सच्चाई से भाग रहे हो, इसलिए इस सब के बारे में सोचो। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है और सीचोंग भी उन्हें कुछ नहीं बोल पाता। फिर सीचोंग को पेंग पाई का मैसेज आता है, जो उसे बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हमारी कंपनी अब भी तुम्हें साइन करेगी और तुम्हें इस बारे में जरूर सोचना। लेकिन सीचोंग उनका कॉन्ट्रैक्ट लेटर डस्टबिन में फेंक देता है। पेंग पाई को देखते हैं, जिसके पास वेवे आकर उसे बोलती है कि क्या तुम सोनियांग को सीचोंग से मिलवा सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि सीचोंग की करंट सिचुएशन में सोनियांग की उसकी मदद कर सकता है। पेंग पाई बोलता है कि ये तो काफी डिफिकल्ट काम है और मैं पूरी कोशिश करूंगा। वेवे अब सीचोंग की क्लासरूम में जाती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता। तो डेंगो से बता देता है कि वो तो अपने घर चला गया है, वो किसी से बात नहीं कर रहा और उसका फोन भी ऑफ है। जो सुनकर वेवे को सीचोंग की काफी चिंता होने लगती है और वो उससे बोलती है कि पता नहीं सीचोंग की चोट कैसे ठीक होगी। डिंग बोलता है कि शायद सीचोंग की नहीं पहले की तरह रिकवर ना हो पाए, लेकिन अगर वो रिहैबिलिटेशन मसाज करवाता है तो उसका घुटना इतना तो ठीक हो ही जाएगा कि वो प्रोविजनल टीम में जा सके। जो सुनकर वेवे को आइडिया आता है और वो डिंग की मदद से ली का सारा सामान सीचोंग के रूम में शिफ्ट कराने लगती है, ताकि वो उसके साथ रहकर उसके घुटने को मसाज दे सके, जिससे उसकी इंजरी जल्दी ठीक हो जाए। वेवे अब सीचोंग के घर जाती है, जहाँ सीचोंग की मोम उसे देखकर काफी खुश होती है। फिर वो उसे सीचोंग के रूम के पास ले जाने लगती है और बताती है कि कैसे सीचोंग ने खुद को कमरे के अंदर 2 दिन से बंद रखा हुआ है, ना ही वो किसी से बात कर रहा है। जैसे ही सीचोंग अपने रूम में वेवे की आवाज सुनता है, तो वो फटाफट से अपना मेसी रूम क्लीन करने लगता है, ताकि वेवे उसे इस तरीके से ना देख ले। मोम अब जैसे ही वेवे को लेकर अंदर आती है, तो सीचोंग उसे देखकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी मोम इन दोनों को अकेला छोड़कर फ्रूट्स लेने के लिए चली जाती है। तब वेवे सीचोंग को वापस से कॉलेज आने के लिए बोलती है, लेकिन वो मना कर देता है। वेवे अब उसे काफी बोलने लगती है, लेकिन सीचोंग बार बार मना किए जा रहा था, तो वेवे उसे मनाते मनाते उससे टॉय छीनने की कोशिश करती है, जिस चक्कर में वो गलती से उसके ऊपर ही गिर जाती है। और अभी दोनों एक दूसरे के क्लोज होकर काफी नर्वस हो रहे थे, तभी वहाँ पर मॉम फ्रूट्स लेकर आ जाती है, जो कि इन दोनों को इस पोजीशन में देखकर सॉरी बोलकर वापस चली जाती है। फिर सीचोंग जैसे ही रूम से बाहर आता है, तो उसकी मॉम उसे बोलती है कि तुम तो ये सब काफी जल्दी कर रहे हो। सीचोंग अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करता है कि वो गलत समझ रही है, पर उसकी मॉम बोलती है कि तुम चुप करो, तो क्या तुम अंदर सूमो खेल रहे थे। इसी बीच वेवे यहाँ से जाने लगती है, तो मॉम उसे रोकती है और नीचे ले जाकर उसे फोटो एल्बम दिखाने लगती है, जिसमें सीचोंग की काफी सारी बचपन की फोटोज थी। उन्हें देखकर ये दोनों काफी हंस रहे थे और सीचोंग बेचारा एम्बेरस हो रहा था, इसलिए वो किसी तरह से अपनी मॉम को योगा क्लासेस के लिए भेज देता है। वेवे उससे पूछती है कि क्या इतने सारे गोल्ड मेडल्स तुमने जीते हैं, तो सीचोंग हाँ बोलता है। फिर वेवे उससे पूछती है कि तुम्हें स्विमिंग इतना पसंद क्यों है। सीचोंग बताते हैं कि कोई स्पेसिफिक रीजन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन बचपन में मिस्टर रैंक को मैं पहली नजर में ही पसंद आ गया था और उन्होंने ही मुझे स्विमिंग के लिए पिक किया, वही मेरे कोच थे। उन्हें लगता था कि मैं काफी सारे मेडल्स जीतूंगा, लेकिन मेरी अब की कंडीशन तो काफी खराब हो गई है। ये सब सुनकर वेवे उसे बोलती है कि चलो मिस्टर यांग से मिलने के लिए चलते हैं। ये दोनों अब जब मिस्टर यांग से मिलने के लिए जाते हैं, तो वो सीचोंग को देखकर काफी खुश होते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो बोल देता है कि नहीं, ये तो मेरी क्लासमेट है। फिर ये लोग डिनर करने के लिए जाते हैं, जहाँ सीचोंग मिस्टर यांग को बताता है कि कैसे उसे एक इंजरी हो गई है और अब उसे उसका फ्यूचर खतरे में लग रहा है। जिसकी ये सारी बातें सुनकर मिस्टर यांग उसे एक नोट देते हैं और फिर उसे बोलने लगते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम स्विमिंग के चैंपियन बनोगे और बहुत ही आगे तक जाओगे। जो सुनकर सीचोंग को थोड़ी सी हिम्मत मिलती है और फिर वो मिस्टर यांग के साथ ड्रिंक करता है। डिनर करने के बाद जब सीचोंग मिस्टर यांग को टैक्सी में घर भेज रहा होता है, तब वो उसे उसकी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, ये बोलकर वो चले जाते हैं। जिनके जाने के बाद वेवे भी सीचोंग के लिए योगर्ट लेने के लिए जाती है, क्योंकि उसने भी काफी ड्रिंक कर ली थी। इसी बीच सीचोंग उस लेटर को निकाल कर पढ़ता है, जो कि उसने स्कूल
स्कूल टाइम में मिस्टर यांग को दिया था, जिसमें उसने लिखा हुआ था कि वो कभी भी स्विमिंग पर गिव अप नहीं करेगा। अब ये दोनों भी घर आते हुए टैक्सी में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, जहाँ वेवी सिचोंग को बोलती है कि जिस सिचोंग को मैं जानती हूँ ना, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है और वो कभी भी स्विमिंग पर गिव अप नहीं करेगा। फिर ये लोग जब कॉलेज पहुंचते हैं तो सिचोंग अपने सर पर कैप पहन लेता है, क्योंकि उसे काफी एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी लोगों को फेस करने से, और वो उसे थोड़े सुनसान और लंबे वाले रास्ते से कॉलेज के अंदर लेकर जाता है, जो देखकर वेवी उसे बोलती है कि तुम भला मुझे यहाँ से क्यों लेकर जा रहे हो और ये कैप अभी की अभी हटाओ। लेकिन सिचोंग बोलता है कि नहीं, मैं इसे नहीं हटाऊंगा, मैं इसमें कूल लग रहा हूँ। अब जैसे ही वेवी डिंग का नाम लेती है तो सिचोंग उसके पीछे जाकर छुप जाता है। वेवी उसे बोलती है कि तुम डिंग को फेस करने से भी डर रहे हो क्या, तुम्हें इतनी शर्म आ रही है? जो सुनकर सिचोंग फटाफट से कैप हटा देता है और बोलता है कि नहीं नहीं मुझे कोई शर्म वरम नहीं आ रही है। वेवी बोलती है कि अच्छा तो फिर तुम मुझे इस वाले रास्ते से क्यों लेकर जा रहे हो? तो वो उसे कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बिताना चाहता था। ये बोलकर वो आगे चला जाता है, तो वेवी भी उसके पीछे पीछे जाती है। वेवी अब जैसे ही डॉर्म में आती है तो वो काफी खुश थी। ताइशी उससे पूछती है कि भला तुम आज इतने खुश क्यों हो? तो वो उसे बता देती है कि वो सक्सेसफुली सिचोंग को कॉलेज के अंदर ले आई है, जो सुनकर जुनजुन भी खुश होती है। तो योशिन बोलती है कि तुम लोग भला सिचोंग के बारे में इतना क्यों सोचते हो? ताइशी बोलती है कि क्योंकि वो इतना हैंडसम है और हमारे कॉलेज के काफी सारे बॉयज हैंडसम है सिवाय डिंग के, और तुम्हारा जो क्लास मॉनिटर है ना ली, वो भी काफी हैंडसम है। जो सुनकर योशिन बोलती है कि तुम डिंग के बारे में कुछ भी बोल सकती हो, लेकिन ली के बारे में कुछ मत बोलना। तभी इन लोगों को ली का मैसेज आता है, जो कि इन्हें कल सुबह रिले रेस के लिए प्रैक्टिस करने के लिए बुलाता है और बताता है कि अभी भी उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए एक लड़की कम पड़ रही है। वेवी को लगता है कि योशिन ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन जुनजुन बताती है कि मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि योशिन भला कैसे रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए मान गई, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो भी अब ली को लाइक करने लगी थी। जिसके बाद हम सिचोंग को देखते हैं, जिसे डिंग देखी जा रहा था और बोलता है कि सिचोंग काफी बदल गया है। तो सिचोंग बोलता है कि हाँ मैं पहले से काफी हैंडसम हो गया हूँ, है ना? डिंग बोलता है कि नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अब तो सिचोंग सिर्फ वेवी की बातें मानता है, मुझे ना एज अ बेस्ट फ्रेंड काफी बिट्रे फील हो रहा है। जो सुनकर सिचोंग कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तेको मनाने के लिए ना एक गेम खरीद के दे दूंगा। तो डिंग बोलता है कि सिचोंग तुम्हें क्या लगता है, क्या एक गेम से तुम मुझे खरीद सकते हो? सिचोंग बोलता है कि अच्छा ठीक है, खाने का पैसा भी मैं दे दूंगा। लेकिन डिंग इस पर भी नहीं मानता, तो सिचोंग कहता है कि आखिरी ऑफर था। इस पर वो कहता है कि अच्छा ठीक है चलो मैंने तुम्हें माफ किया। तभी पीछे से ली बोलते हैं कि अगर तुम दोनों का हो गया है तो क्या मैं अपना काम शुरू करूं, क्योंकि वेवी ने मुझे तुम पर मसाज प्रैक्टिस करने के लिए कहा था। जो सुनकर सिचोंग की हालत खराब हो जाती है और फिर बाद में हमें सिर्फ उसकी चीखें सुनाई देती है। अगली सुबह हम वेवी को देखते हैं जो कि रनिंग कर रही होती है, और वो काफी खुश भी होती है क्योंकि इस बार उसकी बॉडी में से इलेक्ट्रिसिटी नहीं निकल रही थी। यहाँ वो अपने पुराने टाइम को भी याद करती है कि कैसे वो हाई स्कूल में अपने डैड के साथ रनिंग किया करती थी, और रनिंग करने से उसे काफी खुशी मिलती थी। अब वेवे जैसे ही थककर ग्राउंड पर लेटने वाली होती है, तभी सिचोंग पीछे से आकर उसका सर जमीन पर लगने से बचा लेता है, और सिचोंग को अपने इतना करीब देखकर वो फिर से थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। वो उससे पूछते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि हम साथ में ट्रेनिंग करेंगे। लेकिन वेवे बोलते है कि मेरी ट्रेनिंग तो हो गई और अब मैं काफी थक गई हूँ। इसलिए सिचोंग उसे अपनी पीठ पर बैठा लेता है और बोलता है कि इसका 80 युआन लगेगा। तो वेवे बोलती है कि अरे ये तो तुम्हें फ्री में करना चाहिए। तो सिचोंग बोलता है कि अब तुम्हें 20 युआन और बढ़ा दूंगा। जो सुनकर वेवी उसे टक्कर मारने लगती है और ये दोनों ऐसे ही खूब मस्ती करते हैं। इधर हम योशिन को देखते हैं जो क्लासरूम के अंदर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर ली आकर उससे पूछता है कि क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया, जिस पर वो कहती है कि नहीं। तो ली ब्रेकफास्ट निकालता है, जिसे योशिन को लगता है कि वो उसके लिए लेकर आया है, लेकिन वो तो उसे खुद ही खाने लगता है, जो देखकर उसे उस पर काफी गुस्सा आ जाता है। इधर जब वेवे और सिचोंग साथ में होते हैं, तभी वेवे को पैंग पाई का मैसेज आता है और वो सिचोंग का हाथ पकड़कर उसे फटाफट से पूल के पास ले जाने लगती है और कहती है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। पर सिचोंग वहाँ पर जैसे ही पैंग पाई को देखता है तो वो अपसेट हो जाता है, लेकिन तभी पीछे से सोनियांग निकल कर आता है, जिसे देखकर सिचोंग हैरान रह जाता है। पैंग पाई बोलता है कि तुम लोग बात करो, मैं और वेवे जाकर ड्रिंक्स ले आते हैं। ये बोलकर वो वेवे के साथ चला जाता है, जो देखकर सिचोंग वेवे की तरफ देखने लगता है। लेकिन तभी सोनियांग उसे पूल दिखाने के लिए बोलता है, तो वो उसके साथ अंदर चला जाता है। इधर वेवे पैंग पाई को थैंक्स बोलती है सोनियांग को कॉलेज में लेकर आने के लिए। तो पैंग पाई उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सिचोंग की इतनी चिंता है, जिस पर वेवे मुस्कुराकर बोलती है कि भला उसकी चिंता कौन कर रहा है। इधर सोनियांग सिचोंग को बोलता है कि तुम तो काफी बदल गए हो। असल में सोनियांग सिचोंग को तब से जानता था जब उसने बचपन में उसे एक अवार्ड दिया था। जो सुनकर सिचोंग खुश होता है और बोलता है कि मुझे हमेशा एक रिग्रेट रहेगा कि आप ना बहुत ही जल्दी रिटायर हो गए, मुझे आपसे कम्पीट करने का चांस ही नहीं मिला। तो सोनियांग बोलता है कि कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। सिचोंग बोलता है कि आपको तो इंजरी है ना। तो सोनियांग बोलता है कि कोई बात नहीं, तो एक फ्रेंडली मैच है। लेकिन सिचोंग बोलता है कि नहीं नहीं मैं तो अपना बेस्ट परफॉर्म करूंगा। ये दोनों अब कम्पीट करते हैं, जिसके अंदर सिचोंग जीत जाता है।
फिर सोनयांग उसे बताते हैं कि वेवे ने यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए उसे बुलाया था और उसने उसकी सारी कंडीशन भी उसे बताई। तो क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जिस पर सीचोंग मना कर देता है, जो सुनकर सोनयांग कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, फिर मैं कुछ करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्यूट है। लेकिन सीचोंग बोलता है कि नहीं नहीं, मतलब कि अभी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है वो। ये सुनकर सोनयांग हंसने लगता है। सीचोंग बताता है कि वो मेरी इंस्पिरेशन है। अब यहाँ सोनयांग उसे कुछ ऐसी बातें बताता है जिससे कि सीचोंग को उसका जवाब मिल जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। फिर हम युशन को देखते हैं जो कि काफी रेडी होकर ली के पास जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने उसे डेट पर बुलाया है, पर उसने तो उसे स्पोर्ट्स डे के लिए रनिंग प्रैक्टिस करने के लिए बुलाया था, जिस वजह से वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इधर डायशी के साथ साथ काफी सारे लोगों को पता चल जाता है कि सोनयांग उनके कॉलेज में आया हुआ है, क्योंकि किसी ने उसकी फोटो लेकर इंटरनेट पर डाल दी थी। इसीलिए उसके सभी फैंस उससे मिलने के लिए पूल एरिया के बाहर आ जाते हैं। पेंगपाई और विवेक को जब ये पता चलता है तो वो दोनों अंदर जाकर उन्हें ये बात बताते हैं। तब ये लोग कुछ आइडिया लगाते हैं और सीचोंग अभी यहाँ से सोनयांग के कपड़े पहनकर बाहर निकल जाता है ताकि वो सभी फैंस को डाइवर्ट कर सके। वेवे सोनयांग के पास उसे यहाँ पर आने के लिए थैंक्स बोलती है और उसे माफी भी मांगती है, क्योंकि उसकी वजह से वो ट्रबल में फंस गया था। फिर वो सीचोंग के पास चली जाती है। इधर बेचारा सीचोंग तो परेशान ही हो गया था, क्योंकि लोग उसके पीछे पीछे भाग रहे थे, तो वो बड़ी मुश्किल से जाकर छुप जाता है। डाइशी भी उसे देखने के लिए काफी एक्साइटेड थी और वो डिंक को बोलती है कि तुम्हारी वजह से ना मैं सोनयांग से नहीं मिल पाई, तो वो उसे बता देता है कि वो तो सीचोंग है। डाइशी बोलती है कि तुम्हें कैसे पता, तो वो कहता है कि मैं उसके साथ सोता हूं, तो भला मुझे कैसे नहीं पता होगा, चलो मैं तुम्हें स्ट्रॉबेरी केक खिलाने ले जाता हूं, जो सुनकर वो काफी खुश हो जाती है। दूसरी ओर पेंगपाई किसी तरह से सोनयांग को बाहर लेकर चला जाता है, लेकिन वहां पर भी कुछ फैंस आ जाते हैं, जहाँ से वो बड़ी मुश्किल से सोनयांग को निकाल पाता है। इधर सीचोंग बेचारा छुपा हुआ था, तभी उसके पास वेवे आती है और बोलती है कि लगता है सभी लोग चले गए। तो जब सीचोंग उसके साथ जाने वाला था, तभी वो कुछ और लोगों को वहाँ पर देखता है, इसलिए वो वेवे को अचानक से अपने पास खींच लेता है, जिस वजह से वेवे फिर से काफी नर्वस हो जाती है। और सभी लोगों के जाने के बाद वो सीचोंग से बोलती है कि चलो कुछ खाने चलते हैं। तो सीचोंग जैसे उसका हाथ पकड़ता है, उसे शॉक लगता है क्योंकि वेवे की हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। हम युशन के डैड को देखते हैं जो कि बस स्टॉप पर उसका वेट कर रहे थे। जैसे ही युशन वहाँ पर अपने डैड को देखती है तो वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो उसे रोककर कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लेकर आया हूँ, और वो उसे घर पर भी आने को बोलते हैं, लेकिन युशन उनसे काफी नाराज थी और वो मना कर देती है। तब उसके डैड कहते हैं कि भला तुम अपनी स्टेप मॉम को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो युशन बोलती है कि अभी तो मेरी मॉम को गए हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ और आप किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ाने लग गए, जिस वजह से उसके डैड को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक थप्पड़ मार देते हैं। उसी वक्त वहाँ पर ली भी आ जाता है, जो उसके डैड को दूर करता है, और वो तो उसके डैड को ही काफी सुनाने लग जाता है कि वो युशन पर हाथ कैसे उठा सकते हैं। तभी उसके डैड को कंपनी से एक फोन आता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि पेंगपाई सोनयांग को कॉलेज लेकर गया था, इसी वजह से उन्हें जल्दी से यहाँ से जाना पड़ता है। जिनके जाने के बाद युशन अपना थोड़ा गुस्सा ली पर भी निकाल देती है, पर वो बेचारा कुछ नहीं बोलता और उसे अपनी जैकेट पहनाकर यहाँ से चला जाता है, और युशन काफी रोने लगती है। जिसके बाद हम सीचोंग और वेवे को देखते हैं जो कि साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे। सीचोंग उसे बताता है कि अब मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं ट्रेनिंग फिर से शुरू करूंगा और प्रोविजनल टीम में जाकर ट्रेनिंग लूंगा, फिर चैंपियनशिप भी जीतूंगा, जो सुनकर वेवे काफी खुश होती है। सीचोंग उसे थैंक्स बोलता है उसके लिए ये सब करने के लिए, पर वेवे बोलती है कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो बाकी सभी लोगों ने किया है और तुमने खुद किया है। तो सीचोंग बोलता है कि नहीं तुम स्पेशल हो, तुमने मेरी काफी बार मदद की है। फिर यहाँ वो उसे बता देता है कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब उसी ने उसे शॉक देकर उसकी जान बचाई थी, जो बातें वेवे भी याद करने लगती है और बोलती है कि क्या वो तुम थे, जिस पर सीचोंग हाँ बोलता है और कहता है कि मैं हमेशा सोचता रहता था कि कौन एंजल होगी जिसने मेरी जान बचाई थी, लेकिन तुम तो पिकाचो निकली। ये दोनों अब डिनर करने के बाद डॉम की तरफ जा रहे थे और ऐसे ही मस्ती करते हुए सीचोंग वेवे के गाल पर हाथ लगा देता है, जिससे वो काफी नर्वस हो जाती है और डॉम के अंदर जाने लगती है, तो सीचोंग भी उसके पीछे पीछे जाता है। इधर पेंगपाई को उसकी बॉस यानी कि इप्शन के डैड से काफी डांट पड़ रही होती है, क्योंकि वो बिना उनकी परमिशन के सोनयांग को कॉलेज में लेकर चला गया था, जिसके लिए पेंगपाई उनसे माफी मांगता है और बोलता है कि इसकी मुझे जो भी सजा मिलेगी मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। इधर सीचोंग वेवे से बातें करते हुए चले जा रहा था, लेकिन वेवे तो अपने ही ख्यालों में थी और वो दो लड़की से टकराने वाली थी, तो सीचोंग उसे अचानक से अपनी तरफ खींचकर बचा लेता है और उसे बोलता है कि पिकाचु क्या तुम्हारी बैटरी डाउन है और तुम्हारा फेस इतना गर्म क्यों हो रखा है। पर तभी वहां पर युशन आ जाती है, तो वेवे उसके साथ डॉम में चली जाती है और सीचोंग भी वहां से चला जाता है। रूम के अंदर जाकर वेवे देखती है कि उसकी हार्ट बीट काफी फास्ट हो रखी है, जो चीज युशन ने भी देखी थी, और वो उसे बोलती है कि प्यार में जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं ना तो उनकी हार्ट बीट फास्ट होती है, जो सुनकर वेवे सीचोंग के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करने लगती है और स्माइल करती है। इधर सीचोंग भी जब अपने डॉम में जा रहा था तभी उसे बाहर पेंगपाई मिलता है, तो सीचोंग उसे आज के लिए थैंक्स बोलता है।
पेंगपाई बोलता है कि अगर तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना ही है तो इसके लिए एक बात सुनो। हाई स्कूल में वेवे मेरे साथ स्पोर्ट्स टीम में थी, जहाँ पर उसने मुझे एक गिफ्ट भी दिया था और तभी से वो मुझे पसंद करती है। मैंने उसके लिए 4 साल वेट किया है और तुम तो अभी अभी उसकी लाइफ में आए हो। जो सुनकर सीचोंग बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। पेंगपाई उसे वेवे से दूर रहने के लिए कहता है। सीचोंग बोलता है कि तो तुम मेरे साथ लव गेम खेलना चाहते हो, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं बता दूं कि इसमें तुम्हें हार ही मिलेगी। ये बोलकर सीचोंग यहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम वेवे को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ उसके डैड उसकी वॉच को चेक करके बताते हैं कि ये तो बिल्कुल ठीक है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम भी आ जाती है, जो उसे पूछती है कि क्या तुम सच में रेस में पार्टिसिपेट करना चाहती हो। तो वेवे बोलती है कि आप चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगी। और ना मेरे कॉलेज में एक लड़का है जिसके घुटने में चोट लगी है, लेकिन वो फिर भी स्विमिंग कर रहा है। जो सुनकर उसके डैड पूछते हैं कि कौन लड़का। तभी वहाँ पर वेवे सीचोंग को आता हुआ देखती है, इसलिए वो भागकर अपनी बुक शॉप में चली जाती है, जहाँ वो उसे पूछते है कि तुम भला यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सीचोंग बोलते है कि मैंने डायरी से तुम्हारा एड्रेस लिया है। तभी वहाँ पर फादर भी आ जाते हैं, जो सीचोंग से पूछने लगते हैं कि क्या तुम स्विमर हो। पर सीचोंग के जवाब देने से पहले ही वेवे बीच में बोल देती है कि डैडी ना मेरा क्लासमेट है और ये तो यहाँ पर सिर्फ बुक खरीदने के लिए आया है। तो सीचोंग भी बोलता है कि हाँ अंकल मैं बुक खरीदने के लिए आया हूँ। अब इससे पहले कि वो आगे कुछ और बोल पाते, तभी मॉम वहाँ पर आकर फादर को खींच कर ले जाती है और सीचोंग उसे साथ में लंच पर चलने के लिए बोलता है और बताता है कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। तो वेवे भी अपने घर वालों को बताकर रेडी होने के लिए जाती है। दूसरी ओर दाई शी डिंग से कहती है कि क्या सीचोंग वेवे को लाइक करता है, जिस पर डिंग कहता है कि और नहीं तो क्या, वो दोनों सच में डेटिंग कर रहे हैं। जो सुनकर वो कुछ सोचती हुई जाने लगती है, लेकिन डिंग अचानक से उसे रोककर उसे क्लोज आकर उसे बोलता है कि क्या तुम अभी भी सीचोंग को पसंद करती हो। पर डाइशी तो यहाँ पर उल्टा उसका ही कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं अब सीचोंग को पसंद नहीं करती हूँ। तो डिंग उससे पूछता है कि अच्छा तो बताओ तुम किसको पसंद करती हो। लेकिन दाइशी जवाब दिए बिना ही यहाँ से भाग जाती है, तो डिंग भी उसके पीछे पीछे जाता है। इधर ये दोनों रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए आए होते हैं, जहाँ पर सीचोंग वेवे को काफी अच्छे से ट्रीट कर रहा था, जो देखकर वेवे उससे पूछती है कि क्या मैंने तुम्हें शौक दिया है। तो सीचोंग बोलता है कि नहीं, पर पता नहीं क्यों मुझे तुम्हें काफी अच्छे से ट्रीट करने का मन हो रहा है। अब मैं काफी अच्छा फील कर रहा हूँ और मेरी जो स्विम स्पीड है वो इलेक्ट्रीफाई करने की वजह से नहीं बढ़ी है, बल्कि तुम्हारी वजह से बढ़ी है। फिर घर जाकर वेवे बस सीचोंग के बारे में ही सोचे जा रही थी, तभी डाइशी उसे कॉल करके पूछती है कि क्या सीचोंग तुम्हें पसंद करता है। लेकिन वेवे नींद आने का बहाना करके कॉल कट कर देती है। तभी उसकी मॉम मिल्क लेकर उसके रूम में आती है, जहाँ वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। लेकिन वेवे शर्मा कर मना कर देती है, लेकिन उसकी मॉम समझ गई थी। वो वेवे से बोलती है कि मैं और तुम्हारे डैड हमेशा तो तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम ऐसे पर्सन को अपने लिए ढूंढो जो कि तुमसे ट्रू लव करता हो। वेवे अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम ट्रू लव क्या होता है। तो उसकी मॉम बोलती है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसे पता हो कि तुम इलेक्ट्रीफ्यूरस हो, लेकिन फिर भी अगर वो तुम्हें प्यार करे तो वही तुम्हारा ट्रू लव होगा। जो सुनकर वेवे स्माइल करने लग जाती है। अगले दिन हम वेवे को देखते हैं, जो कि काफी सारा सामान लेकर डॉम में वापस आ जाती है। इस बीच वो ली से बात भी कर रही थी, जो उसे झुनझुन को मनाने के लिए बोलता है, क्योंकि रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए एक पर्सन कम था। अब बात करते करते वो गिरने ही वाली होती है, लेकिन तभी सीचोंग आकर उसे बचा लेता है। वेवे उससे पूछते है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो बोलता है कि तुम्हें कहा था ना कि तुम 9 बजे आने वाली हो, तो मैं आधे घंटे से तुम्हारा यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। उसी वक्त वहाँ पर डॉम की इंचार्ज आ जाती है, जो वेवे को बोलती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारा काफी ख्याल रखता है, जो सुनकर वेवे स्माइल करने लगती है। इधर रूम के अंदर यूशिन झुनझुन को मनाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो रेस में पार्टिसिपेट करने से मना कर देती है। तभी वहाँ पर वेवे भी आ जाती है। यूशिन उसे भी झुनझुन को मनाने के लिए बोलती है, तो झुनझुन कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती, लेकिन प्लेग्राउंड में काफी सारे लोग होंगे जिन्हें देखकर मैं नर्वस हो जाऊंगी और मेरी स्पीड स्लो हो जाएगी, यही कारण है कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती। इधर वेवे इस बात से काफी परेशान थी कि रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए उनके पास अभी तक एक पर्सन नहीं हो पाया था। तो सीचोंग उसे समझाता है कि चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा। उसी वक्त उसे झुनझुन का मैसेज आता है, जो कि उसे मिलने के लिए बुलाती है। जब वो उसे बोलती है कि मैं भी पार्टिसिपेट करके सबकी मदद जरूर करना चाहती हूँ, लेकिन मैं काफी नर्वस हूँ। तो सीचोंग उसे समझाता है कि चाहे रिजल्ट अच्छा हो या बुरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा, जो सुनकर वो खुश हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली क्लास में अनाउंस करता है कि झुनझुन रेस में अब पार्टिसिपेट कर रही है, जो सुनकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। वेवे उसे बोलती है कि मैं तुम्हें थैंक्स कहने के लिए पूरे साल के स्नैक्स तुम्हारे लिए खरीदूंगी, जो सुनकर झुनझुन उसे थैंक्स बोलती है और बोलती है कि तुम सीचोंग की तरह क्यों बोल रही हो। पर वेवे को कुछ भी समझ नहीं आता। अब रूम के अंदर वेवे डाइशी से जाकर बात कर रही होती है कि झुनझुन ना सीचोंग की वजह से रेस में पार्टिसिपेट कर रही है, जो सुनकर डाइशी उसे बोलती है कि क्या तुम जेलस हो रही हो, वैसे भी तुमने काफी दिनों सीचोंग को शौक नहीं दिया है, तब भी देखो वो तुम्हें कितना पसंद करते हैं। जो सुनकर वेवे कुछ नहीं बोलती और शर्मा रही होती है। तो डाइशी उसे बोलती है कि तुम भी सीचोंग को पसंद करती हो ना, और तुम चिंता मत
करो अगर उसने कभी भी तुम्हें तंग किया ना तो मैं डिंग को बोल कर ना उसे जहर दिलवा दूंगी। विवेक कहती है कि मेरी छोड़ो आप नहीं बताओ, जब से तुम डिंग से मिली हो ना तब से तुमने एक बार भी मुझे किसी लड़की को शौक देने को नहीं कहा, तो तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। जो सुनकर डाई शिवी शर्मा कर अपना मेकअप करने लग जाती है, जिसके बाद हम विवेक को देखते हैं जो कि सीचोंग की डॉम की वहाँ पर उसका वेट कर रही थी क्योंकि वो उसे एक गिफ्ट देना चाहती थी। लेकिन जैसे ही सीचोंग वहाँ पर आता है तो विवेक उस गिफ्ट को छुपाने लग जाती है। सीचोंग उसे छीनने की कोशिश करता है जिस वजह से दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हो जाते हैं, तो विवेक उसे वो गिफ्ट दे देती है और बोलती है कि तुम हमेशा मेरी मदद करती हो ना, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती थी एज अ थैंक यू। सीचोंग जैसे ही उसे खोलता है तो कहता है कि ये तो कितना अगली है। विवेक कहती है कि अच्छा अगली है तो मुझे वापस कर दो, ये बोलकर वो उसे छीनने लगती है। लेकिन वो अचानक से उसके ऊपर ही गिर जाती है और दोनों एक दूसरे को इसी तरह देखते रहते हैं। लेकिन तभी शारुए वहाँ पर आ जाता है जिस वजह से दोनों अलग हो जाते हैं और सीचोंग स्माइल करने लग जाता है और वे भी शर्माकर वहाँ से भाग जाती है। अगली सुबह ये चारों टीम मेंबर्स साथ में रनिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ बेचारा ली तो थक जाता है लेकिन सभी टीम मेंबर्स अभी भी रन कर रहे थे। काफी देर तक प्रैक्टिस करने के बाद ये लोग डॉर्म के अंदर आ जाते हैं और ब्रेकफास्ट करने के लिए जाने लगते हैं, जहाँ जुनजुन वेवे से कहती है कि आज मैं भी तुम्हारे साथ नीचे जाकर ब्रेकफास्ट करूंगी। जो सुनकर वेवे बोलती है कि वहाँ तो काफी सारे लोग होंगे, तो जुनजुन कहती है कि कोई बात नहीं, रेस के दिन भी प्लेग्राउंड में काफी सारे लोग होंगे, इसलिए मैं अभी से ये सब फेस करना चाहती हूँ। पर जब ये लोग नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं तो जुनजुन नर्वस होने की वजह से अपनी पूरी प्लेट में सिर्फ कैबेज रखवा लेती है, जो देखकर वेवे उसे ब्रेकफास्ट एक्सचेंज कर लेती है। तो जुनजुन उसे थैंक्स बोलती है और बताती है कि अब वो इतना नर्वस फील नहीं कर रही है। अब जुनजुन रात में भी रनिंग प्रैक्टिस कर रही होती है, जहाँ वो काफी थकने के बाद रुक जाती है तो शारुए उसके पास आकर बोलता है कि तुम्हें रनिंग पसंद नहीं ना, फिर भी तुम खुद को इतना फोर्स क्यों कर रहे हो, मैं अभी जाकर सभी को बताता हूँ कि तुम ये नहीं कर सकती। लेकिन वो उसे रोक देती है और बोलती है कि मैं सभी लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। शारुए बोलता है कि सभी लोगों को या फिर सिर्फ सीचोंग को। जुनजुन बोलती है कि नहीं, मैंने सबसे प्रॉमिस किया है कि मैं अपना बेस्ट दूंगी। इसलिए शारुए भी अब उसके साथ में रनिंग करने लग जाता है उसको कंपनी देने के लिए। अगली सुबह ये दोनों साथ में ब्रेकफास्ट भी करते हैं, जहाँ पर वो उसे काफी अच्छा फील कराता है तो जुनजुन उसे थैंक्स बोलती है उसका साथ देने के लिए। इधर बेचारा ली रेस की वजह से काफी नर्वस हो रहा था, तभी वहाँ पर शारुए और जुनजुन साथ में आ जाते हैं। इधर वेवे काफी टेंशन में थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं आज बारिश ना हो जाए, तो सीचोंग उसे बोलता है कि चिंता मत करो, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, बारिश नहीं होगी। फिर हम पेंगपाई को देखते हैं जो जब अपना फोन चेक कर रहा होता है तभी उसे पता चलता है कि आज वेवे रेस में पार्टिसिपेट करने वाली है। तभी उसकी रिसेप्शनिस्ट बताती है कि वेदर फोरकास्ट अपडेट हुआ है और आज बारिश होने वाली है, जो सुनकर वो भी फटाफट से वहाँ से निकल जाता है। इधर अब रेस शुरू होने वाली होती है तो वेवे भी ग्राउंड में पहुँच जाती है और सभी लोग पोजीशन लेते हैं, जहाँ जुनजुन काफी नर्वस हो रही थी तो शारु उसे बोलता है कि नर्वस मत हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। रेस शुरू होने पर सबसे पहले योशिन भागती है, जिसके बाद जुनजुन की टर्न आती है तो उसके साथ साथ शारु भी भाग रहा था ताकि वो नर्वस ना हो। इसी बीच बादल गरजना शुरू हो जाते हैं तो सीचोंग वेवे के पास आकर उसे बोलता है कि बारिश होने वाली है और तुम रनिंग मत करो, लेकिन वेवे बोलती है कि मुझे ये करना है। अब जुनजुन जब बेटन लेन को पास करती है तो वो रन करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वो गिर जाता है। सभी लोग परेशान हो जाते हैं तो सीचोंग बेटन उठाकर खुद लिन की जगह रनिंग करने लगता है। वो अब जैसे ही बेटन वेवे को देता है तो वेवे भी रन करना शुरू कर देती है, लेकिन अब वो लोग काफी पीछे हो गए थे इसलिए वो लोग हार जाते हैं। लेकिन रेस कंप्लीट करते ही वेवे जमीन पर गिर जाती है। अब जैसे ही लोग उसके पास उसकी मदद करने के लिए आने वाले होते हैं तो वो सभी को उसे दूर रहने के लिए बोलती है क्योंकि उससे किसी को भी करंट लग सकता था। इसी बीच बारिश शुरू हो जाती है और सभी लोग ग्राउंड से भागने लगते हैं, पर वेवे देखती है कि सीचोंग भी उसकी तरफ भागते हुए आ रहा था। वेवे उसे अपने पास आने से मना करती है और बोलती है कि मेरी इलेक्ट्रिसिटी अभी आउट ऑफ कंट्रोल है, इस वजह से मैं तुम्हें हर्ट भी कर सकती हूँ। लेकिन सीचोंग बिना कुछ सोचे समझे उसे हक कर लेता है। उसी वक्त वहाँ पर पेंगपाई भी आ जाता है जो कि इन दोनों को ऐसे देख रहा था, साथ ही साथ बाकी लोग भी इन दोनों को देख रहे थे। सीचोंग वेवे को बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, जो सुनकर वेवे उसे थैंक्स बोलती है तो सीचोंग उसे आई लव यू बोलकर किस करने लगता है, तो वेवे भी उसे किस करने लगती है, फिर वो भी उसे आई लव यू टू बोलती है और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। फिर हम वेवे और सीचोंग को साथ में देखते हैं, जहाँ पर सीचोंग तो बस वेवे को देखे जा रहा था। वेवे उसे अपने डॉर्म में जाने के लिए बोलती है क्योंकि कल उसका मैच था, लेकिन वो उसके साथ थोड़ा सा और वक्त बिताना चाहता था, पर फिर भी वेवे उसे जाने को बोलती है तो सीचोंग उसे अपने पास खींच कर एक किस कर देता है और वेवे शर्मा कर यहाँ से चली जाती है। अगली सुबह सीचोंग की टीम स्विमिंग मैच के लिए कॉलेज से निकल जाती है। फिर हम वेवे को देखते हैं जो कि मैच देखने के लिए ही जा रही थी, तभी रास्ते में उसे पेंगपाई और उसकी कलीग मिलते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से कुछ ज्यादा बात नहीं करते और वेवे चली जाती है। पेंगपाई की कलीग उसे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम वेवे को कितना लाइक करते हो और भला तुम अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे क्यों नहीं बता देते। तभी यहाँ पर उन्हें एक मैसेज आता है कि उनके जो बॉस है मिस्टर जैंग वो रिजाइन कर रहे हैं, इसलिए पेंगपाई भागता हुआ कंपनी में जाता है। अब जब सीचोंग की टीम उस जगह पर पहुंचती है जहाँ पर कॉम्पिटिशन होने वाला था,
तो वहाँ वेवे और उसके फ्रेंड्स उससे पहले ही पहुंचे हुए थे और वो उन्हें चेयर अप करने लगते हैं। और यहाँ वेवे सीचोंग को गुड लक बोल के उसे किस करती है, तो सीचोंग भी उसे हेल्प करता है। फिर सभी लोग अंदर जाते हैं और इस मैच को देखने के लिए सीचोंग के पेरेंट्स भी आए हुए थे। और अब सीचोंग इतना ज्यादा फास्ट स्विम करता है कि वो इस मैच के अंदर फर्स्ट आता है और शाहरुख सेकंड। सीचोंग के लिए सभी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर हम पेंग पाई को देखते हैं जो कि मिस्टर जैंग से बात कर रहा होता है और उनसे पूछता है कि उन्होंने रिजाइन क्यों दिया। तो वो उसे बताने लगते हैं कि वो बूढ़े हो गए हैं, वो अपने लिए कोई इजी जॉब ढूंढेंगे और उन्हें अपनी बेटी के साथ भी टाइम स्पेंड करना है। और वो पेंग पाई को एक अच्छे फ्यूचर के लिए गुड लक भी करते हैं। इधर मैच जीतने की खुशी में सीचोंग सभी को ट्रीट देने की बात कहता है, जिसके लिए वो इन सभी को वीवीआईपी हॉट स्प्रिंग लेकर जाता है। जहाँ जाते ही सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो यहाँ पर पहले कभी नहीं गए थे। अब जब सभी लोग इंजॉय करने लगते हैं तो सीचोंग वेवे को बाहर लेकर जाता है। सीचोंग यहाँ जैसे ही वेवे का हाथ पकड़ता है तो उसे शौक लगता है। सीचोंग बोलता है कि कोई बात नहीं, सबकी आदत डाल लो क्योंकि अब तो मैं कभी भी तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। तभी वेवे सीचोंग का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि एक बार शौक लगने के बाद दोबारा नहीं लगेगा। सीचोंग अब वेवे को अपनी तरफ खींचता है और उसे किस करने ही वाला था। तभी वहाँ पर उनके सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं जो कि इन दोनों के ऊपर ही नजर रखे हुए थे और मच्छर का बहाना करके वहाँ से चले जाते हैं, जिससे वेवे को भी काफी शर्म आ जाती है और वो भी मच्छर का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। तो सीचोंग बोलता है कि मच्छर, अरे कहाँ है। अब ये सभी लोग एक स्टॉल पर जाते हैं जहाँ पर काफी सारी चीजें थी, जिनमें से योशिन और ली लवर्स कार्ड को उठाते हैं और अगर वो उस कार्ड पे अपने लवर का नाम लिखेंगे तो वो दोनों साथ में हो जाएंगे। और डाइशी यहाँ पर फॉर्च्यून स्टिक देखती है जिसपे लिखा हुआ था कि वो अपने लवर से रोज मिलती है, जो पढ़कर वो हैरान हो जाती है। और जैसे डिंग उसे देखने वाला था तो उसे मना करके उसका हाथ पकड़ कर उसे यहाँ से ले जाती है। वेवे भी फॉर्च्यून स्टिक को देखने वाली थी, लेकिन सीचोंग बोलता है कि तुम्हारी क्या विश है मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करूंगा। वेवे उसे बताती है कि मैं अपना मेजर चेंज करना चाहती हूँ, इसलिए मैं फ्यूचर के बारे में जानना चाह रही थी कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो कैसा रहेगा। सीचोंग बोलता है कि चिंता मत करो, तुम जो भी करोगी मैं तुम्हें उसमें सपोर्ट करूंगा। अब डिनर के वक्त वेवे सीचोंग के लिए काफी अलग अलग टाइप के खाना लेकर आता है, जो देखकर वेवे बोलती है कि ये सब वाला तुम कहाँ से ढूंढ के लाए हो। और जब बाकी सभी लोग उसे देखते हैं तो बोलने लगते हैं सीचोंग तो बहुत ज्यादा रोमांटिक है क्योंकि उसने प्लेट में जिस खाने को रखा हुआ था उसका मतलब था आई लव यू, जो देखकर वेवे स्माइल करने लगती है। पर इन दोनों को इस तरह देखकर जुनजुन काफी सैड थी। फिर ये सभी लोग कार्ड गेम खेलने लगते हैं, जिसमें डिंग की टर्न आने पर वो उसे लिपस्टिक लगाने को कहते हैं और फिर जब सीचोंग की टर्न आती है तो वो उसे वेवे को किस करने को बोलते हैं, जो देखकर सीचोंग सभी को अपनी आंखें बंद करने को बोलता है। और वो सभी लोग भी झूठ मूठ कर अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं, पर वो उन्हें छुप छुप के देखे जा रहे थे। सीचोंग वेवे को बोलते हैं कि ये किस मैं तुम्हें सिर्फ गेम के लिए कर रहा हूँ, और वो उन दोनों के लिप्स के बीच में फिंगर रख के उसे किस कर देता है, जिन्हें इस तरह देखकर सभी लोग काफी खुश थे सिवाय जुनजुन और शाहरुख के। शाहरुख अब जानबूझकर खुद कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करता है और बोलता है कि जिनके पास भी कार्ड ए और एफ है वो दोनों एक दूसरे को हक करेंगे, जो कि जुनजुन और सीचोंग के पास थे। ये देखकर डिंग पूछता है कि वेवे क्या तुम बुरा तो नहीं मानोगे, तो वो मना कर देती है और सीचोंग भी जुनजुन को एज अ चाइल्डहुड फ्रेंड साइड हक कर देता है। जुनजुन काफी खुश होती है और फिर बहाना करके बाहर चली जाती है, जो देखकर शाहरुख भी उसके पीछे पीछे जाता है। जहाँ जुनजुन शाहरुख से बोलती है कि तुमने ये सब मेरे लिए जानबूझ कर किया ना, पर आगे से ऐसा कुछ भी मत करना। सीचोंग और वेवे एक दूसरे को पसंद करते हैं और साथ में काफी अच्छे भी लगते हैं। शाहरुख बोलता है कि तुम भी तो सीचोंग को काफी टाइम से लाइक करती हो, भला तुम उसे बता क्यों नहीं देती, तुम बहुत ज्यादा डरपोक हो। तो जुनजुन बोलती है कि हाँ मैं ऐसे ही हूँ और सभी अफेक्शन के रिजल्ट अच्छे नहीं होते, पर तुम आगे से ऐसा मत करना, मुझे काफी एम्बेरस फील होता है। जिस पर शाहरुख हाँ बोलकर यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हम इन लोगों को हॉट स्प्रिंग में बात लेता हुआ देखते हैं। वेवे अपनी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पूल में नहीं जा सकती थी, तो वो साइड में बैठी हुई थी और यहाँ जुनजुन और योशन भी दूसरी साइड पर एंजॉय कर रहे थे। दाइशी वेवे से उसकी फर्स्ट किस के बारे में पूछती है, तो वेवे बताती है कि फर्स्ट किस वो तो तभी हो गया था जब उसने सीचोंग को सीपीआर दिया था क्योंकि वो बीमार था। दाइशी बोलती है कि अच्छा तो तुमने ये सब बहुत पहले ही कर लिया था और मुझे बताया भी नहीं। तभी वेवे को सीचोंग का मैसेज आता है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए चली जाती है जो कि उसका गार्डन एरिया में वेट कर रहा था। सीचोंग वेवे को फुल जड़ी दिखाता है और बोलता है कि ये ना डेंग का आइडिया था क्योंकि उसने बताया कि तुम लड़कियों को ऐसी चमकीली चीजें काफी पसंद है। फिर वो उसे उन्हें जलाकर देता है और वो उससे पूछता है कि ये तुम्हें कैसा लगा, पर जब वेवे कुछ भी नहीं बोलती तो सीचोंग बोलता है कि क्या तुम्हें पसंद नहीं आया। एक्चुअली मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे खुश करूं, ये मेरा पहला रिलेशनशिप है और तुमसे मिलने से पहले मैं अपना सारा टाइम सिर्फ स्विमिंग को देता था, पर तुमने मेरी लाइफ में आकर उसे काफी कलरफुल बना दिया। और क्या तुम मेरे जैसे बॉयफ्रेंड को एक्सेप्ट करोगे। जो सुनकर वेवे उसकी तरफ देख रही होती है और अचानक से उसे किस कर देती है। वो उसकी ये सारी बातें सुनकर काफी इमोशनल भी हो गई थी
और उसे बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो सी चोंग भी उसे किस करने लगता है। तभी वहाँ पर फायरवर्क शुरू हो जाते हैं और दोनों साथ में काफी अच्छा मोमेंट एंजॉय करते हैं। अगली सुबह ये सभी जब हॉट स्प्रिंग से निकल रहे होते हैं, तभी वहाँ से जाने से पहले ये सभी साथ में फोटो क्लिक करवाते हैं और सी चोंग पूछता है कि अभी लोग कहाँ जाने वाले हैं, तो शार्वे बोलता है कि वो तो घर जाने वाला है। ये बोलकर वो यहाँ से निकल जाता है और जुनजुन भी कुछ काम है बोलकर उसके पीछे पीछे जाती है। यूजिन भी बोलती है कि उसे तो अपनी जॉब पर जाना है, तो ली भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। जिन सभी को जाता हुआ देखकर डिंग डाइशी से पूछता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, पर वेवे अपने साथ डाइशी को शॉपिंग पर जाने के लिए बोलती है, जो देखकर सी चोंग का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है। तो डिंग सी चोंग को इन दोनों के साथ चलने के लिए बोलता है। इधर शाहरुख जब जा रहा था तो जुनजुन उसके पीछे पीछे जाती है, जिससे जब शाहरुख ऐसा करते हुए देखता है तब वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि उसका शूज खुला हुआ है, तो वो उसे बांधने लगता है। इसे भी जुनजुन कल रात की बात को याद करने लगती है, जब शाहरुख ने उससे पूछा था कि उसकी क्या विश है, तो जुनजुन ने कहा था कि मेरी विश तो पहले थी अब नहीं है, पर शाहरुख कहता है कि मेरे पास पहले कोई विश नहीं थी और अब है, यानी कि वो भी अब जुनजुन को लाइक करने लगा था। और वो उसे बोलता है कि मैं अब से तुम्हारे और सी चोंग के बीच में नहीं पड़ूंगा। जुनजुन उसे यहाँ पर कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पाती और बोलती है कि मैं अभी टैक्सी से घर जा रही हूँ तो मैं तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर दूंगी, लेकिन वो मना करके वहाँ से चला जाता है। इधर शॉपिंग करते वक्त सी चोंग वेवे से बोलता है कि मैं कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग के लिए जाने वाला हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करोगी, पर वेवे मना कर देती है और कहती है कि तुम अकेले में ना कुछ ज्यादा डेंजरस हो जाते हो। तभी डिंग भी यहाँ पर आकर इनकी बातों को इंटरप्ट कर देता है। अब जब वेवे और दाइशी डॉम के अंदर वापस आते हैं तो दाइशी उससे पूछती है कि कल तुमने और सी चोंग ने क्या किया, पर वेवे उसे कुछ भी नहीं बताती और शर्माने लग जाती है, जिससे दाइशी कुछ और ही समझने लगती है और बोलती है कि तुम भला इतनी जल्दी ये सब कैसे कर सकते हो। ये बोलकर वो डिंग को मैसेज करके सी चोंग पर नजर रखने के लिए बोलती है और कहती है कि वो ना कुछ ज्यादा ही आगे चला गया है, जो सुनकर डिंग भी सी चोंग को बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतना आगे तक चले जाओगे। और इधर दाइशी वेवे को डांट रही होती है कि तुम तो अभी अभी सी चोंग से मिली हो और तुम्हें ना खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए, तो वेवे उसे बोलती है कि आखिर तुम क्या समझ रही हो। फिर वेवे और सी चोंग इन दोनों को बता देते हैं कि इन्होंने तो सिर्फ हाथ पकड़ा था और किस किया था, जो सुनकर ये दोनों बोलते हैं कि अच्छा तो ऐसी बात थी, तुम दोनों तो बहुत ही प्यारे हो। फिर हम ली को देखते हैं जो कि योशिन के कैफे में बैठकर उसे देखे जा रहा था। जब वो उसे कॉफी सर्व करने के लिए आते हैं तो पूछते हैं क्या तुम भी मेरे साथ ओवरटाइम कर रहे हो, तो बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं तो बस यहाँ पर बुक पढ़ने के लिए आया था। उसी वक्त यहाँ पर योशिन के डैड भी आ जाते हैं, जिन्हें ली बोलता है कि ये पब्लिक प्लेस है और आज आप योशिन को कुछ मत करना, तो उसके डैड बोलते हैं कि चिंता मत करो मैं सिर्फ अपनी बेटी से बात करने के लिए आया हूँ। इसलिए यूशन की इशारा करने पर वो साइड में चला जाता है और यूशन के डैड उसे बोलते हैं कि उस दिन मैं काफी इम्पल्सिव हो गया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि मैंने तुम्हारी बिल्कुल भी देखभाल नहीं की, इसलिए मैंने अब जॉब से रिजाइन दे दिया है और मैं एक कैफे खोल रहा हूं, ताकि मैं तुम्हारा भी ख्याल रख सकूं और मैं ऐसे ही अब तुमसे मिलने आता रहूंगा। ये बोलकर डैड यहाँ से चले जाते हैं, जिनके जाने के बाद यूशन ली के कंधे पर सर रख के रोने लगती है और वो भी उसे कम्फर्ट करता है। सीना पेंगपाई पर आता है, जिससे अपने मैनेजर के कहने पर एक मीटिंग में क्लाइंट के साथ कुछ ज्यादा ही ड्रिंक करनी पड़ जाती है और यहाँ से निकलने के बाद वो वेवे को याद कर रहा था। इधर वेवे मेजर चेंज करने के डिसीजन के बारे में काफी परेशान थी, तो डाइशी उसे बोलती है कि सी चोंग स्विमर है और तुम उसकी पर्सनल रिहैबिलिटेटर बन सकती हो, वो जहाँ भी जाएगा इससे तुम उसके साथ जाओगी। तो वेवे इमेजिन करने लगती है कि सी चोंग को गोल्ड मेडल मिल रहा है और वो उसकी पर्सनल रिहैबिलिटेटर बनके उसके साथ है, जो देखकर वो काफी खुश हो रही थी। तो डाइशी उसे सपनों से बाहर निकालती है। तभी वहाँ पर यूशिन भी आ जाती है, जो उसे बोलती है कि तुम भला अपने मेजर क्यों चेंज कर रही हो, तो वेवे बोलती है कि ये सब के पीछे कोई और पर्सनल रीजन है। उसी वक्त वहाँ पर एक लड़की आती है, जो वेवे को बोलती है कि कोई तुम्हें नीचे बुला रहा है। जैसे ही वेवे नीचे आती है तो देखती है कि वहाँ पर पेंगपाई है, जो कि ड्रंक हालत में वेवे को नीचे आने के लिए बोल रहा था। वेवे उसे किसी तरीके से बाहर ले जाती है और पूछती है कि तुमने भला इतनी ड्रिंक क्यों की, और वो उसे बेंच पर बैठा कर सी चोंग को कॉल करने लगती है ताकि वो उसे लेकर चला जाए, पर पेंगपाई उसे फोन छीन कर बोलता है कि वेवे सिर्फ मेरी है, और ये बोलकर उसका फोन दूर फेंक देता है। फिर वो वेवे को अपने पास खींचता है और उसे हग करके जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है, लेकिन सही वक्त पर सी चोंग वहाँ पर पहुंच जाता है और उसे पंच करके वेवे से दूर रहने को बोलता है। फिर वो वेवे को लेकर यहाँ से चला जाता है और पेंगपाई वहीं पर बैठकर रोने लगता है। इधर सी चोंग वेवे का हाथ पकड़कर बैठा हुआ था, तो वेवे उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो, पर सी चोंग बताता है कि मैं तो खुद से नाराज हूँ कि क्यों मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड होकर भी तुमको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। फिर वो उसे बोलता है कि कल से मैं ट्रेनिंग पर जा रहा हूँ, इसीलिए अगर कुछ भी हो तो सबसे पहले मुझे कॉल करके बताना। ये बोलकर वो उसे हग कर लेता है। अगले दिन सी चोंग पेंगपाई से मिलने के लिए जाता है और उसे वेवे से दूर रहने को बोलता है। फिर सी चोंग प्रोविजनल टीम में जाने वाला होता है, तो उसकी मॉम उसका सारा सामान पैक कर रही थी। घर से निकलने से पहले सी चोंग कुछ ड्यूरियन कैंडी उठा लेता है, जो कि उसने वेवे के लिए ली थी, और जैसे वो घर के बाहर पहुंचता है तो देखता है कि वेवे उसका बाहर इंतजार कर रही है, तो वो उसे उन कैंडी
को देता है और फिर वो खुद ही उस कैंडी को छीन कर उससे खा लेता है। सी चोंग अब जल्दी से टैक्सी में सामान रखकर वहाँ से जाने लगता है, तो वे उसके पास जाकर उसे बोलती है कि हर दिन मुझे वीडियो कॉल करना, अच्छे से खाना और अच्छे से सोना। तो सी चोंग उसे नॉर्मली बाय बोलकर चला जाता है, जिससे वेवे थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। लेकिन फिर सी चोंग भाग कर आता है और वेवे को पीछे से हग करता है, जो देखकर वो काफी खुश होती है। फिर वो उसे अच्छे से गुड बाय बोल के चला जाता है। अब सी चोंग जैसे ही प्रोविजनल टीम में पहुंचता है तो उसे वहाँ के सारे रूल्स बताए जाते हैं, जिनमें से एक रूल ये भी था कि उन सभी के फोन जमा कर लिए जाएंगे और सिर्फ दिन में कुछ ही देर के लिए फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस वक्त उसे वेवे का कॉल भी आ रहा था, जिसे वो पिक करना चाहता था, पर उसका फोन छीन लिया जाता है और वेवे उसे मैसेज करती है कि क्या वो पहुंच गया। लेकिन बेचारा सी चोंग उसे कोई भी रिप्लाई नहीं कर पाता, जिससे वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। अगले दिन सी चोंग वीडियो कॉल करके वेवे से बात करता है। फिर हम डाइशी को देखते हैं, जो कि काफी नर्वस थी और वेवे को कॉल मिला रही होती है, क्योंकि आज वो डिंग से अपना लव कन्फेस करने वाली थी, लेकिन वो तो सी चोंग के साथ बिजी थी। इसीलिए वो किसी तरह से डिंग के पास जाती है, जो कि थिएटर के बाहर उसका वेट कर रहा था, जहाँ वो उसे चॉकलेट का बॉक्स देती है। तो डिंग बोलता है कि आखिर इसका क्या मतलब है। तो डाइशी बोलती है कि इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। ये बोलकर वो जाने लगते हैं तो डिंग उसे रोकता है, जिससे गलती से डाइशी का हाथ लगने से पॉपकॉर्न हवा में उड़ जाते हैं और उनका एक रोमांटिक सा मूवमेंट क्रिएट हो जाता है। डिंग उससे पूछता है कि इसका मतलब अब तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हुआ, जिस पर वो हाँ बोलकर उसे चीक्स पर किस कर देती है और फिर दोनों मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। मूवी देखने के बाद डिंग काफी शर्मा रहा था डाइशी का हाथ पकड़ने से, तो वो खुद ही उसका हाथ पकड़ लेती है। अब क्योंकि हॉलीडेज की वजह से वेवे अपने घर पे थी, तो डाइशी और डिंग उसे कॉल करके बुलाते हैं, क्योंकि सी चोंग ने डिंग को वेवे के लिए कुछ सरप्राइज प्लान करने के लिए कहा था, क्योंकि वो उसे दूर था। जो देखकर डाइशी उसे बोलती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो या सी चोंग के। डिंग उसे बोलता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारे अलावा भला मुझे कौन प्यार कर सकता है। तो डाइशी उससे पूछती है कि तुम हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बाकी सबको कब बता रहे हो। डिंग बोलता है कि सी चोंग के वापस आने के बाद, क्योंकि वेवे अभी अकेली है, तो वो हम दोनों को इतना प्यार करते हुए देखकर शायद उसे अच्छा ना लगे, जिस पर डाइशी भी मान जाती है। फिर ये लोग वेवे को सरप्राइज देते हैं, जहाँ डाइशी डिंग का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन वो उसका हाथ छुपा लेता है। फिर बाद में वो उसे फायर क्रैकर्स भी देता है और साथ में उनकी फोटो क्लिक करके सी चोंग को भी भेज देता है, जो देखकर वो काफी खुश हो रहा था। अगले दिन जब वेवे क्लास के बाद रूम में जाती है, तो उसकी तबीयत काफी खराब थी। डाइशी उसे देखकर उसके सर पे हाथ लगाती है, लेकिन उसे शॉक लगता है क्योंकि वेवे को फीवर हो गया था। इसलिए वो डिंग को रूम से बाहर भेज देती है और वेवे से बोलती है कि क्या मैं यहीं पर रुक जाऊं, क्योंकि वो अपने घर जाने वाली थी। लेकिन वेवे बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। इसी बीच सी चोंग भी वेवे को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन भी शॉक लगने की वजह से हैंग कर रहा था, जिस वजह से वो सी चोंग का कॉल नहीं उठा पाती और वो काफी टेंशन में आ जाता है। फिर वो डिंग को कॉल करके वेवे के बारे में पता करने के लिए बोलता है, लेकिन तभी सीनियर्स उसका फोन वापस से कलेक्ट करने के लिए आ जाते हैं। सीना फिर से वेवे पर आता है, जिसको अपनी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से खुद ही शॉक लग जाता है और उसका हाथ थोड़ा जल भी जाता है। उसी वक्त रूम में योशिन और जुनजुन आते हैं, तो वो उसे इन्फर्मरी चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन वेवे मना कर देती है और बोलती है कि बैंडेज लगाने से ही ठीक हो जाएगा। इधर सी चोंग अभी भी वेवे को लेकर काफी परेशान था, इसलिए वो किसी और के फोन से उसे कॉल करता है, जो कि जुनजुन उठाती है और उसे बताती है कि वेवे को फीवर है, इसलिए वो आराम कर रही है और तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर उसका ख्याल रख लेंगे। तो सी चोंग उसे उसके लिए कुछ दवाइयां लाने के लिए बोलता है, इसलिए जुनजुन उसके लिए पॉरिज और दवाइयां लेकर आती है, जहाँ थोड़ा रेस्ट करने के बाद वेवे अब थोड़ी सी बेटर फील कर रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि डायरेक्टर सी चोंग को मिलने के लिए बुलाते हैं, जहाँ वो उसे बताते हैं कि मुझे किसी ने रिपोर्ट किया है कि तुमने अपनी इंजरी और पेन को इतना जल्दी ट्रीट करने के लिए कुछ ड्रग्स वगैरह ली है, इसलिए तुम्हारी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी है। सी चोंग बोलता है कि हाँ, ये बात सही है कि मुझे इंजरी हुई थी, पर उसको मैंने रिहैबिलिटेशन से ट्रीट किया है, ना कि ड्रग्स से। तो डायरेक्टर बोलता है कि इसके लिए तुम्हें प्रोविजनल टीम में जाने से पहले एक ड्रग टेस्ट करना होगा, जिसके लिए सी चोंग मान जाता है। सीना वेवे पर आता है, जो कि अब ठीक हो चुकी थी और क्योंकि वो सी चोंग को काफी मिस कर रही थी, तो जुनजुन उसे सजेस्ट करती है कि उसे सी चोंग से जाकर मिल लेना चाहिए। इसलिए वो सी चोंग के ट्रेनिंग कैंप पर उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है, जहां जैसे ही वो सी चोंग को देखती है तो वो उसे हक कर लेती है, क्योंकि वो उसे काफी मिस कर रही थी। सी चोंग फिर उसे अपने टीम मेंबर से भी मिलवाता है, जहां पर सभी लोगों से बताता है कि यहां पर ना काफी लड़कियां उस पर लाइन मारती है, तो उसे सी चोंग पर नजर रखनी चाहिए, जो सुनकर सी चोंग उसे बाहर ले जाता है, जहां वो उसे ड्यूरेन कैंडी देता है और फिर उसे किस कर देता है, तो वेवे भी उसे किस करने लगती है। यहाँ ये दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम बिताते हैं। वेवे जाने से पहले सी चोंग की जैकेट पर कुछ लिख देती है और बोलती है कि अगर कोई लड़की फिर से तुम्हें अप्रोच करे ना, तो तुम उसे ये दिखा देना। रात में हम सी चोंग को शाहरुख के साथ प्रैक्टिस करता हुआ देखते हैं, तभी वहाँ पर एक लड़की आकर सी चोंग पर लाइन मारने लगती है, तो सी चोंग उसे अपनी जैकेट पर लिखा हुआ दिखा देता है, जिसका मतलब था कि उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, जो देखकर वो लड़की अपसेट हो जाती है और सी चोंग वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम कॉलेज में देखते हैं कि इन लोगों के एग्जाम्स ओवर हो गए थे, तो सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं। जब वेवे अपने घर में होती है तो सी चोंग उसे रात में कॉल करता है और वेवे उससे वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, पर उसके पेरेंट्स को लगता है कि घर में कोई चोर घुस आया है। लेकिन जब वो
वो देखते हैं कि ये तो वेवे है, तो पूछते हैं कि तुम इतनी रात को क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि कुछ नहीं, मैं तो बस इंग्लिश सीख रही थी। जो सुनकर उसके पेरेंट्स को लगता है कि वो सच बोल रही है और वो भी चुपचाप सोने के लिए चले जाते हैं। अब वेवे और सीचोंग ऐसे ही एक दूसरे से हर दिन बात करते रहते थे और वेवे के पेरेंट्स उस पर नजर रख रहे थे। इसी तरह एक महीना बीत जाता है और आज ट्रेनिंग खत्म करने के बाद सीचोंग वापस से कॉलेज आने वाला था, इसलिए वेवे उसे कॉलेज के बाहर लेने के लिए जाती है, जहाँ वो शारुओ को देखकर उसे सीचोंग के बारे में पूछती है। तो वो बताता है कि वो तो अभी तक ट्रेनिंग कैंप में है किसी काम की वजह से, जो सुनकर वेवे थोड़ी अपसेट हो जाती है। हम देखते हैं कि सीचोंग को लेने के लिए उसकी मोमो डैड आए होते हैं और वो उसे साथ में डिनर पर चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन सीचोंग मना कर देता है क्योंकि उसे वेवे से मिलने के लिए जाना था। दूसरी तरफ हम वेवे को देखते हैं जो कि काफी अपसेट होती हुई सीचोंग को मैसेज करते हुए जा रही थी, पर वो उसका रिप्लाई ही नहीं कर रहा था। तभी सीचोंग अचानक से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और बोलता है कि क्या तुमने मुझे मिस किया। पर वेवे उसे नाराज थी तो वो जाने लगती है, लेकिन सीचोंग उसे फिर से अपनी तरफ खींचकर हक कर देता है और उसे माफी मांगता है क्योंकि उसने उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था। वेवे उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे। तो सीचोंग मना कर देते हैं और फिर दोनों खाना खाने के लिए साथ में कैफेटेरिया की तरफ जाने लगते हैं। इधर कैफेटेरिया में दाई शीडिंग से बोलती है कि अब हम अपने रिलेशनशिप के बारे में सभी लोगों को कब बता रहे हैं। तो बोलता है कि मुझे ना काफी शर्म आ रही है। दाईशी उससे पूछती है कि क्या मुझे डेट करके तुम्हें एम्बेरस फील हो रहा है। इतने में ही वहाँ पर सीचोंग और वेवे भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर डिंग तो काफी खुश होता है, लेकिन दाईशी गुस्से में उठकर यहाँ से चली जाती है तो डिंग भी उसके पीछे पीछे जाता है। फिर सीचोंग यहाँ पर वेवे को बताता है कि किसी ने उसके खिलाफ रिपोर्ट किया है कि उसने अपनी इंजरी को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स लिए हैं, पर तुम चिंता मत करो, ड्रग टेस्ट लेने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वेवे उसे बोलती है कि इतनी सीरियस बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो सीचोंग कहता है कि मैं ना तुम्हें ये सब मिलकर बताना चाहता था। और फिर वो दोनों ड्रग टेस्ट के लिए जाते हैं, जहाँ रास्ते में ये लोग प्लानिंग करने लगते हैं कि आज पूरे दिन वो क्या क्या करेंगे। हॉस्पिटल पहुंचकर जब वेवे वॉशरूम जाती है और सीचोंग अपनी बारी का वेट कर रहा था, तभी सीचोंग को किसी का मैसेज आता है जिसे देखकर वो काफी परेशान हो जाता है। और जब वेवे वापस आती है तो वो उसे बोलता है कि प्रोविजनल टीम से मुझे एक मैसेज आया है कि मुझे ड्रग टेस्ट किसी और हॉस्पिटल में करवाना है। ये बोलकर वो वेवे को यहाँ से ले जाता है। फिर वेवे उसे अपने घर लेकर जाती है, जहाँ पहुंचकर सीचोंग उसे बोलने लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी घर पर नहीं है, क्या मेरा ऐसे तुम्हारे घर में आना ठीक रहेगा। और यहाँ वो कुछ और ही समझने लगता है, पर वेवे उसे बोलती है कि ज्यादा दिमाग मत चलाओ, मैं तो सिर्फ तुम्हें यहाँ पर अपने हाथों को बना हुआ खाना खिलाने के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि तुम काफी टाइम से घर से दूर थे और तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया होगा। फिर जब वेवे खाना बना रही होती है, इसी बीच सीचोंग बैठकर उस वीडियो को देखने लगता है जो कि उसे किसी ने भेजा था, जिसमें वेवे ने उस सिक्योरिटी गार्ड को शॉक दिया था। साथ ही साथ उस पर्सन ने सीचोंग को ये भी बोला था कि अगर तुम नहीं चाहते कि ये वीडियो वायरल हो जाए तो ड्रग टेस्ट मत लेना। इसी वजह से सीचोंग इतना परेशान था, पर वो ये बात वेवे को नहीं बताता। जिसके बाद वेवे खाना बनाकर लाती है, जिसे सीचोंग जैसे ही खाता है तो वो काफी बेकार था, लेकिन सीचोंग फिर भी उसके खाने की तारीफ करता है, इसलिए वेवे उसके लिए और खाने लेकर आती है। जो सब देखकर सीचोंग वेवे से बोलता है कि क्या मैं ये सब पैक करा के ले जा सकता हूँ, क्योंकि बाद में मेरा इसे खाने का मन करेगा, ये बहुत ही टेस्टी है। लेकिन वेवे बोलती है कि नहीं, खाना ना अभी गर्म है तो तुम अभी खाओ और मैं तुम्हें खाते हुए देखना चाहती हूँ और बाद में मैं फिर से तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी। इसलिए बेचारे सीचोंग को वो सब खाना पड़ता है। फिर जब वो बर्तन धो रहा था तब वो सोचने लगता है कि मुझे भी खाना बनाना सीखना पड़ेगा, वरना हम दोनों तो भूखे मर जाएंगे। इसी बीच वो उस मोमेंट को भी याद करता है जब वेवे ने उसे बताया था क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी इलेक्ट्रिफाई करने वाली बात किसी के भी सामने आए, क्योंकि लोग उसे गलत समझेंगे कि वो लड़कों को सीड्यूस करने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। सीचोंग फिर वेवे की स्कूल की फोटो देखने लगता है और पूछता है कि इसमें तुम कहाँ हो, पर वो बताती है कि उस पूरे इंसिडेंट के बाद मैं अपनी क्लासमेट्स को फेस करने में काफी एम्बेरस फील कर रही थी, इसलिए फोटो मैंने ही क्लिक किया है और इसके अंदर मैं नहीं हूँ। जो सुनकर सीचोंग कहता है कि तुमने पास में बहुत कुछ सहा है, लेकिन फ्यूचर में मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। सीचोंग इसके बाद जब घर जा रहा था तभी उसे उसकी कोच का कॉल आता है जिसे वो पिक नहीं करता। जिसके बाद हम डिंग को देखते हैं जो कि दाईशी को मनाने के लिए उसके पास क्रैब्स लेकर जाता है, लेकिन वो उससे काफी नाराज थी और बोलती है कि वो भला अपने रिलेशनशिप के बारे में सभी को क्यों नहीं बता देता, क्या तुम्हारी कोई और भी गर्लफ्रेंड है। लेकिन डिंग उसे बोलते हैं कि नहीं नहीं सिर्फ तुम ही मेरी गर्लफ्रेंड हो और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, ना तो मैं सीचोंग की तरह स्विमिंग चैंपियन हूँ, ना ही लिन की तरह पढ़ाई में अच्छा हूँ, और शारुओ भी मुझसे कितना अच्छा है, पर मैं हूँ जो कि कुछ भी नहीं कर पाता सिवाय खाना खाने के। तो दाईशी हंसकर बोलती है कि सिर्फ इतनी सी बात है, स्विमिंग तो मैं भी नहीं कर सकती, ना ही मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, और मुझे तुम्हारी इन सब बातों के बारे में पहले से ही पता है, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। जो सुनकर वो भी स्माइल करने लग जाता है। फिर वो उसे अपने हाथों से क्रैब्स खिलाता है और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। रात में हम सीचोंग को उसके घर में देखते हैं, जहाँ पर उसकी मोम उसे आकर ड्रग टेस्ट के बारे में पूछती है कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो सीचोंग बोलता है कि इसको आने में तो टाइम लगेगा। फिर वो उससे पूछती है कि भला तुम वेवे को घर क्यों नहीं लाए, मैं भी उससे काफी दिनों से नहीं मिली हूँ। ये सारी बातें करके मोम यहाँ से चली जाती है।
हैं और सीचोंग सोचने लगता है कि आखिर ये सब किसने किया होगा। तभी उसे याद आता है कि पेंगपाई को भी वेवे की पावर्स के बारे में पता है, तो शायद वही उससे बदला लेने के लिए ये सब कर रहा होगा। और वो उस नंबर के बारे में भी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता। और क्योंकि सीचोंग कोच का फोन नहीं उठा रहा था, तो कोच डायरेक्ट उसके घर पर फोन कर देती है, जिसे उसकी मॉम उठाती है। कोच बताती है कि सीचोंग ड्रग टेस्ट लेने के लिए नहीं गया, और अगर वो ड्रग टेस्ट नहीं लेगा तो उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा, जो सुनकर मॉम हैरान रह जाती है। अगले दिन कॉलेज में सीचोंग के बारे में पहले से ही रूमर्स फैल जाते हैं कि वो ड्रग्स वगैरह लेता है। जो बातें जब डिंग सुनता है तो उसे काफी गुस्सा आता है, और वो उन लड़कों को ऐसे रूमर्स फैलाने से मना करता है। तभी वहाँ पर शारुए भी आ जाता है, तो डिंग उससे इस बात के बारे में पूछता है, जिस पर शारुए भी यही बोलता है कि हमें ऐसे रूमर्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर हम वेवे को देखते हैं, जो कि सीचोंग को काफी सारे मैसेज करती है, लेकिन वो उसकी एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, जिस वजह से वो काफी परेशान होती है। तभी दाइशी को डिंग का मैसेज आता है, जो उसे बताता है कि सीचोंग किसी का भी फोन नहीं उठा रहा और उसने ड्रग टेस्ट नहीं लिया, जिसकी वजह से कॉलेज में उसके बारे में काफी सारे रूमर्स फैले हुए हैं। तुम कोशिश करना कि इस सब के बारे में वेवे को ना पता चले, वरना वो भी परेशान हो जाएगी, क्योंकि सीचोंग तो पहले से ही बहुत परेशान है। इसलिए दाइशी वेवे को ज्यादा टेंशन लेने से मना करती है और बोलती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर सीचोंग के पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि उसने ड्रग टेस्ट क्यों नहीं करवाया। सीचोंग अपने पेरेंट्स को समझाता है कि आप लोग मुझ पर भरोसा रखिए कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, पर ड्रग टेस्ट मैंने किसी कारण की वजह से नहीं किया, जो कि मैं आपको नहीं बता सकता। और वो बिना ब्रेकफास्ट किए ही वहाँ से चला जाता है, जिस वजह से उसके पेरेंट्स भी काफी परेशान होते हैं। जिसके बाद हम पेंग भाई को देखते हैं, जिसे सुनयांग से पता चलता है कि सीचोंग से को ड्रग्स लेने के लिए रिपोर्ट किया था और इसके लिए उसे ड्रग टेस्ट कराना था, लेकिन वो ड्रग टेस्ट लेने के लिए नहीं गया, जो सुनकर वो भी काफी हैरान हो जाता है। तो सुनयांग उसे सीचोंग से बात करने के लिए बोलता है। अब जैसे ही पेंग भाई बाहर जाता है, तो सीचोंग उसका बाहर ही इंतजार कर रहा था, पर इनके बीच में क्या बातें होती है ये हमें अभी नहीं दिखाया जाता। फिर हम वेवे को देखते हैं, जो कि अभी भी सीचोंग के लिए काफी परेशान हो रही थी, और आज डाइसी से बात करते हुए वो उसे ये भी बता देती है कि उसे उसके और डिंग के रिलेशनशिप के बारे में पहले से ही पता है। फिर हम सीचोंग को देखते हैं, जो जब वापस आ रहा था, तभी उसे कोच का कॉल आता है। सीचोंग जब उस कॉल को उठाता है, तो कोच उसे कॉलेज में मिलने के लिए बुलाती है, जिसके लिए वो मान जाता है। इधर वेवे अभी भी सीचोंग के मैसेज का वेट कर रही थी, तभी वो उसके पास आता है, जिसे देखकर वो उससे पूछती है कि वो उसके मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा था और क्या कोई ऐसी बात है जो वो उसे छुपा रहा है। तो सीचोंग बोलता है कि तुम ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है और अगले हफ्ते दोबारा से मेरा ड्रग टेस्ट होने वाला है। फिर जब वेवे कैफेटेरिया में बैठकर लंच कर रही होती है, तभी सीचोंग की मॉम उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। उसी वक्त वहाँ पर योशिन और लिन भी आ जाते हैं, तो वेवे उन्हें बोलती है कि टीचर को बोल देना कि मैं क्लास के लिए थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और यहाँ लिन आज योशिन के लिए स्पेशल टी बनाकर लेकर आया था, जो देखकर वो काफी खुश हो जाती है। इधर वेवे जब सीचोंग की मॉम से मिलने के लिए जाती है, तो वो उसे बोलती है कि क्या तुम सीचोंग को ड्रग टेस्ट करने के लिए मना सकती हो, जिस पर वेवे कहती है कि ड्रग टेस्ट करवाने के लिए तो मैं ऑलरेडी उसके साथ हॉस्पिटल गई थी, लेकिन प्रोविजनल टीम सीचोंग को मैसेज आया था कि हॉस्पिटल बदल दिया गया है। पर सीचोंग की मॉम उसे बता देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और सीचोंग ने जानबूझकर ड्रग टेस्ट नहीं लिया, जो सुनकर वेवे हैरान हो जाती है। सीचोंग की मॉम बोलती है कि ये उसके करियर का सवाल है, इसीलिए प्लीज तुम उसे ड्रग टेस्ट करने के लिए मना लो, जिसके लिए वेवे हाँ बोलती है। और उसकी मॉम के जाते ही फटाफट से सीचोंग को कॉल करती है, पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए वो डिंग को कॉल करके उससे पूछती है कि सीचोंग कहाँ पर है, जो उसे बता देता है कि वो तो पेंगपाई से मिलने के लिए गया था। इसलिए वेवे भी फटाफट से पेंगपाई से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो उससे पूछती है कि तुम्हारे और सीचोंग के बारे में क्या बात हुई। तो पेंगपाई कहता है कि क्या तुम्हें सीचोंग ने इसके बारे में नहीं बताया, और यहाँ में दिखाया जाता है। सीचोंग पेंगपाई से बोलता है कि तुम ही होना जिसने मुझे वो वीडियो भेजा था, पर पेंगपाई को तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रहा है, इसीलिए सीचोंग उसे वो वीडियो दिखाता है, जो देखकर पेंगपाई कहता है कि क्या तुमने इसीलिए ड्रग टेस्ट नहीं लिया, और अगर मुझे वेवे का सच बाहर निकालना होता तो मेरे पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी, मैं तो हाई स्कूल से ही इसके बारे में जानता था। हाँ, ये बात सच है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन मैं ये सब करके कभी भी वेवे को हर्ट नहीं करूंगा। फिर पेंगपाई उससे पूछता है कि क्या वेवे को इस बारे में पता है, तो सीचोंग कहता है कि नहीं। पेंगपाई पूछता है कि ड्रग टेस्ट की डेडलाइन कब है, तो सीचोंग बताता है कि 3 दिन बाद, जो सुनकर पेंगपाई कहता है कि ये जो कोई भी इंसान है वो सच में तुम्हें बर्बाद करना चाहता है, और मुझे भी नहीं पता कि अगर वेवे की ये वाली वीडियो डिस्क्लोज हो गई तो उसकी जिंदगी में उसके साथ क्या होगा। जो सुनकर सीचोंग डिसाइड करता है कि वो स्विमिंग छोड़ देगा, क्योंकि वो तो कोई भी करियर ऑप्शन चुन सकता है, लेकिन इस वीडियो के बाहर आने के बाद वेवे की जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। हालांकि स्विमिंग उसका ड्रीम है, लेकिन वेवे उसकी हैप्पीनेस है। जो सुनकर पेंगपाई कहता है कि इस पर्सन की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जिसके लिए सीचोंग उसे थैंक्स बोलता है। तो पेंगपाई बोलता है कि मुझे तुम्हारे थैंक्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम वेवे के लिए वो सब कर सकते हो जो मैं नहीं कर सकता। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। ये सारी सच्चाई जानने के बाद वेवे जाने लगती है, लेकिन पेंगपाई उसे रोककर उसे सॉरी बोलता है, पर वेवे उसे कुछ भी रिस्पॉन्स किए बिना ही यहाँ से चली जाती है।
इसके बाद हम देखते हैं कि मिस मेलिंग सीचोंग को बहुत ज्यादा डांट रही होती है क्योंकि उसने ड्रग टेस्ट नहीं लिया था। कोच बोलती है कि मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है और वो ड्रग्स वगैरह नहीं ले सकते, जिस पर मिस मेलिंग बोलती है कि मुझे भी तुम लोगों पर पूरा भरोसा है, लेकिन सीचोंग को इनोसेंट प्रूव करने के लिए उसे टेस्ट तो लेना ही पड़ेगा। कोच बोलती है कि सीचोंग को जरूर कोई फंसा रहा है और क्या कोई और तरीका है जिससे सीचोंग को इनोसेंट प्रूव किया जा सके। मिस मेलिंग बोलती है कि सिर्फ यही एक तरीका है और अगर उसने ड्रग्स नहीं लिए हैं तो उसे ड्रग टेस्ट कराने में आखिर क्या दिक्कत हो रही है, मैं इस बात को समझ नहीं पा रही। तभी वहाँ पर वेवे भागते हुए आती है जो मिस मेलिंग से बोलती है कि मैं कुछ भी करके सीचोंग को इनोसेंट प्रूव कर दूंगी, आप लोग हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए। इसीलिए मिस मेलिंग वहाँ से चली जाती है। वेवे भी अब गुस्से में ऐसे जाने लगते हैं तो सीचोंग उसके पीछे जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। वेवे बोलती है कि तुमने मुझे इस सब के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, तो सीचोंग कहता है कि मैंने सिर्फ तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम टेंशन लेती। वेवे बोलती है कि तुम भला मेरी वजह से अपना करियर कैसे खराब कर सकते हो, स्विमिंग तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सीचोंग कहता है कि मेरे लिए तुम भी काफी इंपॉर्टेंट हो और तुम चिंता मत करो, अभी हमारे पास 3 दिन है, जब तक मैं उस बंदे को ढूंढ नहीं लेता मैं गिव अप नहीं करूंगा। तो वेवे कहती है कि अब से तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगे, जिस पर वो भी हाँ बोलता है। अब ये दोनों रात में उसी जगह पर जाते हैं जहाँ वो दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर ये किसने किया होगा और क्या कोई ऐसा बंदा है जो वेवे के छुपकर वीडियो ले रहा होगा। तभी वेवे सोचते है कि कहीं ये गार्ड ने तो नहीं किया, इसलिए वो नाइट गार्ड से उसके बारे में पूछने जाते हैं तो बताता है कि उस साइको को तो ऑलरेडी जेल में भेज दिया गया है और उसका जेल से बाहर आना तो इम्पॉसिबल है। तभी सीचोंग पूछता है कि क्या कोई पर्सन यहाँ पर आया था जिसने उस दिन की फुटेज को निकलवाया हो, जिस पर गार्ड बताता है कि तुम लोगों के साथ ही एक जो लड़का था वो आया था, जो सुनकर ही दोनों हैरान हो जाते हैं। अगले दिन वेवे दाइशी से जाकर पूछती है कि क्या तुमने मेरी पावर्स के बारे में किसी को बताया है, जिस पर वो मना करती है। तो वेवे उसके कान में सारी बातें बताती है जो सुनकर वो भी हैरान रह जाती है। फिर वो डिंक को पूछती है कि क्या तुम्हारे टीम में कोई ऐसा बंदा है जो कि सीचोंग के साथ जानबूझकर ये कर रहा हो, लेकिन वो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम सब तो काफी अच्छे दोस्त हैं। ये दोनों अब जुनजुन से पूछने के लिए जाते हैं कि उस दिन जब साइको तुम्हारा पीछा कर रहा था तब तुम्हें कौन मिला था, तो वो बता देती है कि मुझे शारुए मिला था, जो सुनकर वो हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ फेंगपाई सीचोंग को बताता है कि ये सिम कार्ड तुम्हारे कॉलेज के पास से ही खरीदा गया है और जिस बंदे ने तुम्हें ये वीडियो भेजा है वो तुम्हारा कोई टीममेट ही है, वो तुम्हें बर्बाद करना चाहता है, पर सीचोंग इस बात पर विश्वास करने से मना कर देता है। फेंगपाई बोलता है कि वो साइकोपैथ वाले इंसिडेंट के दिन शारुए भी वहां पर मौजूद था और सिर्फ वही एक ऐसा इंसान है जिसको तुम्हारे स्विमिंग टीम से हटने से सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि वो हमेशा सेकंड आता है और तुम फर्स्ट, लेकिन अगर तुम किसी भी तरह से प्रोविजनल टीम में एंटर ना हो पाओ तो तुम्हारी जगह वो वहाँ पर पहुँच जाएगा और तुम इस बात पर यकीन करो ना करो। लेकिन इस सब के बीच में वेवे को हट मत होने देना, ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है और सीचोंग परेशान हो जाता है। जिसके बाद हम सीचोंग के पेरेंट्स को डायरेक्टर के साथ डिनर करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर सीचोंग भी आ जाता है और वो उनसे पूछता है कि क्या आप ड्रग टेस्ट की डेडलाइन थोड़ी सी आगे बढ़वा सकते हो। उसके पेरेंट्स भी बोलते हैं कि सीचोंग को कोई ना फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो वो डायरेक्टर बोलता है कि वैसे तो ये रिपोर्ट किसी अनजान बंदे ने करी है, लेकिन मैं गेस कर सकता हूँ कि ये जरूर तुम्हारे टीममेट ने किया है जो कि तुम्हारे साथ ट्रेनिंग कैंप में था, क्योंकि अपने राइवल को रास्ते से हटाने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि उसे बर्बाद कर दो, जो सुनकर सीचोंग भी सोच में पड़ जाता है। सीचोंग के पेरेंट्स भी उससे पूछते हैं कि क्या शारुए ये इंसान हो सकता है, लेकिन वो बोलता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो तो मेरा रूममेट है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। फिर जब सीचोंग अपने रूम में आता है तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और वो उसी नंबर पर कॉल लगाकर देखते हैं जिससे उसे वो वीडियो भेजा गया था, तो वो फोन उसके रूम के अंदर ही कहीं पर बज रहा था और जब वो चेक करता है तो उसे वो फोन शारुए के ड्रॉअर में मिलता है, जो देखकर वो गुस्से में फटाफट से पूल के पास जाता है जहाँ उसे डिंग मिलता है। तो वो उसे शारुए के बारे में पूछता है जो बता देता है कि वो तो लॉकर रूम में है। सीचोंग बोलता है कि किसी को भी अंदर मत आने देना और गुस्से में वहां से चला जाता है। इधर वेवे सीचोंग को कॉल करती है लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाता, तो वो दाइशी से डिंग को कॉल करवाकर उसके बारे में पूछती है जो बता देता है कि वो तो गुस्से में शारुए के पास लॉकर रूम में गया है, जो सुनकर वो भी फटाफट से वहां जाने के लिए निकल जाती है और उसके पीछे बाकी लोग भी। इधर सीचोंग शारुए के पास जाकर उसका फोन उसे देते हुए पूछता है कि ये सब क्या है, तो शारुए एकदम बेशर्मों की तरह एक्सेप्ट कर लेता है कि ये सब उसी ने किया है। वो उसे बताता है कि वेवे इलेक्ट्रोफ्यूरियस है, ये मुझे काफी पहले से ही पता था। सीचोंग बोलता है कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो और इसमें वीवी को बीच में क्यों लाए हो। शारुए बोलता है कि तुम तो बचपन से ही स्विमिंग में जीनियस हो और मैं चाहे कितनी भी मेहनत या प्रैक्टिस क्यों ना कर लूं, मैं कभी भी तुमसे आगे नहीं निकल पाता और वेवे मेरा आखिरी ऑप्शन थी, इसीलिए अब तुम्हें खुद डिसाइड करना होगा कि तुम्हें अपना करियर बर्बाद करना है या फिर वेवे की लाइफ, क्योंकि अगर सभी लोगों को पता चल जाएगा कि वो इलेक्ट्रोफ्यूरियस है तो उसका क्या होगा। जो सुनकर सीचोंग को काफी गुस्सा आता है और वो शारुए को पीटना शुरू कर देता है और इन दोनों में फाइट हो जाती है, लेकिन तभी डिंग और बाकी लोग आकर इन्हें रोकते हैं। वहीं बाहर वेवे और बाकी लोग भागते हुए आ रहे थे, तभी उन्हें बाहर शारुए मिल जाते हैं जिसे देखकर वेवे गुस्से में वहां से चली जाती है।
पर शारुए जब झुनझुन को देखता है तो नजर झुकाकर चले जाता है। इधर डिंगसी चंग से पूछता है कि आखिर वो शारुए से लड़ाई क्यों कर रहा था, तो वो उसे बता देता है कि मैंने तो उसे फ्रेंड की तरह ट्रीट किया, लेकिन वही वो पर्सन है जिसने मेरे खिलाफ चीटिंग के लिए रिपोर्ट की थी। तभी वहाँ पर वेवे भी आ जाती है जो सी चंग से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो हाँ बोलता है। जिसके बाद हम शाहरुख को देखते हैं जो कि अकेले बैठकर ड्रिंक कर रहा था। तभी उसे झुनझुन का मैसेज आता है जो उससे पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया, तो उसे सीचंग और झुनझुन की सारी बातें याद आने लगती हैं। इधर ये सभी लोग बैठकर शाहरुख के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहां वे बताने वाली थी कि कैसे शाहरुख ने सीचंग को ब्लैकमेल किया, लेकिन दाइशी उसे रोक देती है, जो देखकर डिंग दाइशी से पूछता है कि या तुम कुछ जानती हो, और अगर तुम लोग हमें सारी बात बताओगे तभी हम लोग तुम्हारी मदद कर पाएंगे। तो वे फिर से उन लोगों को बताने की कोशिश करती है, लेकिन सीचंग पानी लाने का बहाना करके उसे अपने साथ साइड में ले जाता है। तो वो कहती है कि अगर हम इन सभी को सच बता देंगे तो शायद शारुए फिर तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। सीजंग बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरी चिंता है, लेकिन मैं तुम्हें रिस्क में नहीं डाल सकता, और तुम चिंता मत करो, इस प्रॉब्लम का भी कोई ना कोई सलूशन निकल ही जाएगा, जो सुनकर वे हाँ करती है। जिसके बाद शारुए जब रूम में आता है तो डेंगो से बोलता है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया, और तुम कभी भी सीजंग से नहीं जीत पाओगे, जिस वजह से इन दोनों में फाइट होने ही वाली थी, लेकिन लेने ने रोक देता है। फिर जब शारुए डॉम से बाहर जा रहा था तभी वे उससे बात करने के लिए आती है और उसे बोलते हैं कि तुम मुझे और सीचंग को अकेला छोड़ दो, अगर हम दोस्त नहीं बन सकते तो दुश्मन भी मत बनो। पर वो उसे बोलता है कि मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता है, सीचंग को अपने रास्ते से हटाने का, ताकि मैं प्रोविजनल टीम में जा सकूं। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। वे अब अपने डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है और उन्हें बोलती है कि मुझे वो थेरेपी करानी है जिसके बारे में आप बोल रहे थे, ताकि मेरी बॉडी की सारी इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाए। डॉक्टर बताते हैं कि वो थेरेपी तो अभी ट्रायल में चल रही है, इसलिए अभी हम उसे किसी भी पेशेंट को कराने के लिए रिकमेंड नहीं कर रहे, पर फिलहाल के लिए मैं तुम्हारी हार्ट बीट को स्टेबल करने के लिए कुछ मेडिसिन दे रहा हूँ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम बाद में तुम्हारे ऊपर वो थेरेपी करेंगे। वे अब डॉम में जाकर सारी दवाई एक साथ खा लेती है, ये सोच करके अगर उसकी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी तो फिर शारुए सीचंग को ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। फिर वो रनिंग करके अपनी हार्ट बीट को फास्ट करती है और चुपके चुपके डॉम के अंदर जा रही थी, जिसे इस तरह से जाते हुए दाइशी और उसके बाकी दोस्त भी देख लेते हैं, तो वो भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। वे जाकर वेंडिंग मशीन को हाथ लगाती है चेक करने के लिए कि उसका स्पार्क गया या फिर नहीं, पर वहाँ की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगती है, जो चीज बाकी सारे लोगों ने भी देख ली थी और सभी हैरान हो जाते हैं। अब सीचंग वेवे और दाइशी मिलकर सभी लोगों को सच बता देते हैं और ये भी बताते हैं कि इसी वजह से शारुए सीचंग को ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए सीचंग सभी को ये बात सीक्रेट रखने के लिए बोलता है, जिस पर सभी मान जाते हैं। जिसके बाद झुनझुन शारुए से मिलने के लिए जाती है, जहाँ शारुए उसे देखकर बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे क्या बोलने के लिए आई हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि सीचंग की फैमिली काफी रिच है और अगर वो स्विमिंग ना भी करे तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका फ्यूचर तो सिक्योर है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। जो सुनकर झुनझुन उसे बोलती है कि इस तरीके से तो तुम भी अपने फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर सकते, और उसे तुम और सीचंग दोनों ही हर्ट होंगे। जो सुनकर शारुए बोलता है कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही है या फिर सीचंग की, ये बोलकर वो यहाँ से अपने रूम में चला जाता है, जहाँ उसे झुनझुन का मैसेज आता है कि अपनी गलती मानकर सभी लोगों से माफी मांग लो। अगले दिन जब वे क्लास में होती है तभी ग्रुप में कोई मैसेज करता है कि सीचंग ड्रग्स लेता है, जो बात सब जगह फैल जाती है और लोग सीचंग और वेवे के बारे में बातें करने लग जाते हैं कि ये सब जरूर वेवे की वजह से हुआ होगा, क्योंकि सीचंग पहले तो काफी सही था, इसलिए वेवे क्लास से उठकर वहाँ से चली जाती है। अब आज इन लोगों की मसाज क्लब की मीटिंग भी थी, जहाँ पर सभी लोग पूछते हैं कि वेवे कौन है, तो वेवे बोलती है कि मैं हूँ, जो देखकर सभी लोग बोलते हैं कि हम तो देखना चाहते थे कि आखिर वेवे कौन है और कैसी दिखती है, जिसकी वजह से सीचंग के साथ ये सब हो रहा है, और वो सीचंग के बारे में भी उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। पर वेवे बोलती है कि सीचंग ने ड्रग्स नहीं लिए हैं, और वो यहाँ इन लोगों को बताने वाली होती है कि उसने ड्रग टेस्ट क्यों नहीं लिया। तभी झुनझुन उसे रोक देती है, इसीलिए वे बाहर चली जाती है। बाहर सीचंग आकर उसे मिलता है और उसे माफी मांगता है। वे बोलती है कि भला तुम मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो, तो वो कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वे कहती है कि मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ और माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से तुम इतना सफर कर रहे हो। फिर वो उसे ड्रग टेस्ट करवाने के लिए बोलती है और कहती है कि मेरे फ्यूचर का बोझ तुमने क्यों अपने कंधों पर ले रखा है। सीचंग बोलता है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वे उसे बोलती है कि प्रॉमिस करो कि तुम डेडलाइन से पहले ड्रग टेस्ट करवा लोगे, जिस पर वो हाँ बोलता है। अगले दिन सीचंग वेवे के बारे में सोच रहा था कि कैसे उसने उसे कहा था कि वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, और वेवे सीचंग के बारे में सोच रही थी कि कैसे उसने उसे बताया था कि उसे स्विमिंग कितनी ज्यादा पसंद है। तभी सीचंग उसे कॉल करता है, जिसके बाद वेवे अपने डॉक्टर के पास जाती है और उसे बोलती है कि मुझे वो थेरेपी करानी है, और डॉक्टर कहते हैं कि अभी तो उसकी टेस्टिंग चल रही है और उसमें काफी सारे रिस्क भी इन्वॉल्व है, तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स को इस बारे में पता है, जिस पर वेवे हाँ बोल देती है और बोलती है कि यही मेरी आखिरी होप है, क्योंकि मैं भी बाकी लोगों की तरह जीना चाहती हूँ।
हूँ, इसलिए डॉक्टर मान जाता है और उसे थेरेपी के लिए लेकर जाता है। यहाँ में दिखाया जाता है कि सीचोंग ने कॉल पर वेवे को कहा था कि वो कोच से बात करने जा रहा है ताकि वो ड्रग टेस्ट की डेट थोड़ी सी और आगे बढ़वा सके, और उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, अगर मैं प्रोविजनल टीम में नहीं भी जा पाया तो मैं एक कोच तो बन ही जाऊंगा। जो सुनकर वेवे रोने लगती है कि कैसे वो वेवे के लिए अपने ड्रीम को गिव अप करने के लिए भी तैयार है। वेवे अब जब थेरेपी कराकर डॉर्म में वापस आती है तो उसे काफी वीकनेस फील हो रही थी और वो अपने रूम के बाहर ही गिर जाती है, जिस वजह से डाइशी और उसके दोस्त उसे अंदर लेकर जाते हैं। वेवे की जब आग खुलती है तो वो अपने घर में थी और सीचोंग उसके पास बैठा हुआ था। वो सीचोंग को बताती है कि मेरी इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गई है और वो सीचोंग को किस करती है, जहाँ फिर से उसकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं निकलती, जो देखकर सीचोंग हैरान हो जाता है। तभी बाहर से मॉम डैड भी आते हैं जिन्होंने ये बात सुन ली थी, तो वेवे उन दोनों को बता देती है कि वो डॉक्टर जियांग के पास गई थी और उसने जाकर वो थेरेपी करवाई। जो सुनकर उसके पेरेंट्स पहले तो उस पर गुस्सा करते हैं कि उसने इतनी रिस्की सर्जरी क्यों करवाई, लेकिन फिर वो भी खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उसकी इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। और यहाँ पर सीचोंग को वेवे का हाथ पकड़े हुए देख फादर सीचोंग को बाहर बुलाते हैं बात करने के लिए, जहाँ इन दोनों के पीछे पीछे वेवे भी जाती है। बाहर जाकर फादर सीचोंग से उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं और जब वो थोड़ा सा हिचकिचा रहा होता है तो उसके फादर बोलते हैं कि क्या ऐसे इंसान पर ट्रस्ट किया जा सकता है। जो सुनकर सीचोंग एकदम से उसके डैड को बोल देता है कि मैं वेवे को पसंद करता हूँ, जो सुनकर वेवे शर्माने लग जाती है। तो फादर उसे बोलते हैं कि अभी ना तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, और इससे आगे कि वो कुछ बोल पाते तभी मदर वहाँ पर आकर फादर को वहाँ से खींच कर ले जाती है, जिसके बाद हम शाहरुख को देखते हैं जिसे नितिन मैसेज करके अपनी गलती मानने के लिए बोलती है। तभी लॉकर रूम में डिंग कुछ लड़कों के साथ आता है, जहां उसे भी डायशी मैसेज करके बताती है कि वेवे ने प्रॉब्लम को अब सॉल्व कर दिया है, जिस वजह से सीचोंग ड्रग टेस्ट लेने के लिए जाने वाला है, और अगर अब शाहरुख वेवे के उस वीडियो को रिलीज भी कर देगा तब भी किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं होगा। जो सुनकर वो काफी खुश हो जाता है और सभी लोगों को बताता है कि सीचोंग ड्रग टेस्ट लेने के लिए जाने वाला है, जो बात सुनकर शाहरुख वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम वेवे को देखते हैं जो कि सीचोंग को ड्रग टेस्ट के लिए लेकर जाती है, पर डॉक्टर उन्हें कल आने के लिए बोलते हैं और वो फॉर्म के ऊपर टीचर के साइन कराने के लिए भी बोलते हैं, इसलिए ये दोनों वापस जाने लगते हैं। पर बस स्टॉप पर वेट करते करते इन्हें काफी देर हो जाती है, ना ही वहाँ पर कोई बस आ रही थी और ना ही कोई टैक्सी, और वेवे बेचारी थककर सीचोंग के शोल्डर पर सर रख कर ही सो जाती है, जो देखकर सीचोंग उसे रात किसी होटल में बिताने के लिए बोलता है, जिस पर वो मान जाती है और ये दोनों होटल में जाकर दो रूम्स मांगते हैं। लेकिन रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उनके होटल में अभी सिर्फ एक ही रूम अवेलेबल है, जिस वजह से इन दोनों को मजबूरी में वही रूम लेना पड़ता है। पर जब ये दोनों रूम में जाकर देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ एक ही बेड है तो सीचोंग एक और रूम लेने के लिए जाने लगता है, पर वेवे उसे रोककर बोलती है कि रहने दो, अब काफी रात हो गई है। ये बोलकर वो नहाने के लिए चली जाती है और सीचोंग बेचारा काफी नर्वस होकर बैठा हुआ था। नहाने के बाद वेवे अपने बाल सुखाने लगती है तो सीचोंग उसकी मदद करता है, और क्योंकि यहाँ पर दोनों ही काफी ऑकवर्ड फील कर रहे थे तो सीचोंग एक और रूम लेने के लिए चला जाता है और उसे रूम मिल भी जाता है। अब अगले दिन जब ये लोग कॉलेज में आते हैं तो वेवे काफी खुश थी, जिसे देखकर सीचोंग पूछता है कि भला तुम इतनी खुश क्यों हो, तो वो उसे बता देती है कि मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि अब तुम प्रोविजनल टीम में जाने वाले हो। जो सुनकर सीचोंग बोलता है कि अगर तुम इतनी ज्यादा ही खुश हो तो फिर हम ना चिल्ड्रंस डे पर बाहर घूमने के लिए चलेंगे, पर वेवे बोलती है कि ये ना मैं सोचकर बताऊंगी। ये लोग अब मिस मेलिंग के पास जाकर उन्हें ड्रग टेस्ट के पेपर पर साइन करने के लिए बोलते हैं, पर वो बताती है कि अब ड्रग टेस्ट की डेट निकल चुकी है, और क्या तुम्हें कोच ने बताया नहीं कि तुम्हें प्रोविजनल टीम से अब बाहर निकाल दिया गया है, पर तुम्हारी कोच तुम पर इतनी जल्दी गिव अप नहीं करेंगी। जो सुनकर ही दोनों ही काफी सैड हो जाते हैं और वहाँ से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद हम कोच को देखते हैं जो कि सीचोंग के लिए काफी परेशान थी और वो सोच रही होती है कि वो ये बात सीचोंग को कैसे बताए। फिर वो शाहरुख को बोलते हैं कि तुम तो उसके रूममेट हो ना, तो तुम उसका ख्याल रखना और प्रोविजनल टीम में जाकर अच्छे से प्रैक्टिस करना। जिसके बाद हम वेवे को देखते हैं जो कि काफी सैड थी, तो सीचोंग उसे समझाता है कि अरे तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, कोई बात नहीं मैं प्रोविजनल टीम में अगले साल चले जाऊंगा। लेकिन वेवे बोलती है कि ये सब इसी वजह से हुआ है क्योंकि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो सीचोंग उसे बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि स्विमिंग मेरे लिए पहले इम्पोर्टेंट थी, पर तुमसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि लाइफ में और भी काफी सारी चीजें हैं जो कि मैं कर सकता हूँ, और चाहे तुम्हारे पास इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर ना हो तुम हमेशा मेरी पिकाची रहोगी, इसलिए अब चलो सैड मत हो और मुझे किस करो। इसलिए वेवे उसे किस कर देती है और फिर दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब लंच टाइम में जब सभी लोग साथ में होते हैं तो सीचोंग भी वहाँ पर आकर वेवे के बारे में पूछता है, तो डाइशी उसे बता देती है कि वो तो यूशिन के साथ कहीं पर गई हुई है। अब वहाँ पर सभी लोग काफी सैड थे तो सीचोंग बोलता है कि अरे तुम लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो, कोई बात नहीं मैं प्रोविजनल टीम में नहीं जा रहा तो क्या हो गया। तभी वहाँ पर शाहरुख भी आ जाता है तो कुछ लड़की उसे सीचोंग के साथ बैठा देते हैं और बोलते हैं कि हम सब लोग ना अभी भी टीममेट्स हैं, पर डाइशी उसे वहाँ पर बातें सुनाने लग जाती है, जो देखकर उन लोगों में थोड़ी सी बहस होती है, तो सीचोंग उन सभी को रोक देता है और शाहरुख से बोलता है कि शाहरुख क्या तुम्हें मुझे कुछ कहना नहीं है, पर वो बोलता है कि मैं सब कुछ कह चुका हूँ, और ये बोलकर यहाँ से चला जाता है, जिसे इस तरह देखकर झुनझुन भी सैड होती है।
जिसके बाद हम देखते हैं कि युशिन वेवे को अपने डैड से मिलाने के लिए लाई होती है। यहाँ हम देखते हैं कि उनका रिलेशन अब काफी अच्छा हो चुका है और युशिन अपने डैड से पूछती है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे सीचोंग अभी भी प्रोफेशनल टीम में जा सकता हूँ। तो उसके डैड वेवे को सोनिया की मदद लेने के लिए बोलते हैं। अगले दिन हम शारुए को देखते हैं जो जब नोटिस बोर्ड के पास जाता है तो देखता है कि प्रोफेशनल टीम में उसके सिलेक्शन का नोटिस अभी तक बोर्ड पर नहीं लगा हुआ था। तभी उसे कोच का कॉल आ जाता है जो कि उसे बुलाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कॉलेज में सोनिया और प्रोफेशनल टीम के कुछ मेंबर्स आए होते हैं जिनके सामने शारुए और सीचोंग दोनों का ही ड्रग टेस्ट किया जाता है कॉम्पिटिशन को फेयर रखने के लिए, क्योंकि ये डिसाइड करने के लिए कि उन दोनों में से कौन प्रोविजनल टीम में जाएगा उन दोनों का ही आज एक कॉम्पिटिशन रखा जाता है। पर काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब शारुए वहां पर नहीं आता तो कोच के कहने पर सीचोंग उसे लॉकर रूम में ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे शारुए तो नहीं मिलता पर उसका लिखा हुआ एक नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि मैंने जलसी की वजह से तुम्हारे और वेवे के साथ काफी कुछ गलत किया और मैं तो हमेशा से ही तुमसे हारता आ रहा हूँ, तो इस मैच का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए जो भी मैंने किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। जिसके बाद हम सीचोंग के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि घर पर बैठकर काफी नर्वस हो रहे थे। तभी उनकी फोन पर एक मैसेज आता है तो मॉम डैड को देखने के लिए बोलती है। जब डैड मैसेज को चेक करते हैं तो वो काफी सीरियस लुक देते हैं जिसे देखकर मॉम भी डरने लग जाती है और उनके हाथ से फोन छीनकर उस मैसेज को पढ़ती है जिसमें लिखा हुआ था कि सीचोंग ने टेस्ट में काफी फास्ट स्विम करके एक नया रिकॉर्ड बना लिया है और अब उसे प्रोविजनल टीम में सिलेक्ट कर लिया गया है, जो देखकर वो डैड को मारने लगती है क्योंकि उन्होंने तो उसे डरा ही दिया था। अब सब कुछ ठीक हो चुका था और हम देखते हैं कि काफी सारे लोग रिहैबिलिटेशन क्लब को ज्वाइन कर रहे थे, जहां डाइशिन सभी का वीडियो बना रही होती है और वेवे किसी को मसाज दे रही थी क्योंकि वो अब मेजर चेंज नहीं करने वाली थी। तभी वहां पर सीचोंग आकर उसे हग कर लेता है और फिर ये दोनों ऐसे ही बातें करते हुए यहाँ से बाहर चले जाते हैं, जहाँ वेवे को मुस्कुराते हुए देखकर सीचोंग उससे पूछता है कि भला तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो, अच्छा तो मैं अब समझा तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना हैंडसम है ना इसीलिए, जो सुनकर वेवे कहती है कि मैं तो जा रही हूँ, लेकिन सीचोंग उसे रोक लेता है और फिर उससे पूछता है कि तुमने अभी तक ये वॉच क्यों पहनी हुई है, तो वेवे बोलती है कि मुझे इसे पहनने की आदत हो गई है। सीचोंग फिर उससे पूछता है कि कोई ऐसी चीज है जो तुम करना चाहती हो पर तुम अभी तक नहीं कर पाए, तो वेवे कहती है कि हाँ मैंने ना आज तक स्विमिंग नहीं की, जो सुनकर सीचोंग हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कॉलेज का बेस्ट स्विमर है और तुमने अभी तक स्विमिंग नहीं की, ये बोलकर वो उसे स्विमिंग कराने के लिए लेकर जाता है। वेवे तो काफी डर रही होती है लेकिन सीचोंग उसे कंसोल करके कहता है कि तुम चिंता मत करो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। वो पूल में कूद जाता है और वेवे को भी अंदर आने को बोलता है पर वो डर रही थी, पर वो उसे किसी तरह से पूल में बुला लेता है, जहाँ वेवे सीचोंग को कस के हक कर लेती है और बोलती है कि सिचुएशन का एडवांटेज मत लेना, तो सीचोंग बोलता है कि मैं सिचुएशन का एडवांटेज लूंगा वो भी तुमसे, फिलहाल तो तुम ही सिचुएशन का एडवांटेज ले रही हो, ये बोलकर फिर वो उसे स्विमिंग करना सिखाता है। स्विमिंग करने के बाद ये दोनों साथ में बैठे होते हैं, जहाँ वेवे सीचोंग को बताती है कि मैंने अपनी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कभी नहीं सोचा था कि मैं स्विमिंग कर पाऊंगी और ना ही मैंने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा था, तो सीचोंग बोलता है कि अब तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकती हो और हमारे फ्यूचर के बारे में भी, जो सुनकर वेवे स्माइल करती है और सीचोंग को किस कर देती है, तो रिटर्न में सीचोंग भी उसे किस करता है और यहाँ ये दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन कॉलेज में नोटिस लगा होता है कि सीचोंग ने काफी फास्ट स्विम करके प्रोविजनल टीम में अपनी जगह बना ली है, जो देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं और तभी जुनजुन शारुए को वहां से जाता हुआ देखती है, जिसके बाद सीचोंग के दोस्त उसे जबरदस्ती शारुए से बात कराने के लिए लेकर जाते हैं, पर रूम में जाकर वो देखते हैं कि वो तो अपना सारा सामान लेकर वहां से जा चुका है। जिसके बाद हम शारुए को देखते हैं जो कि जुनजुन को मिलने के लिए बुलाता है, वो उससे पूछता है कि क्या हम लोग अब भी फ्रेंड्स हैं, जिस पर जुनजुन उसे सीचोंग से एक बार सामने जाकर माफी मांगने के लिए बोलती है, लेकिन शारुए ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है कि अगर कोई भी मुझे माफ ना करे तो यही मेरे लिए सजा है, और क्या तुम्हारे दिल में सिर्फ सीचोंग के लिए प्यार है, सीचोंग ने ड्रग टेस्ट कराया ना तो उसे भी सजा भुगतनी पड़ेगी और अब सभी लोगों को पता चल जाएगा कि वे इलेक्ट्रोफ्यूरस है, जो सुनकर जुनजुन कहती है कि तुम कभी भी किसी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते बल्कि तुम खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाओगे और अगर तुम अभी भी ये सब सोच रहे हो तो आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं। ये बात सुनकर शारुए कहता है कि क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है, और नाराज होकर वहां से चला जाता है। जुनजुन भी उसके पीछे पीछे जाती है, वो उसे डॉम में वापस जाने का बोलकर सभी से माफी मांगने के लिए कहती है और बताती है कि सभी तुम्हें माफ कर देंगे, पर शारुए मना कर देता है। जुनजुन उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम बुरे इंसान नहीं हो बल्कि मैं तो तुम्हें हमेशा से थैंक यू कहना चाहती थी क्योंकि तुम ही वो पहले इंसान थे जिसने मुझे नोटिस किया था और मेरे दिल की बात जानी थी, तो शारुए भी उसे अपना दोस्त बनने के लिए थैंक्स बोलता है और फिर उठकर वहां से जाने लगता है। जुनजुन उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो बोलता है कि मैं थोड़ा टाइम अकेला रहना चाहता हूँ और डिसाइड करना चाहता हूँ कि मैं फ्यूचर में क्या करूंगा। जहाँ जाने से पहले जुनजुन उसे बोलती है कि तुम्हारी इमेज मेरे दिल में अभी भी वैसी है, जो सुनकर शारुए स्माइल करने लगता है और जुनजुन भी स्माइल करती है। जिसके बाद हम सीचोंग और वेवे को साथ में देखते हैं जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर जा रहे थे। तभी सीचोंग को अचानक से शॉक लगता है, तो वेवे बोलती है कि ये शॉक तो नहीं हो सकता क्योंकि मेरी हार्ट बीट भी नहीं बढ़ी।
सीचोंग बोलता है कि ना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगी, कोई बात नहीं तुम चिंता मत करो, एक बार तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो भला वो वापस कैसे आ सकती है। ये बोलकर ये दोनों फिर से आगे जाने लगते हैं, जहाँ वेवे सीचोंग से पूछते है कि तुमने शाहरुख के बारे में क्या सोचा, तो सीचोंग उससे पूछता है कि क्या मुझे उसे माफ करना चाहिए। वेवे कहती है कि इसका जवाब तो पहले से ही तुम्हारे पास है, जिस पर सीचोंग कहता है कि मैंने ना हमेशा से ही उसे मेहनत करते हुए देखा है, हालांकि उसने एक गलती की है लेकिन वो एक बुरा इंसान नहीं है। जिसकी ऐसी बातें सुनकर वेवे बोलती है कि भला तुमसे कब इतने जेनरस हो गए, तो सीचोंग कहता है कि मैं तो पहले से ही ऐसा हूँ। ये बोलकर वो दोनों मस्ती करते हुए जाने लगते हैं। अगले दिन वेवे को देखते हैं जो जब डॉम से जा रही होती है, तभी वो दो लड़कियों से टकरा जाती है और उसके हाथों से अचानक से स्पार्क निकलता है, जो देखकर वो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी हार्ट बीट भी फास्ट नहीं हुई थी। फिर हम सीचोंग को देखते हैं जो कि नेशनल टीम में जाने के लिए पैकिंग कर रहा था। डिंग यहाँ पर काफी सैड हो रहा था क्योंकि सीचोंग डॉम से जाने वाला था और अब सिर्फ वो और लिन ही डॉम के अंदर बचे थे, पर लिन तो हमेशा पढ़ाई वगैरह में ही बिजी रहता था, इसलिए डिंग एकदम अकेला होने वाला था। सीचोंग उसे बोलता है क्या हो गया, तुम भी लिन को ज्वाइन कर लेना, और उसे रात में देर तक गेम्स खेलने से मना करता है, कहता है कि वरना तुम टकले हो जाओगे और डाइशी तुम्हें छोड़ देगी। फिर वो अपनी एक जैकेट डिंग को देते हुए बोलता है कि जब भी मेरी याद आए ना इसे देख लेना। सीचोंग अब सामान पैक करते हुए अपनी डिंग और शाहरुख की एक फोटो देखता है, जिसे देखकर वो डिंग से शाहरुख के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है, तो वो उसे बताने लगता है कि वो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है क्योंकि वो दूसरे यूनिवर्सिटी में जाने वाला है। ये सब बताकर वो उससे पूछता है कि क्या तुम अब भी शाहरुख के बारे में सोच रहे हो, पर सीचोंग उसे इस बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी उसे शाहरुख का मैसेज आता है जो कि उसे मिलने के लिए बुलाता है, जिसके बाद हम सीचोंग को बास्केटबॉल कोर्ट में देखते हैं, जहाँ पर शाहरुख उसे आकर बोलता है कि मैंने तुम्हें ये सब फेस टू फेस बताने के लिए आया हूँ, कि मैंने कोच को बता दिया है कि मैंने ही तुम्हें फ्रेम किया था, पर मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट के लिए अप्लाई कर दिया है और वेवे वाली बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। ये सब बोलकर आखिर में वो उसे सॉरी कहता है। सीचोंग शाहरुख को बोलता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैंने देखा कि तुम कितने टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग हो, और जिस दिन तुमने कोच से कहा था ना कि तुम नेशनल टीम के चैंपियन बनना चाहते हो, तभी से मैंने तुम्हें अपना रिस्पेक्टेड ओपोनेंट समझा है, इसलिए चलो अब एक फेयर मैच करते हैं। जो सुनकर शाहरुख स्माइल करने लगते हैं। अब जब ये दोनों मैच के लिए पहुंचते हैं तो डाइशी जिनजुन से पूछती है कि बताओ दोनों में से कौन जीतेगा। जिनजुन कहती है कि हार जीत यहाँ पर मैटर नहीं करती। ये सभी लोग अब क्यूरियस होते हैं कि इन दोनों में से कौन जीतेगा, और जैसे ही मैच शुरू होता है तो सभी लोग इन दोनों के लिए चेयर अप करते हैं, पर आखिर में सीचोंग जीत जाता है। लेकिन इस बार शाहरुख साइड नहीं होता और सीचोंग को थैंक्स बोलता है, क्योंकि उसे रियलाइज हो गया था कि उसने गलती की है, पर फिर भी सभी लोगों ने उसे माफ कर दिया। फिर ये दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। अब शाहरुख जब जा रहा होता है तो सभी लोग उसे छोड़ने के लिए कॉलेज के बाहर तक जाते हैं और उसे अच्छे से गुड बाय करते हैं। जुनजुन भी उसे स्माइल करते हुए गुड बाय बोलती है, लेकिन उसके जाने के बाद थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। अब लिन बोलता है कि मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, तो डिंग उसे रोक कर बोलता है कि इतनी लंबी रात को भला तुम कैसे सो सकते हो। फिर ये सभी सीचोंग के घर पर पार्टी करने के लिए आ जाते हैं क्योंकि उसके पेरेंट्स घर पर नहीं थे, जहाँ ये लोग ड्रिंक करते हैं। तो वेवे बताती है कि इलेक्ट्रिक फ्यूरियस होने की वजह से उसके पेरेंट्स उसे कभी भी ड्रिंक नहीं करने देते थे, और आज मैं पहली बार ड्रिंक कर रही हूँ। जो सुनकर सीचोंग कहता है कि आपसे ना तुम कभी भी ड्रिंक कर सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जो सुनकर डिंग बोलता है कि तुमने ऐसी बातें करना कहाँ से सीखा, तुम ऐसे करते हुए काफी अच्छे लगते हो। जो सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। तभी लिन सीचोंग को कुछ नी पैड्स देता है ताकि जब वो प्रोविजनल टीम में जाए तो वहाँ पर उनका इस्तेमाल कर सके। जब वेवे उस बैग को देखती है तो बोलती है कि ये तो तुमने अकेले नहीं खरीदा होगा, तो वो बता देता है कि हाँ इस बैग को खरीदने में ना मेरे यूशन ने हेल्प की थी, जिससे यहाँ पर सभी लोगों को इन दोनों के बारे में भी पता चल जाता है और सभी चेयर्स करके ड्रिंक करने लगते हैं। अगली सुबह जब सीचोंग की आंख खुलती है तो वेवे उसके सामने लेटी हुई थी, इसलिए वो उसको एकदम क्लोज आकर उसे किस कर देता है। तभी वेवे की भी आंख खुलती है और वो पूछती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, तो सीचोंग एकदम शरीफ बच्चा बनकर बोलता है कि ये जरूर ना बाकी सब लोगों का प्लान होगा, और वो नीचे जाकर देखता है तो सभी लोग जा चुके थे, पर यहाँ पर उसे डिंग का नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि हम तुम्हें वेवे के साथ अकेला छोड़कर जा रहे हैं और ये मौका मत गंवाना, जो पढ़कर सीचोंग भी स्माइल करने लगता है। पर तभी वेवे वहाँ पर आ जाती है तो वो उस नोट को छुपा देता है। वो उसे बताता है कि सभी लोग तो जा चुके हैं, तो वेवे कहती है कि फिर मैं भी जा रही हूँ, लेकिन सीचोंग उसे रोककर बोलता है कि रुको तुम्हें भूख लगी होगी ना, तो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। जब सीचोंग ब्रेकफास्ट बना रहा था तो वेवे उसके पास ही खड़ी होकर देख रही थी और उसे बोलती है कि वाह तुम तो एकदम प्रोफेशनल हो। अब ब्रेकफास्ट करते वक्त वेवे सीचोंग को एक वॉच गिफ्ट करती है जिस पर पिकाचू बना हुआ था। सीचोंग जैसे ही उस बॉक्स को हाथ लगाता है तो वेवे के हाथ पर हाथ लगने से उसको शॉक लगता है,
तो वेवे कहती है कि तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगी। सीजोंग अब जब उस वॉच को पहनता है तो उसे वो काफी पसंद आती है। जिसके बाद हम पेंगपाई को देखते हैं जिसकी कलीग का ट्रांसफर हो रहा था, इस वजह से वो थोड़ा अपसेट होता है। सीना फिर से वेवे पर आता है जो बाकी बच्चों की तरह अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़ती है और उसे काफी खुशी मिलती है क्योंकि कभी भी वो ऐसा नहीं कर पाई थी। जिस पर उसके डैड बोलते हैं कि हाँ तुमने हमें काफी बार शौक भी दिया है पर वैसे तुम्हारा शौक इतना स्ट्रांग नहीं है कि इससे किसी की जान चली जाए और तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तो तुम्हें इसी की वजह से मिला है। तो वेवे बोलती है कि डैड ऐसा नहीं है, उसको मैंने इलेक्ट्रिफाई नहीं किया था बल्कि वो तो मुझसे सच में प्यार करता है। पर यहाँ उसके डैड सिर्फ मजाक में ऐसी बातें कह रहे थे। मॉम वेवे को कहती है कि भले ही तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी चली गई हो लेकिन फिर भी तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। फिर यहाँ सभी लोग साथ में काफी खुश होकर स्ट्रॉबेरीज खाने लगते हैं जिसके बाद वेवे अपने रूम में जाकर सीचोंग से बात करने लगती है जहाँ सीचोंग उसे बड़े प्यार से देख रहा था। तो वेवे उससे पूछती है कि ऐसे क्या देख रहे हो, वो उसे बोलता है कि तुम इस तरीके से देखने में कितनी प्यारी लग रही हो। वेवे कहती है कि अच्छा तो इससे पहले मैं क्या तुम्हें कभी प्यारी नहीं लगी। सीचोंग कहता है कि नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने पहली बार किसी लड़की को इतना प्यार से नोटिस कर रहा है। जो सुनकर वो स्माइल करने लग जाती है। सीचोंग फिर उसे बोलता है कि कल ना हम लोग कैंपिंग करने चलेंगे, जिस पर वेवे मान जाती है और ये दोनों फोन रख देते हैं। फिर वेवे जब लैपटॉप चला रही होती है तभी उसके हाथ से अचानक से स्पार्क निकलता है जो देखकर वो हैरान हो जाती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। सुबह जब वेवे की मॉम उसके रूम में आती है तब वो देखती है कि वेवे की बॉडी से काफी सारी इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है और उसे हाथ लगाते ही उन्हें शॉक लगता है, इसलिए वो लोग उसे फटाफट से डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं जहाँ डॉक्टर उसका चेकअप करता है और वेवे से सच्चाई पूछते हैं कि क्या तुमने अपनी इलेक्ट्रिसिटी को हटाने के लिए कुछ और तरीका भी अपनाया था। तो वेवे बता देती है कि जो दवाई आपने मुझे दी थी उसका मैंने पूरा एक बॉक्स एक साथ खा लिया। जो सुनकर वेवे की मॉम उसे डांटने लग जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि पहले जब वेवे की हार्ट बीट बढ़ती थी सिर्फ तभी इलेक्ट्रिसिटी निकलती थी लेकिन अब हार्ट बीट नॉर्मल होने पर भी इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है और वो काफी अनस्टेबल हो गई है, तो इसके कंडीशन की सुधारने के लिए मैं एक मेडिसिन दे रहा हूं। पर ये सब कुछ पूरी तरीके से ठीक होने में काफी महीने लग जाएंगे, इसलिए मैं एडवाइस करूंगा कि वेवे को किसी ऐसी जगह पर रहना चाहिए जहां पर कम लोग हों और उसे भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना चाहिए। अब वेवे उस दवाई को खाकर बाहर जाती है जहां पर हम देखते हैं कि सीचोंग बाहर कैंपिंग पर जाने के लिए उसका वेट कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं तो सीचोंग उससे पूछता है कि तुमने रेनकोट क्यों पहना हुआ है। तो वेवे उसे झूठ बोलती है कि बारिश होने वाली है ना इसलिए। तो सीचोंग कहता है वैसे तुम इसमें काफी क्यूट लग रही हो। फिर वो उसे कैंपिंग का सारा सामान दिखाने लगता है और उसे किस करने को बोलता है। जैसे ही वेवे उसे किस करने वाली होती है तभी वो उसे रोक देता है क्योंकि वहां पर उसके पेरेंट्स आ गए थे और ये दोनों इन्हें बाय बोलकर कैंपिंग के लिए निकल जाते हैं जहाँ जाकर ये लोग सारा सामान वगैरह सेटअप करते हैं। तभी सीचोंग को कोच का कॉल आता है जो उसे बताती है कि कल वापस आने के बाद तुम्हें प्रोविजनल टीम में जाना है ट्रेनिंग के लिए। तभी हमें यहाँ फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि वेवे की मॉम ने उसे कहा था कि कल वो लोग कॉलेज जाकर उसके सस्पेंशन की बात करेंगे। अब उसे फिगर आउट करना है कि उसे ये सारी बातें सीचोंग को कैसे बतानी है, इसलिए वेवे मन मन में सोच रही होती है कि सीचोंग आज ये हमारी आखिरी मीटिंग है। अब जब वेवे जानवरों को खाना खिला रही होती है तब वो सीचोंग को भी खिलाने के लिए कहती है पर वो काफी डर रहा था, तो वेवे उसकी मदद करने के लिए उसे हाथ लगाती है लेकिन गलती से उसे शॉक लग जाता है। तो वेवे कहती है कि तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, वो अभी अभी मैंने अपने बालों को हाथ लगाया ना इसीलिए। सीचोंग बोलता है कि तुम तो सच में पिकाचू हो, तुम्हारा स्टैटिक शॉक तो बाकी लोगों से भी काफी तेज लगता है। अच्छा वो ये तो मैं था, वरना कोई और होता तो पता नहीं क्या होता। पर वेवे उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं बताती और आगे पीकॉक को देखने के लिए चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीचोंग कैंप के बाहर बैठा हुआ था और वेवे की शॉक की वजह से उसका हाथ इस बार जल गया था, इसलिए वो वेवे के लिए थोड़ा परेशान होता है। पर जैसे ही वो उसके पास आती है तो वो अपना हाथ छुपा लेता है। वेवे पूछती है कि अगर मैंने तुम्हें शॉक ना दिया होता तो क्या तुम तब भी मुझे लाइक करते। सीचोंग बताता है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था ना तो मुझे लगा था कि तुम कितनी ट्रबल मेकर हो पर तुम काफी इंटरेस्टिंग भी हो, इसलिए मैंने जानबूझकर बार बार तुम्हें चांस दिया मुझे शॉक देने का, और देखो तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैंने क्या क्या करा, किसे पता था कि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगा। वेवे पूछती है कि क्या तुम्हें कभी इस बात का रिग्रेट होगा कि तुमने मुझे पसंद किया। तो सीचोंग बोलता है कि नहीं मुझे इस बात का कभी भी रिग्रेट नहीं होगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जो सुनकर वेवे पहले तो स्माइल करने लगती है लेकिन फिर सैड हो जाती है। अब रात में जब सीचोंग सो रहा था तो वेवे तो उसे देखे जा रही थी। सीचोंग की जैसे ही आँख खुलती है तो वो वेवे को ब्लैंकेट उड़ाने लगता है और बोलता है कि क्या हुआ तुम्हें नींद नहीं आ रही। तब वेवे उसके पास आकर उसे हक कर लेती है और उसे थैंक्स बोलती है। सीचोंग बोलता है कि अरे थैंक्स क्यों बोल रही हो, तुम हमेशा मेरी पिकाचू रहोगी जिसे मुझे प्रोटेक्ट करना है। जो सुनकर वेवे सीचोंग के पास आकर उसे किस कर देती है और दोनों किस करने के बाद सो जाते हैं। अगली सुबह सीचोंग वेवे को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है जहां वेवे सीचोंग को काफी कस के हक करती है, जो देखकर सीचोंग को समझ नहीं आता कि आखिर वो क्यों कर रही है ऐसा। पर फिर वो यहाँ से चला जाता है और वेवे अपसेट हो जाती है क्योंकि उसे नहीं लग रहा था कि अब वो फिर कभी सीचोंग से मिल पाएगी।
सीचोंग अब ट्रेनिंग पर चला जाता है जहाँ वो हर दिन वेवे को कॉल करता है, लेकिन वेवे उसकी किसी भी कॉल का रिस्पॉन्स नहीं देती, जिस वजह से वो थोड़ा परेशान भी हो जाता है। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन जब सीचोंग का मैच होता है तो वहाँ पर डिंग और डायशी आते हैं। सीचोंग पूछता है कि वेवे क्यों नहीं आई, तो डायशी बोल देती है कि वो ना उसके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से वो नहीं आ पाई, पर उसने हमें कहा था कि सीचोंग को बोलना कि वो अच्छे से मैच करे और फर्स्ट आए। सीचोंग इस मैच के अंदर भी फर्स्ट आता है और जब उसे ट्रेनिंग से एक दिन का गैप मिलता है तो उसकी मॉम उसे घर ले जाने के लिए आती है और पूछती है कि पहले तुम कहाँ जाना पसंद करोगे, तो वो बोल देता है कि वेवे के पास। मॉम बोलती है कि इतने महीनों से तुम घर से दूर रहे पर फिर भी तुम्हें पेरेंट्स से पहले गर्लफ्रेंड की याद आ रही है। सीचोंग बोलता है कि मॉम ऐसी बात नहीं है, मैंने वेवे से काफी दिनों से बात नहीं की है। इसलिए मॉम अब उसे वेवे के घर पर लेकर जाती है, पर वहां जाते वो देखता है कि उसके घर पे तो लॉक लगा हुआ है और कॉल करने पर वेवे का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था, जो देखकर उसकी मॉम को भी कुछ ठीक नहीं लगता। इसलिए सीचोंग फटाफट से कॉलेज जाकर डिंग से वेवे के बारे में पूछता है, लेकिन डिंग को भी कुछ ठीक से मालूम नहीं था, इसलिए वो उसे कैफे में ले जाकर वहाँ पर डाइशी को बुलाता है। डाइशी उसे बताती है कि वेवे कहाँ गई है तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि वो अचानक से ही चली गई, जो सुनकर सीचोंग काफी सैड होता है। तो डाइशी उसे वेवे का आखिरी किया हुआ मैसेज दिखा देती है और बताती है कि वेवे को कुछ हेल्थ इश्यूज हैं। जब सीचोंग उस मैसेज को पढ़ता है तो उसे सारी चीजें पता चल जाती है और उस मैसेज के अंदर वेवे ने ये भी लिखा हुआ था कि सीचोंग को बोल देना कि वो मुझे कभी भी ढूंढने की कोशिश ना करे। सीचोंग अब फटाफट से डॉक्टर जियांग के पास जाता है और उनसे वेवे के बारे में पूछता है, तो डॉक्टर बताते हैं कि वो लोग तो कल ही मेरे यहाँ पर आए थे और मुझे भी नहीं पता कि वो लोग कहाँ पर हैं, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर वो उसे बताते हैं कि ये फ्लावर्स भी वही लेकर आए थे। सीचोंग अब बेचारा परेशान होकर वेवे के घर के बाहर जाकर ही बैठ जाता है और उसकी बातों को याद करके उसकी पुरानी मैसेज को रीड करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वेवे एक बार अपनी आंटी के फ्लावर शॉप में गई थी, जिससे उसे समझ आ जाता है कि वो अब वहीं पर गई होगी, इसलिए वो फटाफट वहाँ पर जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम वेवे को देखते हैं जिसकी प्रॉब्लम अभी तक ठीक नहीं हुई थी, और जब वो अपनी आंटी की फ्लावर शॉप में होती है तब उसे वहाँ पर खुद को ही शॉक लग जाता है। फिर जब वो फ्लावर्स डिलीवर करने के लिए जा रही होती है तभी सीचोंग उसे रास्ते में मिल जाता है और दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं, लेकिन वेवे अंदर जाकर फटाफट से दरवाजा बंद कर लेती है। सीचोंग उसे दरवाजा खोलने के लिए बोलता है, लेकिन वेवे मना करके बोलती है कि अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहना चाहती, मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए जो मेरे साथ ना रह सके और मेरी देखभाल ना कर सके। वो ये सब जानबूझकर बोल रही थी ताकि सीचोंग यहाँ से चला जाए, और होता भी ऐसा ही है, पर सीचोंग के जाने के बाद वो काफी रोती है। सीचोंग जब जा रहा होता है तभी उसे कोच का कॉल आता है, जो उसे बोलती है कि तुम इतने इरेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो, तुम जहाँ पर भी हो अभी की अभी फटाफट से ट्रेनिंग के लिए पहुँचो। सीचोंग उन्हें हाँ तो बोल देता है, लेकिन फिर वो जाता नहीं है, बल्कि वो तो वेवे की शॉप के बाहर जाकर फुलझड़ी जलाने लगता है। वेवे बाहर आकर सीचोंग को बोलती है कि मेरी इस प्रॉब्लम को डॉक्टर भी डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं, मैं तो अनलकी हूँ ही, और मैं तुम्हें अपनी तरह अनलकी नहीं बनाना चाहती, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर है। क्या होगा अगर मेरी प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट कर दूँ तो? जिसकी ये सारी बातें सुनकर सीचोंग उसे चुप कराने के लिए एकदम से किस कर देता है और उसे इतना सब सोचने के लिए मना करता है, तो वेवे भी मान जाती है और उसे हक कर लेती है। अब कहानी 3 साल आगे जाती है, जामलिन को देखते हैं जो कि टीचर बन गया था और कुछ बच्चों को पढ़ा रहा था। तभी वहाँ पर योशन उसके लिए उसकी कॉफी लेकर आती है और यहाँ एक लड़की सीचोंग का इंटरव्यू देख रही होती है। जाम भी देखते हैं कि सीचोंग हमेशा की तरह फर्स्ट आया होता है, तो डाइशी जो कि अब एक रिपोर्टर बन गई थी वो उसका इंटरव्यू ले रही होती है। वो उसे बोलती है कि अब कॉम्पिटिशन के बाद तुम क्या करने वाले हो, तो बताता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला हूँ। इंटरव्यू खत्म होने के बाद डाइशी सीचोंग को डांटने लगती है और बोलती है कि ये तुम्हें इंटरव्यू में बताने की क्या जरूरत थी, अब तो वेवे को वैसे ही पता चल जाएगा। सीचोंग बोलता है कि तो क्या हो गया, मैं तो एक तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट ही कर रहा हूँ ना। फिर वो उसे एक मैप देता है और इसे वेवे को देने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर डिंग आता है जो कि अब एक स्विमिंग कोच बन चुका था, और क्योंकि वो लेट आया था तो उसे सजा के तौर पर डाइशी को अपनी पीठ पर बैठा कर वहाँ से ले जाना पड़ता है। जिसके बाद हम शारोह को देखते हैं जो कि सीचोंग से मिलने के लिए आता है और उसे बताता है कि अब वो मेडिकल फील्ड में चला गया है। वो यहाँ पर उसे जुनजुन के बारे में पूछता है और कहता है कि क्या वो तुम्हारा मैच देखने के लिए नहीं आती, तो बताता है कि वो अब एक कंपनी की इंचार्ज बन चुकी है, वो काफी बिजी है, उसके पास मेरा मैच फिर देखने के लिए टाइम नहीं है। ये बोलकर वो उसके फोन में झुनझुन का नंबर देकर यहाँ से चला जाता है और शारुए उसे बात करने लगता है। जिसके बाद हम वेवे को देखते हैं। वेवे की पावर्स अब शायद चली गई थी, जो कि एक एक्वेरियम के बाहर खड़ी हुई थी, और सीचोंग का मैप फॉलो करते करते उसके अंदर जाती है, जहाँ उसे एक्वेरियम के अंदर सीचोंग भी फिशेस के साथ दिखाई देता है। फिर जब वो और आगे जाती है तब उसे वहाँ पर एक पोकेमॉन मिलता है जिसके अंदर पिकाचू के साथ साथ एक रिंग भी थी। तभी सीचोंग वहाँ पर उसे आके शादी के लिए प्रपोज कर देता है और बोलता है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि ये काफी जल्दी है तो मैं तुम्हारे लिए वेट करने के लिए तैयार हूँ, चाहे 1 साल हो, 3 साल हो या फिर 10 साल।
मैं हमेशा तुम्हारा वेट करूंगा। जो सुनकर वेवे इमोशनल हो जाती हैं और बोलती है कि क्या तुम मुझे इतना वेट कराओगे, मुझे तो अभी शादी करनी है। जो सुनकर शिवचंग भी खुश हो जाता है और उसे रिंग पहनाता है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।